नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर का रिवीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 12 to 15 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज होता है। कभी कभी ये चैप्टर 15 मार्क्स तक भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर के सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रोविजन क्यों लाए गए, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आपके इनकम टैक्स में क्यों लाए गए। तो जो एमएनसी होती थी, एमएनसी मतलब ऐसी कंपनीज जिनकी एक से ज़्यादा कंट्री में सब्सिडरी या एसोसिएट होती हैं, वो क्या करती थी, वो अपने एसोसिएट्स के बीच में, अपनी सब्सिडरीज के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन किया करती थी, और ट्रांजेक्शन को ऐसे मैनिपुलेट किया करती थी जिससे क्या करती थी, वो जो लो टैक्स कंट्री या नो टैक्स कंट्री या टैक्स हेवन कंट्री है वहाँ तो अपना प्रॉफिट बढ़ा देती थी, और जो हाई टैक्स कंट्री जैसे इंडिया है, हाई टैक्स कंट्री, यहाँ अपना प्रॉफिट कम कर देती थी ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करके टैक्स को बचाने के लिए। तो इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लाए गए, इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लाए गए। अब ट्रांसफर प्राइसिंग के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 92 में बता रखे हैं। 92 है चार्जिंग सेक्शन। ये बोलता है अगर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब एक फेयर प्राइस या मार्केट प्राइस पे होना चाहिए। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है तो अपन उसकी आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूट कर देंगे। क्या बोलता है, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है तो अपन आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूट कर देंगे। एसोसिएट एंटरप्राइज बता रखा है सेक्शन 92A में, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बता रखा है सेक्शन 92B में, और आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे कंप्यूट करेंगे वो बता रखा है सेक्शन 92C में। एक एक करके ये सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले 92A, एसोसिएट एंटरप्राइज। एसोसिएट एंटरप्राइज कौन होती है, सेक्शन 92A में बता रखा है। सबसे पहले अपन जानते हैं एंटरप्राइज क्या होती है। एंटरप्राइज मतलब कोई भी पर्सन जो बिजनेस करता है, वो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, कोई भी पर्सन हो जो बिजनेस करता है वो बन जाता है एंटरप्राइज। दूसरा, एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होती है, दो एंटरप्राइज एसोसिएट मान ली जाएंगी उसके लिए टोटल 13 कंडीशन दे रखी है। इन 13 कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन, कोई सी भी एक कंडीशन प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन, प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन सेटिस्फाई हो जाती है, प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन सेटिस्फाई हो जाती है तो दोनों क्या बन जाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगी। तो पहली कंडीशन बता रखी है, अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में 26% और मोर का वोटिंग पावर रखती है, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में 26% और मोर का वोटिंग पावर रखती है, दोनों बन जाएंगी एसोसिएट। जैसे ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड के अंदर 26% और मोर का वोटिंग पावर या इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करके रखती है, ए और बी क्या बन जाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज। अब इसमें एक वर्ड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली तो अपन ने देख लिया, ये इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 60% होल्डिंग रखती है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड में 50% होल्डिंग रखती है, तो ए और बी और बी एंड सी ये तो हो गई एसोसिएट एंटरप्राइज डायरेक्टली, 26% और मोर हो गया, ये हो गई डायरेक्टली। अब देखो ए लिमिटेड की सी लिमिटेड में इनडायरेक्ट होल्डिंग कितनी है, कैसे निकालोगे, ए की बी में है 60% और बी की सी में है 50%, तो ए की सी में कितनी हुई, इनडायरेक्टली ए की सी में कितनी होल्डिंग हुई, 60 × 50% करो 30 हो गई, मतलब 26% और मोर हो गई, तो ए और सी भी क्या हो गई, एसोसिएट एंटरप्राइज इंडायरेक्टली, ए और सी भी क्या हो गई, एसोसिएट एंटरप्राइज इंडायरेक्टली हो गई। मान लो ए की बी में होती 30 और बी की सी में होती मान लो 50, अब बताओ ए और सी एसोसिएट होती क्या, अब नहीं होती, क्योंकि 30 × 50 करोगे तो ये आ जाएगा 15%, अब ए और सी एसोसिएट नहीं होती, अब ए और सी नहीं होती। तो चाहे डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगी, तो एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में 26% और मोर का वोटिंग पावर रखती है, दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज, चाहे वो डायरेक्टली होल्डिंग करे चाहे इनडायरेक्टली करे, दोनों मैंने समझा दिया आपको पहला। दूसरा, एक पर्सन किन्हीं दोनों एंटरप्राइज में, एक पर्सन किन्हीं दो एंटरप्राइज में 26% और मोर की वोटिंग पावर रखता है तो वो तो आपस में बनेंगे एसोसिएट, वो दोनों एंटरप्राइज में क्या बन जाएंगी, एसोसिएट। जैसे मान लो ए लिमिटेड क्या करता है, बी लिमिटेड में 26% और मोर की वोटिंग पावर रखता है, और ए लिमिटेड सी लिमिटेड के अंदर भी 26% और मोर की वोटिंग पावर रखता है, ए और बी और ए और सी ये तो बन गई एसोसिएट पॉइंट वन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे बी और सी भी क्या बन जाएंगी एसोसिएट, बी और सी में आपस में होल्डिंग नहीं है लेकिन फिर भी बी और सी क्या बन जाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज। तो एक पर्सन किन्हीं दोनों एंटरप्राइज में 26% और मोर की वोटिंग पावर रखता है तो वो दोनों एंटरप्राइज भी क्या बन जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री क्या बोलता है, पॉइंट नंबर थ्री, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती है, लोन भी कितना देती है, जो दूसरी एंटरप्राइज के टोटल एसेट्स है उनकी बुक वैल्यू का कम से कम 51% का, उसकी उनकी बुक वैल्यू का कम से कम 51% का लोन देती है, दोनों क्या बन जाएंगे एसोसिएट। जैसे मान लो बी लिमिटेड की टोटल बुक वैल्यू है असेट्स की 100 करोड़, ए लिमिटेड जो है लोन दे देती है 51 करोड़ और मोर का, 51 करोड़ और मोर का, तो ए और बी क्या बन जाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज। इसके बाद पॉइंट नंबर फोर, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज की टोटल बोरोइंग्स की 10% या उससे ज्यादा की, 10% या उससे ज्यादा की गारंटी दे देती है, दोनों बन जाएंगी एसोसिएट एंटरप्राइज। जैसे बी लिमिटेड की टोटल बोरोइंग है मान लो 100 करोड़ और ए लिमिटेड क्या करती है 10 करोड़ या उससे ज्यादा की गारंटी दे देती है, ए और बी क्या बन गई, एसोसिएट एंटरप्राइज। इसके बाद एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज के मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है, इक्वल टू हाफ नहीं, मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है, या तो या एटलीस्ट वन या कम से कम एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है, दोनों बन जाएंगे एसोसिएट। जैसे मान लो बी लिमिटेड के टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 9, ए ने जो अपॉइंट करे हैं वो किए हैं 5 और मोर, तो ए और बी क्या बन गई, एसोसिएट एंटरप्राइज। जैसे मान लो बी लिमिटेड का ए लिमिटेड ने क्या कर दिया,
एक या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, तो ए और बी क्या बन गई, एसोसिएट एंटरप्राइज पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग, दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन हो जाए। फिर पॉइंट नंबर 6, एक पर्सन के नहीं दोनों एंटरप्राइज के मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है या तो, या एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है, तो वो दोनों एंटरप्राइज के क्या हो जाएंगे, आपस में एसोसिएट। जैसे पॉइंट 2 देखा था ना, सेम टू सेम वैसे ही। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के मान लो मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है, ए लिमिटेड सी लिमिटेड के भी मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है, ए और बी, ए और सी तो बन जाएंगे एसोसिएट पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग, बी और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे पॉइंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग। आगे देखा अपने पॉइंट नंबर 7, एक एंटरप्राइज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरी एंटरप्राइज के इंटेंजिबल एसेट पे होली डिपेंडेंट है। इंटेंजिबल एसेट मतलब नो हाउ पे, पेटेंट पे, कॉपीराइट पे, सीक्रेट फॉर्मूला पे एक एंटरप्राइज की मैन्युफैक्चरिंग पूरी की पूरी डिपेंडेंट है, दोनों की दोनों क्या बन जाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज। अगला पॉइंट देखा था, एक एंटरप्राइज की जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 90% दूसरी एंटरप्राइज सप्लाई करती है, और जो सप्लाई करने वाली एंटरप्राइज है वो खुद प्राइस और टर्म्स डिसाइड करती है। मतलब दो कंडीशन है यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में, एक तो एक एंटरप्राइज की रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है उसका 90% कम से कम 90% दूसरी एंटरप्राइज सप्लाई करती है, और जो सप्लाई कर रही है, जो सप्लाई कर रही है वो खुद प्राइस और टर्म डिसाइड करती है, मार्केट के कोई डिसाइड नहीं करते, वो खुद डिसाइड करती है, तो दोनों बन जाएंगी एसोसिएट एंटरप्राइज। जैसे मान लो बी लिमिटेड की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 10 करोड़ की, ए लिमिटेड क्या करती है 9 करोड़ और मोर का रॉ मटेरियल सप्लाई कर देती है, और एंड लोड लगा हुआ है, जो प्राइस और टर्म्स है जो सप्लाई करने वाली एंटरप्राइज मतलब ए लिमिटेड खुद डिसाइड करती है, तो ए और बी भी क्या बन जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को गुड्स सेल कर रही है, और जो प्राइस और टर्म्स है वो परचेज करने वाला बायर डिसाइड कर रहा है, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को गुड्स सेल कर रही है और प्राइस और टर्म्स कौन डिसाइड कर रहा है, बायर डिसाइड कर रहा है, तो क्या बन जाएंगी, दोनों एसोसिएट। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को गुड्स सेल कर रही है और प्राइस और टर्म्स कौन डिसाइड कर रहा है, बायर डिसाइड कर रहा है, दोनों बन जाएंगे एसोसिएट। मतलब प्राइस और टर्म्स कैसे डिसाइड होनी चाहिए, मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होनी चाहिए, बायर डिसाइड करे, दोनों क्या बन जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। आगे बता रखा है, एक एंटरप्राइज को इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है और दूसरी एंटरप्राइज को या तो इंडिविजुअल खुद कंट्रोल कर रहा है या उसका रिलेटिव कंट्रोल कर रहा है या दोनों जॉइंटली मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों एंटरप्राइज बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। जैसे मान लो एक एंटरप्राइज है ए लिमिटेड जिसको मिस्टर एक्स कंट्रोल कर रहा है, एक एंटरप्राइज है बी लिमिटेड जिसको या तो मिस्टर एक्स कंट्रोल कर रहा है या मिस्टर एक्स का रिलेटिव है मिस्टर वाई वो कंट्रोल कर रहा है या मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जॉइंटली मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या बन जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। आगे अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, एक एंटरप्राइज को मान लो एचयूएफ कंट्रोल कर रहा है, दूसरी एंटरप्राइज को एचयूएफ का मेंबर कंट्रोल कर रहा है या तो, या मेंबर का रिलेटिव कंट्रोल कर रहा है या दोनों जॉइंटली मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों बन जाएंगी एसोसिएट एंटरप्राइज पॉइंट नंबर 11 के अकॉर्डिंग। फिर पॉइंट नंबर 12, एक एंटरप्राइज कोई फर्म है एओपी है या बीओआई है और दूसरी एंटरप्राइज उसमें 10% या मोर का 10% या मोर का पीएसआर रखती है, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखती है, दोनों बन जाएंगी एसोसिएट एंटरप्राइज। पॉइंट नंबर 12 था फर्म्स वगैरह के लिए। पॉइंट नंबर 13, अगर एंटरप्राइज के बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट का रिलेशनशिप है, म्यूचुअल इंटरेस्ट या कॉमन इंटरेस्ट का रिलेशनशिप है, जैसे तीन एंटरप्राइज है तीनों जॉइंट वेंचर में काम करती हैं तो उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट का रिलेशनशिप हो गया, तो वो क्या बन जाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज। तो जो दो एंटरप्राइज जॉइंट वेंचर में मिलकर काम करती हैं वो सब आपस में क्या मानी जाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज। तो टोटल 13 कंडीशन थी, इन 13 में से कोई भी एक कंडीशन प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन सेटिस्फाई हो गई तो दोनों क्या मान ली जाएंगी, एसोसिएट। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन ए लिमिटेड की बी लिमिटेड में होल्डिंग हो गई 26% या उससे ज़्यादा की, बाद में होल्डिंग कम हो गई, मान लो बाद में होल्डिंग कम हो गई, सेकंड डे कम हो गई मान लो, तो एसोसिएट होंगी कि हाँ हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उस प्रीवियस ईयर में दोनों के बन जाएंगे एसोसिएट। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर के किसी दिन जो लोन था एक एंटरप्राइज ने जो दिया था 51% या उससे ज़्यादा का हो गया दूसरी एंटरप्राइज की बुक्स का, बुक्स वैल्यू ऑफ टोटल एसेट का, बाद में मान लो नेक्स्ट डे लोन रिपे कर दिया दूसरी एंटरप्राइज ने, बताओ एसोसिएट मानी जाएंगे, हाँ मान ली जाएंगे। एक बार कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन तो दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। ये थी 13 कंडीशन, कोई से भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए अपन क्या मान लेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, अब देखते हैं सेक्शन 92 बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होगा। ये बोलता है कोई भी ट्रांजैक्शन जो दो या दो से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हुआ है जिसमें कम से कम एक क्या है नॉन रेजिडेंट, जिसमें कम से कम एक क्या है नॉन रेजिडेंट, वो बनेगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो जैसे मान लो दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक रेजिडेंट है और एक नॉन रेजिडेंट है, बताओ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानेंगे क्या, हाँ मान लेंगे, क्योंकि कम से कम एक नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए। दोनों की दोनों रेजिडेंट है तो नहीं बनेगा, दोनों की दोनों रेजिडेंट है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तीसरा केस, दोनों की दोनों नॉन रेजिडेंट है तो हाँ तो भी मान लेंगे, क्योंकि कम से कम एक नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए। अब आप बोलोगे दो नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइज है, मान लो एक सैम लिमिटेड है एक मान लो रोकी लिमिटेड है, दोनों यूएस की एंटरप्राइज है, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इंडिया वालों को क्या फर्क पड़ेगा। देखो इंडिया वालों को फर्क पड़ सकता है, मान लो इस ट्रांजैक्शन से जो इनकम है सैम लिमिटेड या रोकी लिमिटेड की कोई भी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, इस ट्रांजैक्शन से जो इनकम हो रही है या तो सैम को हो रही है या रोकी को हो रही है वो इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, तो इंडिया वालों को फर्क पड़ जाएगा। तो इस कारण अगर दो नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन से इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है तो वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा, मतलब कम से कम एक नॉन रेजिडेंट होना चाहिए तब जाके बनेगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन।
आगे बता रखा है ट्रांजेक्शन का नेचर क्या होगा। वो ट्रांजेक्शन देखो परचेज का भी हो सकता है, सेल का भी हो सकता है, रेंट का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, लोन देने का भी हो सकता है, लोन लेने का भी हो सकता है, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का भी हो सकता है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है जो प्रॉफिट को अफेक्ट करे, जो प्रॉफिट को अफेक्ट करे ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाली परचेज का होगा या सेल का होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है जो प्रॉफिट को अफेक्ट करे। आगे बता रखा है अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। किस होना चाहिए? आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए। आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दूसरी प्राइस पर ट्रांजेक्शन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन वैसे तो आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए, लेकिन अगर आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं किया, मान लो आपने दूसरी प्राइस पर कर लिया ट्रांजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इनकम में एडजस्टमेंट कर दो। आपको अपनी इनकम को एडजस्ट करके बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एडजस्टमेंट, मतलब आपको अपने इनकम में प्राइमरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा रिटर्न भरते वक्त। गवर्नमेंट बोलती है ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस से नहीं किया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप रिटर्न भरो, रिटर्न भरते वक्त आपको अपनी इनकम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बढ़ा देते हो तो ठीक है, नहीं बढ़ाते बाद में केस आपका स्क्रूटनी में चला गया एओ के पास, फिर एओ बढ़ाएगा। तो ये बोलता है आर्म्स लेंथ प्राइस से ट्रांजेक्शन होना चाहिए और आपको अपनी इनकम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपने आर्म्स लेंथ प्राइस से ट्रांजेक्शन नहीं किया। अब आगे बताता है कि उस ट्रांजेक्शन से, उस एडजस्टमेंट से आपकी इनकम बढ़ तो सकती है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो ठीक है, बढ़ा दो आप। लेकिन अगर एडजस्टमेंट के कारण अगर आपकी इनकम कम हो रही है, आपने आर्म्स लेंथ प्राइस से ट्रांजेक्शन नहीं किया और आपको इनकम में एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, और एडजस्टमेंट के कारण अगर एसएससी की इनकम कम हो रही है, तो ये मान लेना कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन है ही नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग आपके ऊपर लगेगा ही नहीं, और उस एडजस्टमेंट को क्या कर देना? इग्नोर कर देना। देखो कितने चालाक लोग हैं डिपार्टमेंट वाले, ये बोलते हैं आपने आर्म्स लेंथ प्राइस से ट्रांजेक्शन नहीं किया तो आपको इनकम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ठीक है, लेकिन उस एडजस्टमेंट से इनकम कम हो रही है, तो ये मानना ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन है ही नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा ही नहीं, और उस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देना। अब ये क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक एंटरप्राइज है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इंडिया की एंटरप्राइज है, इसकी टोटल इनकम दे रखी है, ट्रांसफर प्राइसिंग का भी आपने एडजस्टमेंट किया नहीं, उससे पहले कितनी दे रखी है? 50 लाख की इनकम दे रखी है। अब दो केस लेंगे बस। केस वन, नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने एक ट्रांजेक्शन कर रखा था नेस्ले यूएस लिमिटेड के साथ। दोनों क्या है? दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, नेस्ले ग्रुप की हैं दोनों। अब ट्रांजेक्शन क्या था? ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन गया, क्योंकि नेस्ले यूएस यूएस की है, नेस्ले इंडिया इंडिया की है, तो एक नॉन रेजिडेंट हो गया, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन गया। सेल का ट्रांजेक्शन था, 8 लाख में सेल करी थी नेस्ले इंडिया ने, चॉकलेट्स वगैरह सेल करी थी 8 लाख में। इस ट्रांजेक्शन की जो आर्म्स लेंथ प्राइस थी 14 लाख थी। एक्चुअल कितने का हुआ ट्रांजेक्शन? 8 लाख का, और आर्म्स लेंथ प्राइस थी 14 लाख। आपने ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने दूसरी प्राइस पर किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको अपने इनकम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड की टोटल इनकम थी 50 लाख की, अभी उसने ट्रांसफर प्राइसिंग का एडजस्टमेंट नहीं किया, उससे पहले उसकी इनकम कितनी थी? 50 लाख की। चलो 50 लाख की थी। अब बताओ नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 8 लाख की सेल दिखाई है, दिखानी कितनी चाहिए थी उसको? आर्म्स लेंथ प्राइस है 14 लाख, मार्केट प्राइस क्या है? 14 लाख। 14 लाख की सेल दिखानी चाहिए थी, जितनी दिखाई कितनी उसने? 8 लाख। 6 लाख से अपनी सेल कम दिखा रखी है। किसने? नेस्ले इंडिया ने 6 लाख से सेल कम दिखा रखी है, मतलब नेस्ले इंडिया ने 6 लाख से अपना प्रॉफिट कम दिखा रखा है। इसको 6 लाख से अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, 6 लाख से अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी इसकी इनकम कितनी है? 50 लाख। 6 लाख से अपन ने इसकी इनकम बढ़ा दी, एडजस्टमेंट कर दिया, और 56 लाख इसकी इनकम कर दी। तो आर्म्स लेंथ प्राइस से अपन ने इसकी इनकम को एडजस्ट कर दिया, इनकम को बढ़ा दिया। इसे बोलते हैं अपन प्राइमरी एडजस्टमेंट। 6 लाख से जो अपन इनकम को बढ़ाया, ये क्या है? प्राइमरी एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एडजस्टमेंट। चलो ठीक है, ये तो ये केस तो अपन ने देख लिया। अब ये एडजस्टमेंट या तो ये खुद करते, खुद नहीं करता और बाद में स्क्रूटनी में पकड़ा गया, तो फिर डिपार्टमेंट वाले इसका एडजस्टमेंट करेंगे और फिर वो भारी पेनल्टी लगाएंगे, फिर वो इसको मिस रिपोर्टिंग मान के पेनल्टी वगैरह ठोकेंगे, वो अलग बात है। तो ये खुद कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरा केस टू, केस टू में क्या है? नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने जो ट्रांजेक्शन किया नेस्ले यूएस के साथ, सेल की 20 लाख की चॉकलेट सेल करी नेस्ले इंडिया ने, आर्म्स लेंथ प्राइस थी 16 लाख। 16 लाख की जो चॉकलेट है, 20 लाख की सेल दिखाई है। 4 लाख से ज़्यादा सेल दिखा रखी है। किसने? इंडिया वाले ने। इंडिया वाले ने 4 लाख से ज़्यादा की सेल दिखा रखी है, मतलब 4 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रखा है, 4 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रखा है। तो इसकी टोटल इनकम भी आ रही है 50 लाख, 4 लाख से ज़्यादा इनकम दिखा रखी है। अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग का एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ेगा? देखो जो आपने ट्रांजेक्शन किया है ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, आर्म्स लेंथ प्राइस 16 लाख है और सेल की है 20 लाख, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपन को। तो अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग का एडजस्टमेंट करोगे तो इसकी सेल को 20 लाख की जो सेल है उसको 16 पे लेके आओगे, तो 4 लाख से आपको इसकी इनकम को कम करना पड़ेगा। तो 16 से 20, 16 माइनस 20, 4 लाख से इनकम कम करोगे। तो मैंने बताया था अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट के कारण अगर आपकी इनकम कम होती है तो ये मान लेना ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन है ही नहीं और उसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे देखो 4 लाख से इनकम कम हो जाती तो 46 लाख हो जाती। तो ऐसे केस अपन ये मानेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन है ही नहीं और उस एडजस्टमेंट को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो एडजस्टमेंट से ऐसे की इनकम बढ़ तो सकती है, लेकिन अगर कम होती है
तो ये मान लेना ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन है ही नहीं, फिर आपको इनकम में एडजस्टमेंट नहीं करना, फिर इनकम में एडजस्टमेंट नहीं करना। ये था। अब आप बोलोगे इस नेस्ले यूएस लिमिटेड का भी अपन को चेक करेंगे क्या? देखो इससे मतलब ही नहीं है, नेस्ले यूएस लिमिटेड जो भी पर्चे दिखाती है ये तो यूएस में है, इसको तो यूएस वाले देखेंगे, अपन क्या करेंगे इसका? अपन को तो उससे मतलब है जिस एंटरप्राइज की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है उस एंटरप्राइज से मतलब है। नेस्ले यूएस तो यूएस की है, उससे अपन को क्या मतलब है? उससे मतलब क्या है अपन को? ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया सेक्शन 92B। अब आते हैं अपन 92B का सबसेक्शन 2, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या है? ये क्या है ये बताता है, अगर आपने जो ट्रांजेक्शन किया मतलब एंटरप्राइज ने जो ट्रांजेक्शन किया एक थर्ड पर्सन के साथ किया, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ नहीं किया, लेकिन उस थर्ड पर्सन का उस एंटरप्राइज की एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, उस थर्ड पर्सन का उस एंटरप्राइज की एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ पहले से एक एग्रीमेंट बना हुआ था, पहले से एक एग्रीमेंट बना हुआ था, तो जो ट्रांजेक्शन हुआ है एंटरप्राइज और थर्ड पर्सन में, जो ट्रांजेक्शन एंटरप्राइज और थर्ड पर्सन में हुआ है वो बन जाएगा डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, चाहे वो थर्ड पर्सन रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इसका, एक एग्जांपल से समझ लो। देखो नेस्ले इंडिया लिमिटेड और नेस्ले यूएस लिमिटेड दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज थी, ये आपस में ट्रांजेक्शन करती, मान लो ये आपस में ट्रांजेक्शन करती तो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाते, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन जाता। तो इन्होंने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने जो ट्रांजेक्शन किया वो एक पर्सन के साथ किया, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक थर्ड पर्सन है, आउटसाइडर है, जिसका नेस्ले इंडिया लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है। आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन करते हो तो बताओ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। दो या दो से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजेक्शन होना चाहिए और कम से कम एक नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, तब लगते हैं प्रोविजन। तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड एक पर्सन है मिस्टर एक्स, चाहे उसको रेजिडेंट मानो चाहे नॉन रेजिडेंट कुछ भी मानो उसको, उसके साथ ट्रांजेक्शन किया। नेस्ले इंडिया ने गुड सेल करे, चॉकलेट सेल करी फर्स्ट अक्टूबर को सेल करी, बताओ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। लेकिन इस मिस्टर एक्स ने क्या कर रखा था, उस नेस्ले इंडिया की एसोसिएट एंटरप्राइज है नेस्ले यूएस, इसके हाथ पहले से एक एग्रीमेंट बना रखा था। पहले से क्या एग्रीमेंट बना रखा था, 30 सितंबर को एग्रीमेंट बनाया था। क्या बनाया था, मिस्टर एक्स ने बोला था कि मैं क्या करूंगा, नेस्ले इंडिया से गुड्स परचेज कर लूंगा, नेस्ले इंडिया से गुड्स परचेज करूंगा और नेस्ले यूएस को सेल कर दूंगा, ये एग्रीमेंट बना रखा था। इतना दिमाग लगा रखा था, मतलब नेस्ले इंडिया पहले सेल करेगी मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स सेम गुड्स को नेस्ले यूएस को सेल कर देगा, सेम गुड्स नेस्ले यूएस को चिपका देगा। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट, प्रायर एग्रीमेंट बना हुआ है तो ये मानेंगे जो नेस्ले इंडिया और मिस्टर एक्स के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है ये बन जाएगा डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। क्या बन जाएगा, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, चाहे दोनों अनरिलेटेड पार्टी हैं, मिस्टर एक्स चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो एंटरप्राइज ऐसे फर्जीवाड़ा करने लग गई थी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन से बचने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर एक एंटरप्राइज थर्ड पर्सन से ट्रांजेक्शन करती है और वो थर्ड पर्सन उस एंटरप्राइज की एसोसिएट के हाथ पहले से एक एग्रीमेंट में एंटर हो रखा होता है, तो उस एंटरप्राइज और थर्ड पर्सन में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी बन जाएगा डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, चाहे वो थर्ड पर्सन रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेक्शन 92B का सबसेक्शन 2, जो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 92C, कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। इसका क्वेश्चन आपको हर अटेम्प्ट में मिलेगा, आपको आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूट करनी है हर अटेम्प्ट में, एक क्वेश्चन तो फिक्स है इसका आएगा। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आते हैं, डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू वगैरह भी आ जाते हैं, तो 12-15 मार्क्स तक ये चैप्टर पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूट करने का। अब आप आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे कंप्यूट करोगे, तो उसके लिए टोटल 5 मेथड बता रखे हैं। कौन कौन से बता रखे हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड कप मेथड, दूसरा रीसेल प्राइस मेथड RPM, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड CPM, चौथा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड प्रॉफिट PSM और पांचवा ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड TNMM। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो क्या करना पड़ता है आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है, आपने जो ट्रांजेक्शन किया है अपनी एसोसिएट के साथ, उस ट्रांजेक्शन के लिए जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उस ट्रांजेक्शन के लिए जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपको सेलेक्ट करना होता है, वो चूज करना होता है। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, देखो एग्जाम में आपको साफ लिख के देगा कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर कप मेथड या कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर TNMM मेथड, साफ लिख के देगा आपको। 99% क्वेश्चन में आपको लिख के देगा, गलती से लिख के ना दे तो क्या करोगे, लिख के ना दे तो आप तो कप मेथड लगा देना, वैसे लिख के देगा आपको, ये श्योर रहो आपको लिख के देगा। लिख के नहीं दे गलती से तो फिर आपको क्या लगाना है, कप मेथड। इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही करता है, अगर लिख के दे देता है तो जिस मेथड से लिख के दिया है उसी से करना आपको। अगर आपने दूसरा मेथड लगा दिया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आंसर भी लगाएगा। तो लिख के दे तो जो मेथड क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी से करना है, लिख के नहीं दे क्वेश्चन में कि इस मेथड से करो, खाली ऐसा लिखा है कंप्यूटर आर्म्स लेंथ प्राइस, तो आप क्या लगा देना, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड लगा देना। प्रैक्टिकल लाइफ में ये कप मेथड और ये TNM मेथड काफ़ी यूज होता है, लेकिन एग्जाम में किसी भी मेथड का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी मेथड आ सकता है एग्जाम में। अब अपन एक एक करके मेथड देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेथड। सबसे पहले कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड कप मेथड,
इस मेथड में अपन देखो आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं। आपने जो ट्रांजेक्शन अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के हाथ कर रखा है उस ट्रांजेक्शन को अपन कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं? सिमिलर अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के साथ। सिमिलर अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। आप लोग सिमिलर अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है? आपने वैसा ही कोई सिमिलर ट्रांजेक्शन किसी आउटसाइडर के साथ कर रखा है। मान लो जो ट्रांजेक्शन आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ किया है, सेम वैसा ही सिमिलर वैसा ही कोई ट्रांजेक्शन आपने किसी आउटसाइडर या थर्ड पार्टी के साथ कर रखा है, उन दोनों ट्रांजेक्शन को अपन कंपेयर कर लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो एक एग्जांपल है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया की एंटरप्राइज है, इसने नेस्ले यूएस लिमिटेड जो इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है इसको चॉकलेट सेल करी है 5000 यूनिट एट द रेट रुपीज 350 पर यूनिट। अब नेस्ले इंडिया लिमिटेड क्या करता है? सिमिलर चॉकलेट सोल्ड करता है एबीसी लिमिटेड को, सिमिलर चॉकलेट सोल्ड करता है एबीसी लिमिटेड को 3000 यूनिट सोल्ड करता है एट द रेट 800 पर यूनिट में। एट द रेट 800 पर यूनिट में सिमिलर चॉकलेट ये सेल करता है किसको? एबीसी लिमिटेड, जो आउटसाइडर है। अब अपन क्या करेंगे, नेस्ले इंडिया ने जो ट्रांजेक्शन नेस्ले यूएस के साथ कर रखा है इस ट्रांजेक्शन को अपन कंपेयर कर लेंगे। किसके साथ? नेस्ले इंडिया ने जो ट्रांजेक्शन एबीसी के साथ किया है, इन दोनों ट्रांजेक्शन को आपस में अपन क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे देखो अपन अभी देखते हैं। मान लो ये बस इतना ही एग्जांपल होता है, इतना ही क्वेश्चन होता है, कंपेयर कैसे करते। नेस्ले इंडिया लिमिटेड अपनी एसोसिएट को देता है 350 पे। कितने पे देता है? 350 पर यूनिट पे। और सिमिलर चॉकलेट ये बाहर वाले को सेल करता है 800 पर यूनिट पे। मतलब एक तरीके से बाहर वाले को 800 चार्ज करता है, तो आर्म्स लेंथ प्राइस क्या हो गई? 800 हो गई। इसको अपनी एसोसिएट से भी कितना चार्ज करना चाहिए था? 800, लेकिन ये कम चार्ज करता है 350, और अपनी सेल कम दिखा रखी है नेस्ले इंडिया ने, तो अपन एडजस्टमेंट कर देते, 800 आ गई आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, 350 का इसने ट्रांजेक्शन अपनी एसोसिएट के हाथ कर रखा है पर यूनिट। ये पर यूनिट आई कितनी है? ये पर यूनिट डिफरेंस आया 450 का, और 5000 यूनिट सेल करता है। इतने अमाउंट से अपन इसकी इनकम को बढ़ा देते नेस्ले इंडिया की, ये कर देते अपन प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि आपको बस एक आर्म्स लेंथ प्राइस दे रखी है उससे कंपेयर कर लिया। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे? फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट। फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट क्या होते हैं? आपने सिमिलर ट्रांजेक्शन तो कर रखा है, आप जो चॉकलेट सेल करते हो नेस्ले यूएस को, वैसे की वैसी चॉकलेट आपने एबीसी लिमिटेड को सेल कर रखी है, एक आउटसाइडर को सेल कर रखी है, लेकिन इन दोनों ट्रांजेक्शन में कुछ फंक्शनल डिफरेंस है। कुछ फंक्शनल डिफरेंस कैसे? एक को आप वारंटी देते हो, एक को नहीं देते। एक को आप मान लो एफओबी में सेल करते हो, एक को सीआईएफ में सेल करते हो। एक को डिस्काउंट देते हो, एक को नहीं देते। ऐसे डिफरेंस है, उनका अपन को क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उनका क्या करना पड़ेगा? अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने के बाद आपकी आ जाएगी आर्म्स लेंथ प्राइस। कैसे करेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूट? सबसे पहले अपन ले लेंगे प्राइस चार्ज या पेड इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन आपने आउटसाइडर के साथ किया है उसमें जो प्राइस आपने चार्ज करी है, या तो या जो पे करी है वो ले लेंगे। देखो अगर सेल वाला केस है, देखो सेल का केस भी आ सकता है, परचेज का केस भी आ सकता है। आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो एसोसिएट के साथ, ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे परचेज कर रहे हो, हो सकता है उसको सेल कर रहे हो, वैसे जनरली सेल वाला केस आता है, लेकिन परचेज का केस भी आ सकता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है, परचेज का, सेल का, सर्विस का, लैंडिंग ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी का, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो परचेज का केस भी आ सकता है, सेल का केस भी आ सकता है, लेकिन 99% केस में सेल वाला केस आता है, लेकिन फिर भी परचेज का केस भी आ सकता है। तो अगर मान लो आपका सेल वाला केस है, तो जो आपने आउटसाइडर को जितने पे सेल करी है वो अमाउंट ले लेंगे। परचेज वाला केस है तो आउटसाइडर से जितने में परचेज करी है आउटसाइडर से वो ले लेंगे। वो क्यों लेंगे? वो क्यों लेंगे? देखो आपने अपनी एसोसिएट के साथ ट्रांजेक्शन किया 350 पे, ये प्राइस तो क्या है? गड़बड़ प्राइस है। इसमें तो झोल है, ये तो गड़बड़ प्राइस है, ये तो ले नहीं सकते। ये तो अपन को निकालनी है कि आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होनी चाहिए थी, कितने पे ट्रांजेक्शन करना चाहिए था, ये तो गलत है। तो सही प्राइस क्या है? सही प्राइस है ये आउटसाइडर वाली, कि आउटसाइडर को आप कितने में सेल कर रहे हो अगर सेल वाला केस है तो, और परचेज वाला केस है तो आउटसाइडर से कितने में परचेज कर रहे हो। तो अपन कौन से अमाउंट लेंगे? आउटसाइडर के लेंगे। प्राइस चार्ज और पेड इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? इस एग्जांपल की बात करें तो 350 या 800 से अपन स्टार्टिंग करेंगे, 800 ले लेंगे। अब इसमें अपन कुछ प्लस माइनस करेंगे, फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट। क्या करेंगे? फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट प्लस माइनस करेंगे। 800 ले लिया अपन ने, अब अपन को प्लस माइनस करना है। उसके लिए आपको कुछ फंक्शनल डिफरेंस दे रखे होंगे दोनों ट्रांजेक्शन के, वो देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में दे रखे तीन टाइप के। वैसे जनरली जो आपका ये मेथड होता है ना, कौन सा? कप मेथड। इसमें जनरली ये वाले आते हैं फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट। एक तो एफओबी सीएएफ का आता है, एक वारंटी बोल दो या आफ्टर सेल सपोर्ट बोल दो, एक ही बात है, और एक क्वांटिटी डिस्काउंट का आता है। अब कैसे प्लस माइनस करोगे उसके लिए वैसे तो मैंने शॉर्टकट भी आपको बता रखा है, वो मैं क्लास में बताया था आपको, और इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि अगर ए के साथ है तो ऐड करो या वो लेस करो, वो सब मैं आपको अभी बता दूंगा डिटेल में। लेकिन अपन को कैसे करना पड़ता है? लॉजिक लगा के करना पड़ता है। आपकी ए को सेल करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है या कम कॉस्ट आ रही है? एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है तो अपन ऐड करते हैं, कम कॉस्ट आ रही है तो लेस करते हैं। ऐसा सोच सोच के करना पड़ता है।
कैसे सोचना पड़ता है ना, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ सोच के कैसे करना पड़ता है। दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको अगर सोचने का लॉजिक लगाने का अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो लॉजिक लगा के कर सकते हो, लॉजिक लगाने का आपके पास टाइम नहीं है आपको तो तुरंत ऐड लेस करना है, उसके लिए मैंने टेबल बना रखी कि ये दे दे तो ऐड कर दो, ये दे दे तो लेस कर दो, पर उसको सोचना ही नहीं है, वो तो रट्टे मारने का तरीका है। दोनों तरीके से कर सकते हो, रट के भी कर सकते हो और लॉजिक लगा के दिमाग लगा के भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कैसे भी करो। अब नेस्ले इंडिया क्या करती है, नेस्ले यूएस को सेल करती है जो इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है, और सिमिलर ट्रांजेक्शन ये एबीसी लिमिटेड आउटसाइडर के साथ भी करती है। अब बता रखा है नेस्ले इंडिया लिमिटेड जो नेस्ले यूएस अपनी एसोसिएट को सेल करती है वो तो करती है सीआईएफ बेसिस, किस पे, सीआईएफ, और नेस्ले इंडिया लिमिटेड जब आउटसाइडर को सेल करती है एबीसी को तो एफओबी पे करती है। अब आप बोलोगे सीआईएफ या एफओबी ये क्या होते हैं, ये आपने इंटर लेवल पे फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रखे हो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो सीआईएफ की जो सेल होती है, सीआईएफ की जो सेल होती है ना उसमें फ्रेट और इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है, आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो आपका खर्चा लग रहा है फ्रेट और इंश्योरेंस का, वो खर्चा सेलर बियर करता है, बेचने वाला अपनी जेब से देता है। और अगर एफओबी की सेल होती है, एफओबी की सेल फ्रेट ऑन बोर्ड जिसको अपन बोलते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड, एफओबी की सेल में जो खरीदने वाला बायर है वो खुद देता है फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा, ये फर्क होता है। सीआईएफ में सेलर देता है और एफओबी में कौन देता है, बायर देता है। तो आप अपनी एसोसिएट को सेल करते हो सीआईएफ पे और आउटसाइडर को सेल करते हो एफओबी पे, मतलब एबीसी लिमिटेड को जब आप सेल करते हो तो बेचारा एबीसी लिमिटेड जो है आउटसाइडर जो है वो खुद की जेब से फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा देता है। फ्रेट और इंश्योरेंस का कितना खर्चा है यहाँ पे, 40 रुपीज़ का लग रहा है आपका पर यूनिट का, देखो दे भी रखा है इस एग्जाम्पल में कितना दे रखा है, 40 पर यूनिट का लग रहा है, तो 40 रुपीज़ एबीसी लिमिटेड खुद भुगतता है बेचारा। लेकिन जब आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज नेस्ले यूएस को सेल करते हो तो सीआईएफ पे करते हो, सीआईएफ पे करते हो, और इस केस में नेस्ले इंडिया लिमिटेड इसको खुद को बेचारे को 40 रुपये भुगतने पड़ते हैं, आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं भुगतती 40 रुपये, आपको खुद की जेब से देने पड़ते हैं। तो जब आप अपनी एसोसिएट को सेल करते हो आपकी 40 रुपीज़ की एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि आउटसाइडर को करते हो तो बेचारा वो खुद अपनी जेब से देता है फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा, लेकिन एसोसिएट को सेल करते हो तो 40 रुपीज़ आप अपनी जेब से देते हो, आपकी 40 रुपीज़ की एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। बताओ आप अपने एसोसिएट से कम चार्ज करोगे ज़्यादा चार्ज करोगे, आपको कम चार्ज करना चाहिए ज़्यादा चार्ज करना चाहिए, ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। अगर आप बाहर वाले से 800 चार्ज करते हो तो एसोसिएट से कितने करने चाहिए, 840 रुपये एक्स्ट्रा करने चाहिए। 40 रुपये एक्स्ट्रा क्यों करने चाहिए, क्योंकि आपकी 40 रुपीज़ की एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, सीआईएफ की सेल करते हो आप उसको, आपको 40 रुपीज़ अपनी जेब से देने पड़ते हैं इंश्योरेंस ऑफ रेट के, और बाहर वाले को करते हो तो वो खुद बेचारा देता है 40 रुपये, तो आपको 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने चाहिए। 840 चार्ज करोगे तभी दोनों ट्रांजेक्शन क्या आएंगे, बराबरी में आएंगे। बराबरी में कैसे आएंगे, इसको आप 840 में सेल करोगे, 40 रुपीज़ आपकी लग जाएगी फ्रेट और इंश्योरेंस की कॉस्ट, तो नेट आपके पास कितना बचेगा, 800 बचेगा नेस्ले इंडिया के पास, और बाहर वाले को सेल करते हो तो कितना बचता है आपके पास, 800 ही बचता है। कितना सेल आती है, सेल का कितना अमाउंट बचता है, 800 बचता है। तो इस कारण आपको 40 रुपीज़ ज़्यादा चार्ज करनी चाहिए क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है एई को सेल करने में। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। ये उल्टा भी हो सकता है कि आप अपनी एसोसिएट को तो सेल करते हो क्या बोलते हैं एफओबी पे और आउटसाइडर को सेल करते हो सीआईएफ पे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा अगर उल्टा होता तो अपन लेस कर देते, तो उल्टा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा आप अपनी एसोसिएट को सीआईएफ पे करोगे, उल्टा भी एडजस्टमेंट दे सकता है, उल्टा भी एडजस्टमेंट दे सकता है। दूसरा एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, जो नेस्ले इंडिया लिमिटेड है वो क्या करती है, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को वारंटी देती है 6 मंथ की, और आउटसाइडर को कोई वारंटी नहीं देती, आउटसाइड जो एबीसी है उसको कोई वारंटी नहीं देती, और वारंटी की जो कॉस्ट आती है नेस्ले इंडिया की 70 रुपीज़ की आती है पर यूनिट की, और वो पर एनम की आती है, तो 6 मंथ की कॉस्ट हो गई 35 रुपीज़ की। तो इस 35 को ऐड करोगे लेस करोगे, देखो नेस्ले इंडिया लिमिटेड आउटसाइडर को तो वारंटी नहीं देती, इसको तो वारंटी नहीं देती, नो वारंटी, लेकिन इसको देती है वारंटी, इसको देती है वारंटी, और वारंटी देने की नेस्ले इंडिया की एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है 70 रुपीज़ पूरे साल की, लेकिन 6 मंथ्स की वारंटी देती है तो 6 मंथ की कॉस्ट कितनी होगी, 35 की आती है, 35 की आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। आप अपनी ए को सेल करते हो 35 ज़्यादा चार्ज करोगे कम करोगे, ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो आप किसी को भी वारंटी देते हो तो उससे ज़्यादा चार्ज करोगे। मान लो आप मान लो बाजार से मोबाइल खरीद के लेके आते हो, एक बिना वारंटी का एक वारंटी के साथ, एक बिना वारंटी का खरीदते हो, बिना वारंटी का आपको 10,000 का देगा सेलर, और वारंटी के साथ खरीदोगे तो वो आपके वारंटी चार्ज एक्स्ट्रा लगाएगा, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा लिया 11,000 का दे दिया, ऐसा होता है ना। या मान लो आप एप्पल का मोबाइल खरीदते हो, आपको पता है वहाँ पे भी बिना वारंटी का खरीदते हो 1 लाख का पड़ा आपको, साथ में आप वारंटी लेते हो 1 साल की 2 साल की, तो वो आपको 1,20,000 या 1,30,000 चार्ज करता है। आप वारंटी लेते हो या इंश्योरेंस लेते हो तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है तो एक्स्ट्रा चार्ज करता है वो। तो आप अपनी एसोसिएट को वारंटी देते हो, आउटसाइडर को नहीं देते, तो एसोसिएट को सेल करने में आपकी वारंटी की एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, वो अपन ने ऐड कर दी, ज़्यादा चार्ज करते हैं। उल्टा भी हो सकता था कि आप आउटसाइडर को वारंटी देते हो, एसोसिएट को नहीं देते, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा होता तो लेस कर देते। ऐसा भी हो सकता था कि एसोसिएट को तो देते हो आप 1 ईयर की वारंटी और इसको देते हो 6 मंथ्स की वारंटी, मतलब एसोसिएट को ज़्यादा वारंटी देते हो तो ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो डिफरेंस जितनी ज़्यादा कॉस्ट आती है उतना ऐड कर देते। ऐसे सोच सोच के करना पड़ता है।
ऐसे सोच सोच के करना पड़ता है एडजस्टमेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से लॉजिक लगाना पड़ता है। शॉर्टकट भी बताऊंगा, रुक जाओ, शॉर्टकट भी बताऊंगा, शॉर्टकट में दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, तो जो क्वेश्चन पढ़ना है देखना है कि ऐड करेंगे लेस करेंगे, सीधा पता चल जाएगा आपको। तीसरा एडजस्टमेंट दे रखा है डिस्काउंट का, आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को ज़्यादा क्वांटिटी की सेल करते हो, देखो इसको 5000 यूनिट सेल करते हो और आउटसाइडर को करते हो 3000 यूनिट, तो आपको क्या करना है, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को क्वांटिटी डिस्काउंट देना है, कितने का, 60 रुपीज पर यूनिट का। आप अपनी एसोसिएट को ज़्यादा सेल करते हो तो वो आपसे क्वांटिटी डिस्काउंट मांग रही है, आप बाहर वाले को 800 में सेल करते हो तो वो बताओ एसोसिएट क्या करोगे, 60 का डिस्काउंट देना है, खुद ही बोला कि 60 का आपको उसको डिस्काउंट देना है, तो लेस कर दो, डिस्काउंट देना है डिस्काउंट लेस कर दिया, ये आ गई आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, ये आएगी आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस। इस तरह से फंक्शनल एडजस्टमेंट होते हैं, प्लस माइनस करने पड़ते हैं, आपको सोच सोच के करना पड़ता है कि ऐड करेंगे या लेस करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे। ये डिस्काउंट वाला भी उल्टा हो सकता था, डिस्काउंट वाला भी उल्टा हो सकता था, उल्टा होता तो अपन ऐड कर देते, तो इस तरह से आ जाएगी आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस आई 815, आपने एक्चुअल ट्रांजेक्शन कितने में कर रखा है, 350 में कर रखा है, 350 माइनस 815 या 815 माइनस 350 इंटू कितनी यूनिट सेल करी आपने, 5000 यूनिट सेल करी है, तो कितने से इनकम बढ़ा दोगे आप नेस्ले इंडिया की, 23,25,000 से, ये हो जाएगा प्राइमरी एडजस्टमेंट। ये करना है, ये निकालना होता है आपको, कभी कभी आर्म्स लेंथ प्राइस पूछता है ये निकाल दो, कभी कभी पूछता है कि कितनी इनकम बढ़ाओगे तो ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। मान लो आर्म्स लेंथ प्राइस आती यहाँ पे 200 आती तो इनकम बढ़ा ही नहीं सकती थी, तो सीधे इनकम कम होती, फिर अपन क्या करते, उस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देते। मैंने बताया था ये भी आपको सेक्शन 92B में बताया था ये आपको मैंने, लेकिन यहाँ कितनी आई है 815, आपको 815 में सेल करनी चाहिए थी, लेकिन आप कितने में कर रहे हो, 350 में कर रहे हो, आपने अपनी इनकम कम दिखा रखी है नेस्ले इंडिया ने, तो इनकम में अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया। अब एक बात और है, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते हैं ना अपन कप मेथड में, तो यहाँ पे जनरली अपन क्या करते हैं, पर यूनिट में निकाल लेते हैं, आपको जो डाटा पर यूनिट में दे रखा है पर यूनिट में निकाल लेते हैं, हाँ टोटल में दे रखा है आपको, पर यूनिट का डाटा दे नहीं रखा बात ही अलग है, फिर वैसे निकाल देंगे, लेकिन अगर आपको पर यूनिट का डाटा दे रखा है तो कप मेथड में, किस में, कप मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी मेथड में तो अपन टोटल में कर लेते हैं, लेकिन कप मेथड में इंस्टीट्यूट क्या करता है, पर यूनिट में निकाल लेता है आपसे, पर यूनिट में निकाल लो, बाकी टोटल में निकाल लो, एक ही बात है, लास्ट में अगर आप टोटल करोगे तो सेम आएगा फिगर, तो वैसे इंस्टीट्यूट क्या करता है, पर यूनिट में निकालता है, तो आप भी कप मेथड का क्वेश्चन आ जाए और पर यूनिट का डाटा दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है ना पर यूनिट का डाटा, तो आप पर यूनिट में निकाल देना, आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दिया कैसे होते हैं, ये मैंने एक बार आपको लॉजिक वाला बता दिया, शॉर्टकट में बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार मैंने लॉजिक वाला भी समझा दिया कि इस तरह से लॉजिक लगाते हैं अपन। अब आ जाओ अपन अगले मेथड में, रीसेल प्राइस मेथड। अब रीसेल प्राइस मेथड देखो कब लगाते हैं अपन, कब लगाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, आप क्या करते हो, कोई आइटम अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से परचेज करके उसको एज इट इज बाहर वाले को सेल कर देते हो, अपनी एसोसिएट से परचेज करते हो कोई आइटम और उसको एज इट इज बाहर वाले को सेल कर देते हो, तो लगाते हैं रीसेल प्राइस मेथड। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, नेस्ले इंडिया लिमिटेड जो इंडिया की एंटरप्राइज है, उसने क्या किया, 10 लाख की परचेज करी नेस्ले यूएस से, 10 लाख का कोई आइटम परचेज किया नेस्ले यूएस से, और उस आइटम को एज इट इज, एक थर्ड पर्सन था एबीसी लिमिटेड, उस आइटम को, उसी आइटम को एज इट इज 12 लाख में सेल कर दिया। ऐसे केस में क्या लगता है, रीसेल प्राइस मेथड। क्वेश्चन में तो स्पेशली लिख के देगा और उस क्वेश्चन में ऐसा डाटा भी देगा आपको कि आपने कोई आइटम अपनी एसोसिएट से परचेज किया, उसको एज इट इज आउटसाइडर को सेल कर दिया, तो 10 लाख के आइटम को आपने 12 लाख में सेल कर दिया। 10 लाख को जो परचेज किया वो तो एसोसिएट से किया, और जो सेल कर रहे हो वो आउटसाइडर को कर रहे हो, परचेज किससे किया, एसोसिएट से किया, और सेल किसको कर रहे हो, आउटसाइडर को कर रहे हो, तब लगाते हैं अपन रीसेल प्राइस मेथड। अब इस मेथड में आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं, तो अपन देखो इसमें स्टार्टिंग किससे करते हैं, जो रीसेल प्राइस है, जो आइटम आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से परचेज किया था उस आइटम को आप आउटसाइडर को कितने में सेल कर रहे हो, कितने में रीसेल कर रहे हो, वो अमाउंट लेते हैं। देखो यहाँ पे दो अमाउंट आपके पास, 10 लाख परचेज किया और 12 लाख में सेल कर दिया। देखो ये 10 लाख तो क्या है, झोल वाली प्राइस है, गड़बड़ वाली प्राइस है, ये तो ले नहीं सकते, ये तो अपन को निकालनी है, इसकी तो अपन को आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है, तो ये कैसे लेंगे, क्या ले सकते अपन, ये 12 लाख, ये तो आपने आउटसाइडर को सेल किया, ये प्राइस तो झोल वाली नहीं है, इसमें गड़बड़ नहीं है, तो 12 लाख ले लेंगे, रीसेल प्राइस से स्टार्ट करेंगे। इसका नाम ही क्या है, रीसेल प्राइस। तो जो आइटम आपने अपनी एई से परचेज करके आउटसाइडर को सेल किया है, जो आइटम आपने एई से परचेज करके आउटसाइडर को सेल किया है, उस आइटम की रीसेल प्राइस क्या है, वो लेंगे। किसके लेंगे, जो एई से परचेज किया, जो एई से परचेज किया उसको आउटसाइडर को रीसेल किया, तो उसकी रीसेल प्राइस ले लेंगे। रीसेल प्राइस ले ली, अब इसमें से लेस करना आपको नॉर्मल जीपी मार्जिन। नॉर्मल जीपी मार्जिन जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है 20%, मतलब अगर नेस्ले इंडिया लिमिटेड किसी बाहर वाले से परचेज करके बाहर वाले को सेल करता, बाहर वाले से परचेज करके बाहर वाले को सेल करता, इसी ट्रांजैक्शन में उसके 20% का मार्जिन बचता। अगर यहाँ पे मान लो नेस्ले यूएस नहीं होती, यहाँ पे मान लो सैम होती, सैम जो आउटसाइडर है, तो सैम से परचेज करता और एबीसी को सेल करता, तो मार्जिन कितना होता, 20%। इस मार्जिन का मतलब क्या होता है, बाहर वाले से परचेज करके बाहर वाले को सेल करता, तो मार्जिन कितना होता इसका, 20% मार्जिन होता। तो ये अपन लेस कर देंगे 20% मार्जिन
जो भी दे रखा है क्वेश्चन में 20-30 जो भी, तो नॉर्मल जीपी मार्जिन इसमें से लेस कर देंगे। अब नॉर्मल जीपी मार्जिन क्वेश्चन में आपको जीपी मार्जिन लिखा होगा, खाली जीपी मार्जिन, तो ये परसेंटेज किसकी होती है? जैसे मान लो जीपी मार्जिन लिखा है 20%, ये 20% किसका करना होता है? ये करना होता है सेल का। जीपी मार्जिन हमेशा सेल्स पे होता है। अगर खाली जीपी मार्जिन लिखा हुआ है तो जीपी मार्जिन कैसे निकलता है? जीपी अमाउंट सेल्स इन 200, तो ये जीपी मार्जिन किसका है? सेल्स का। और सेल प्राइस आपके पास है ही 12 लाख की, इस एग्जांपल में 12 लाख की है, तो 12 लाख का 20% करते हैं। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो फिर वो क्या है? जीपी है कॉस्ट का है, जीपी फिर जीपी कॉस्ट का है, फिर आपको यूनिटरी मेथड लगा के उसको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा इस वाले मेथड में। तो यहाँ पे जीपी मार्जिन किसका है? सेल्स का है, तो सीधा लेस कर दिया जीपी मार्जिन, एक अमाउंट आ जाएगी आपकी। देखो जैसे इस एग्जांपल में 12 लाख में आपने रीसेल किया था, 12 लाख नॉर्मल जीपी मार्जिन 20% लेस कर दिया सेल का, 9,60,000 में आपको परचेज करना चाहिए था। कितने में परचेज करना चाहिए था? 960 में। आप किसी और से परचेज करते तो कितने का पड़ता? 960 का, लेकिन आपने एसोसिएट से कितने में परचेज कर रखा? 10 लाख ज़्यादा परचेज दिखा रखी है, अपनी इनकम को कम कर रखा, आपको इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इतना सा क्वेश्चन नहीं आएगा, साथ में आपको फंक्शनल एडजस्टमेंट दे रखे होंगे। फंक्शनल एडजस्टमेंट यहाँ पे भी वारंटी वाला भी दे सकता है, डिस्काउंट वाला भी दे सकता है, और अपना FOB CIF वाला वो भी दे सकता है, कोई सा भी दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और आता है, वो आता है ब्रांड वैल्यू का। ब्रांड वैल्यू कि आप जिस एसोसिएट से परचेज कर रहे हो उसकी तो ब्रांड वैल्यू है, किसी और से परचेज करते तो उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं थी, या बाहर वाले से परचेज करते तो उसकी तो ब्रांड वैल्यू थी और एसोसिएट की ब्रांड वैल्यू नहीं है, ऐसा आ सकता है। तो जिसकी ब्रांड वैल्यू है तो बताओ उसको ज़्यादा दोगे कम दोगे? जिसकी ब्रांड वैल्यू, जिसकी ब्रांड की वैल्यू है, तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा कम चार्ज करेगा? ज़्यादा चार्ज करेगा। और आप उसको पैसा कम दोगे ज़्यादा दोगे? ज़्यादा दोगे। आप भी बाहर मार्केट में ब्रांड का आइटम खरीदने जाते हो तो महंगा पड़ता है आपको, आप ज़्यादा पैसे देते हो ब्रांड के नाम पे, ब्रांड के नाम पे आप ज़्यादा पैसे दे देते हो। तो इस क्वेश्चन में आपकी देखो एसोसिएट की ब्रांड वैल्यू है, नेस्ले यूएस की क्या है यहाँ पे? ब्रांड वैल्यू। और ब्रांड वैल्यू का बेनिफिट कितना है? 1% ऑफ सेल प्राइस। या ब्रांड वैल्यू की वैल्यूएशन कितनी है? 1% ऑफ सेल प्राइस, ये आपको दे रखा है। तो एसोसिएट से परचेज कर रहे हो तो एसोसिएट आपसे ज़्यादा मांगेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। तो कितना ज़्यादा देना पड़ेगा? 12 लाख सेल प्राइस है, 12 लाख का 1% किया, 12,000, ये अपन ने फंक्शनल एडजस्टमेंट कर दिया। ये वाला भी आ सकता है, और जो अपन ने कप मेथड में देखे थे वो एडजस्टमेंट भी आ सकते हैं, वो भी अपने सेम वैसे ही प्लस माइनस करने पड़ते हैं। सभी मेथड में एक जैसे ही होते हैं वो, ऐसा नहीं कि ये मेथड आ गया तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा अपने ऊपर किया था वैसे का वैसा होता है। उसके लिए मैं शॉर्टकट लिखवा दूंगा, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो ये आपने एडजस्टमेंट किया, ये आ गई आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, और आपने परचेज एक्चुअल में किया 10 लाख में, 28,000 से आपकी इनकम बढ़ानी पड़ जाएगी। ये था रीसेल प्राइस अगर आप, तो अभी ध्यान रखो स्टार्टिंग किससे करते हैं? रीसेल प्राइस से, और इसमें नॉर्मल जीपी मार्जिन लेस कर देते हैं, और उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट आपकी आ जाती है आर्म्स लेंथ प्राइस। ये क्वेश्चन में अपन पर यूनिट सेल सोल्व नहीं करते, टोटल जो डाटा दे रखा है टोटल बेसिस पे सोल्व कर देते हैं रीसेल प्राइस अगर। अभी मैं शॉर्टकट बता दूंगा, फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट के शॉर्टकट मैं भी आपको बता दूंगा, फिर आप उस अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर लेना। सोच के करना चाहे तो सोच के मैंने आपको बता दिया इस तरह से करते हैं। अब आ जाओ कॉस्ट प्लस मेथड। इसमें क्या होता है? इस मेथड में आप कोई आइटम या सॉफ्टवेयर बना के अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को सेल करते हो। इंडिया वाली एंटरप्राइज क्या करती है? कोई भी आइटम बना के या तो या सॉफ्टवेयर डेवलप करके, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करके अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को सेल कर देती है, तो लगाते हैं कॉस्ट प्लस मेथड। आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं? जो भी आइटम आपने बनाया अपनी एसोसिएट के लिए या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसमें जो भी आपकी कॉस्ट लगी, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी लगी, वो कॉस्ट ले लो। नाम ही क्या है इस मेथड का? कॉस्ट। कॉस्ट में आपको कुछ ऐड करना है तो कॉस्ट ले लेंगे, जो भी आपकी कॉस्ट लगी। जो आइटम, जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया नीचे अपन ने, टाटा इंडिया ने टाटा यूएस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आई थी टाटा इंडिया की 20 लाख की, और 30 लाख में सेल कर दिया टाटा यूएस को। टाटा इंडिया टाटा यूएस के आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है। टाटा इंडिया क्या करती है? सिमिलर सॉफ्टवेयर सोल्ड करती है सेम लिमिटेड को, आउटसाइडर को, जहाँ इसका जीपी मार्जिन रहता है 50%। चलो ये डाटा दे रखा आपको। तो टाटा इंडिया की इस सॉफ्टवेयर को बनाने की कितनी कॉस्ट आई थी? 20 लाख। कॉस्ट ले लेंगे, कॉस्ट में झोल नहीं हो सकता, कॉस्ट के तो आपके पास इनवॉइसेस वगैरह होंगे, एविडेंस वगैरह होंगे, तो कॉस्ट ले लिया अपन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ले लेंगे, चाहे वो डायरेक्ट नेचर की हो चाहे इनडायरेक्ट नेचर की हो, टोटल कॉस्ट ले ली। इसमें अपन ऐड कर देंगे नॉर्मल जीपी मार्जिन, नॉर्मल जीपी मार्जिन ऐड कर देंगे। नॉर्मल जीपी मार्जिन में यहाँ पे आपको फंक्शनल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और यहाँ पे ध्यान देना कॉस्ट प्लस मेथड में जो फंक्शनल एडजस्टमेंट होते हैं ना वो सीधा अमाउंट में नहीं होते, वो किस में होते हैं? फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट इन जीपी मार्जिन, जीपी मार्जिन में होते हैं। जैसे मान लो जीपी मार्जिन आपका 50%, अब जो एडजस्टमेंट करने ना आपको 4% मान लो, 2% या -1% जो भी करना है वो इस जीपी मार्जिन में करना है, और जीपी मार्जिन में एडजस्टमेंट करके आपको एडजस्टेड जीपी मार्जिन निकालना है। क्या निकालना है? एडजस्टेड जीपी मार्जिन। यहाँ पे आपको परसेंटेज में एडजस्टमेंट करना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी कॉस्ट प्लस मेथड में क्या होता है? जीपी मार्जिन की परसेंटेज में एडजस्टमेंट होता है। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है, एक क्वेश्चन है जो इस मेथड का एक्सेप्शन है, इसी मेथड से कर रखा है वैसे तो, इंस्टीट्यूट ने उसको गलत तरीके से कर रखा है, उसको भी आप परसेंटेज में एडजस्ट करके कर सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखोगे इसमें शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आपको दे रखी है अलग अलग, और उसमें एक एडजस्टमेंट कर रखा है, उसमें परसेंटेज में एडजस्टमेंट नहीं कर रखा, उसमें सीधा अमाउंट में एडजस्टमेंट करके उसमें जीपी मार्जिन भी नहीं दे रखा। उस क्वेश्चन में जीपी मार्जिन भी अपन को निकालना है, वो जीपी मार्जिन नहीं दे रखा,
इस कारण इंस्टीट्यूट ने उसमें सीधा अमाउंट में एडजस्ट कर दिया। वो एक एक्सेप्शन है, वो देख लेंगे अपन, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में अपन जीपी मार्जिन में एडजस्टमेंट करते हैं। प्रैक्टिकलाइज में इसमें एडजस्टमेंट कहाँ होता है, जीपी मार्जिन में एडजस्टमेंट होता है। जीपी मार्जिन को अपन प्लस माइनस करके एडजस्टेड जीपी मार्जिन निकालते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है जिसमें जीपी मार्जिन ही नहीं दे रखा, तो इस कारण उसमें क्या किया इंस्टीट्यूट ने, जीपी मार्जिन निकालने के लिए सीधा ही अमाउंट में एडजस्ट करके जीपी मार्जिन निकाला था। वो आपको पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है वो। बाकी इसमें क्या होता है, जीपी मार्जिन में अपना एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट कौन से आते हैं, एक टेक्निकल सपोर्ट का आता है, नया एडजस्टमेंट आता है टेक्निकल सपोर्ट का। एक क्वांटिटी डिस्काउंट का आता है, क्रेडिट पीरियड का आता है। टेक्निकल सपोर्ट, क्वांटिटी डिस्काउंट, क्रेडिट पीरियड, ये एडजस्टमेंट आते हैं। ये जीपी मार्जिन में प्लस माइनस करते हैं, आपकी आ जाती है जीपी मार्जिन आ जाता है। जो कॉस्ट है इसमें जीपी मार्जिन ऐड करते हैं और आपकी आ जाती है आर्म्स लेंथ प्राइस। तो देखो टाटा इंडिया ने टाटा यूएस को सेल किया 30 लाख का, 20 लाख की कॉस्ट थी। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, 20 लाख से जीपी मार्जिन आपको दे रखा है, नॉर्मल जीपी मार्जिन 50%। मान लो इतना ही दे रखा होता, नॉर्मल जीपी मार्जिन 50%, इतना ही दे रखा होता, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा होता। अपन क्या करते, 20 लाख में 50% का जीपी मार्जिन ऐड करते, 50% का। अब वर्ड क्या है, खाली जीपी मार्जिन। मैंने बताया जीपी मार्जिन का मतलब जीपी मार्जिन किस पे, जीपी मार्जिन ऑन सेल्स। तो 50% मान लो जीपी मार्जिन है, खाली जीपी मार्जिन लिखा है तो जीपी मार्जिन ऑन सेल्स है। लेकिन आपको तो यहाँ क्या दे रखी है, कॉस्ट। क्या लगाना पड़ेगा आपको, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा आपको जीपी मार्जिन ऐड करने के लिए। 50/50 × 20 लाख ऐसे करना पड़ेगा। सेल्स अगर 100 है, जीपी हो जाएगा आपका 50, कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50, कॉस्ट 50 है तो जीपी 50, कॉस्ट 1 है तो जीपी 50/50, कॉस्ट अगर आपकी 20 लाख है तो जीपी 50/50 × 20 लाख। इस तरह से आप जीपी ऐड करते हैं और जीपी आता है आपका 10 लाख का। ये ऐड करते थे 30 लाख की आ जाती है आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, क्योंकि जीपी मार्जिन किस पे होता है, खाली जीपी मार्जिन बड़ा है तो सेल्स होता है। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट, स्पेशली लिखा हुआ होता जीपी ऑन कॉस्ट, ऐसा लिखा हुआ होता तो अपन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इस मेथड में। सीधा 20 लाख का 50% कर देते, सीधा कर देते जीपी मार्जिन उनको सीधा लिखा हुआ होता। तो फिर अपन को यूनिटरी मेथड वगैरह लगा लगा के करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नहीं तो आपको 50/50 × 20 लाख करना पड़ेगा, 50/50 × 20 लाख, और 20 लाख एडजस्ट ऐड करना पड़ता और 40 लाख आपकी आ जाती है, 40 लाख आती है आंसर प्राइस। ये है इस मेथड में। तो जीपी मार्जिन आपको देखना पड़ेगा सेल्स पे, कॉस्ट पे। अब जीपी मार्जिन में आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं, एडजस्टमेंट आपको वही लॉजिक से करने पड़ेंगे जैसे अपन ने कॉस्ट प्लस मेथड में किए, रीसेल प्राइस मेथड में किए, वैसे आपको प्लस माइनस करने हैं। देखो यहाँ पे अपन परसेंटेज करते हैं, जीपी मार्जिन का एडजस्टमेंट करते हैं, सीधा जीपी मार्जिन से इंटू करते हैं। देखो आपको एडजस्टमेंट क्या दे रखा होता है, 8% ऑफ जीपी मार्जिन, 6% ऑफ जीपी मार्जिन। कॉस्ट जो लग रही है या जो आपको फायदा हो रहा है कितना दे रखा है, 8%, 6%। तो जीपी मार्जिन से इंटू करके प्लस माइनस कर लेते हैं। कभी कभी यहाँ पे एक लिख देता है 2% ऑफ बिलिंग रेट या 1% ऑफ बिलिंग रेट। बिलिंग रेट मतलब होता है 100% या सेल्स, बिलिंग रेट मतलब होता है सेल्स का परसेंट। तब आपको जीपी मार्जिन से टू नहीं करना होता, सीधा प्लस माइनस करना होता है, सीधा प्लस माइनस करना होता है, बिलिंग रेट लिख दे दो। ये सब मैंने आपको क्लास में डिटेल में समझाया था। ये किया आपने, एडजस्टेड जीपी मार्जिन निकाला, जीपी मार्जिन इसमें ऐड किया कॉस्ट में। देखो यूनिटरी मेथड लगाया आपने, क्यों लगाया यूनिटरी मेथड, क्योंकि आपको यहाँ पे जीपी मार्जिन, खाली जीपी मार्जिन है तो जीपी मार्जिन किस पे, सेल्स पे। और आपको है क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन, क्या है कॉस्ट, सेल्स गिवन नहीं है, कॉस्ट गिवन है। सेल्स तो गलत है, सेल्स जो है दे रखी है आपने 30 लाख में सेल किया यूएस को, लेकिन ये तो क्या है, गड़बड़ प्राइस है, झोल वाली प्राइस है, ये तो ले नहीं सकते अपन। तो इस कारण कॉस्ट में एडजस्टमेंट करके अपने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल ली। ये नोट भी बना दिया मैंने, अगर जीपी मार्जिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है खाली जीपी मार्जिन तो वो क्या है, जीपी ऑन सेल्स है। उस अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा जीपी ऑन सेल्स। और अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट तो है फिर वो जीपी ऑन कॉस्ट, फिर क्या है, वो जीपी ऑन कॉस्ट। दोनों तरह के क्वेश्चन थे अपने कॉस्ट प्लस मेथड के, एक क्वेश्चन में जीपी ऑन सेल्स, जीपी मार्जिन दे रखा था, एक में जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा था क्वेश्चन बैंक में। दोनों तरह के क्वेश्चन है और दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुके हैं। अब आ जाओ अगला मेथड जो बिल्कुल काम का नहीं है, आज तक एग्जाम में नहीं आया, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। फालतू मेथड है, जॉइंट वेंचर में काम आता है, जब एंटरप्राइज जॉइंट वेंचर में काम करती है, बन जाती है वो एसोसिएट, तब काम आता है। तो उनके बीच में अपन प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो उसमें अपन यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन रेशियो। क्या यूज करेंगे, कंट्रीब्यूशन रेशियो। वो रेशियो किसके बेस पर होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मैन पावर रिस्क टेकिंग का एक रेशियो होता है, जो हमेशा क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, जो निकालना नहीं पड़ेगा आपको, दे रखा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड मैन पावर रिस्क टेकिंग का एक रेशियो दे रखा होगा। कि वो तीन एंटरप्राइज मान लो जॉइंट वेंचर में काम कर रही है, तो तीनों एंटरप्राइज उस प्रोजेक्ट में कितनी कितनी मेहनत कर रही है, कितनी कितनी मेहनत कर रही है, उसका एक रेशियो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड मैन पावर रिस्क टेकिंग का। आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालोगे, जो भी प्रोजेक्ट आया आपका उसका नेट प्रॉफिट निकाल लो। जैसे मान लो तीन एंटरप्राइज है ए बी और सी, तीनों जॉइंट वेंचर में काम कर रही है, ए इंडिया की, दो एंटरप्राइज जो है बी और सी वो बाहर की है। इनके पास 10 लाख का वीडियो गेम का प्रोजेक्ट आया, 10 लाख का प्रोजेक्ट आया, 10 लाख इनको मिलेंगे, और इसकी टोटल कॉस्ट आएगी इस प्रोजेक्ट पे 8 लाख की इन तीनों एंटरप्राइज की। तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख का उस प्रोजेक्ट पे। जो प्रॉफिट आया उसको आप क्या कर दो, जो गिवन रेशियो है कंट्रीब्यूशन रेशियो उसमें बांट दो तीनों एंटरप्राइज में। कंट्रीब्यूशन रेशियो यहाँ दे रखा था आपको 50:25:25, 50:25:25, तो 2 लाख के प्रॉफिट को अपन ने उस रेशियो में बांट दिया।
या 2:1:1 उस रेशियो में, या 50:25:25 के रेशियो में बांट दिया, 1,50,000 इस रेशियो में बांट दिया। अब अपन को आम सेल प्राइस निकालनी है इंडिया वाले की, इंडिया वाले को इस प्रोजेक्ट का कितना पैसा रखना चाहिए था, इसने रखा 3 लाख, लेकिन इंडिया वाले जो ए लिमिटेड है इसकी कॉस्ट आई 2,50,000, तो 250 एक तो कॉस्ट आई, और इसको कितना प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए था 1 लाख, 250 + 1 लाख 350 रखना चाहिए था। इस तरह से आम सेल प्राइस निकालते हैं। ये एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लेना, क्लास में मैंने डिटेल में बताया था एग्जाम्पल, और इसी एग्जाम्पल का क्वेश्चन अगर कभी बनता है तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा इसका, जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिखवा रखा है सेम टू सेम। वैसे इसका कोई क्वेश्चन है नहीं, फिर भी आएगा तो इस एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन आएगा। लास्ट मेथड था TNMM मेथड, ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं अपन, जो एंटरप्राइज आपकी सिमिलर इंडस्ट्री में है उसका अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को यूज़ करके अपन आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल लेते हैं। जैसे क्या होगा, ओप्पो है, ओप्पो को आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है, उसने कोई ट्रांजेक्शन ओप्पो ने किया अपने एसोसिएट के साथ, उसको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है। वो क्या करेगी, वीवो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यूज़ करेगी। या मान लो नेस्ले है, नेस्ले को आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है, तो नेस्ले क्या करेगी, कैडबरी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यूज़ कर लेगी। इन्फोसिस है, इन्फोसिस क्या करेगी, विप्रो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यूज़ कर लेगी आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए। ये होता है TNMM मेथड। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, आपकी इंडस्ट्री में कोई दूसरी कंपनी है या कोई कंपटीटर है, उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यूज़ कर लेते हैं। उसका कौन सा मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं, आपने अपनी एसोसिएट को कोई भी आइटम सेल किया या कोई भी सर्विस दी, उसमें जो भी कॉस्ट लगी, आपकी जो भी कॉस्ट लगी, कॉस्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ले लेते हैं। और जो अदर एंटरप्राइज है, जैसे वीवो ओप्पो का यूज़ कर लेगी, नेस्ले कैडबरी का यूज़ कर लेगी, इन्फोसिस विप्रो का यूज़ कर लेगी, अदर एंटरप्राइज का अपन लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो इसमें ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ध्यान रखना ये हमेशा होता है कॉस्ट के ऊपर, ये सेल्स के ऊपर नहीं होता। क्वेश्चन में आपको लिख रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट। कैसे निकलता है ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट इनटू 100। क्वेश्चन में अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा निकालोगे कैसे, जो अदर एंटरप्राइज है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लोगे, अदर एंटरप्राइज के टोटल कॉस्ट ले लोगे, डिवाइड कर दोगे इनटू 100 कर दोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट इनटू 100। ये कभी भी सेल्स पे नहीं होता, ये किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये कभी भी सेल्स नहीं होता। ऐसा नहीं होता ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स, ऐसा होता ही नहीं है, ये किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट इनटू 100। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया आप क्या जाएगी आर्म्स लेंथ प्राइस, यहाँ कोई फंक्शनल एडजस्टमेंट नहीं होते, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, जो भी आपकी कॉस्ट लगी उसमें अदर एंटरप्राइज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो, आप क्या जाती है आर्म्स लेंथ प्राइस। जैसे एक एग्जांपल लिया था, इन्फोसिस इंडिया ने इन्फोसिस यूएस को सेल करी थी, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस दी थी 50 लाख की, और इसकी कॉस्ट आई थी इन्फोसिस इंडिया की, इंडिया वाले की कॉस्ट कितनी आई थी 40 लाख। अब एक एंटरप्राइज है सिमिलर इंडस्ट्री में, विप्रो लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस सर्विस पे वो 30% है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। इन्फोसिस इंडिया की कॉस्ट कितनी है, 40 लाख, 40 लाख ले लिया, और 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, किसका होता है, कॉस्ट का होता है, 30 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% है, 30%, तो 40 लाख का 30% कर दिया, सीधा ऐड कर दिया, ये आ जाएगा आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, बिल्कुल सिंपल मेथड, कुछ भी नहीं करना होता। इस तरह से आर्म्स लेंथ प्राइस निकल जाती है। ये थे पांचों मेथड, कोई भी मेथड का क्वेश्चन आ सकता है। एक प्रॉफिट स्प्लिट मेथड जो है, जॉइंट वेंचर वाला मेथड, वो ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन बाकी चार मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शनल एडजस्टमेंट अपन को करने पड़ते हैं, कहाँ का करने पड़ते हैं, याद करो, कप मेथड में करना पड़ता है, रीसेल प्राइस मेथड में, कॉस्ट प्लस मेथड में, मेनली इसी में होते हैं। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में कोई फंक्शनल एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होते, और TNMM में भी नहीं होते, TNMM में वैसे भी अपन किसी दूसरी एंटरप्राइज का डाटा उठाते हैं। अब इन मेथड में जनरली फंक्शनल एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं, जो ट्रांजेक्शन के बीच का डिफरेंस है वो अपन को प्लस माइनस करने पड़ते हैं। कैसे करने हैं उसका मैंने यहाँ शॉर्टकट लिख रखा है, वो एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है वारंटी या आफ्टर सेल सपोर्ट, वारंटी बोल दो, आफ्टर सेल सपोर्ट बोल दो, इस ट्रांसफर प्राइसिंग में दोनों का मतलब एक ही है, वारंटी बोल दो या आफ्टर सेल सपोर्ट बोल दो। तो वारंटी, एक्स्ट्रा वारंटी अगर आप ए को दे रहे हो या ए से ले रहे हो, देखो सेल का सेल वाला केस है तो दे रहे हो ए को, परचेज का केस है तो ए से ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, परचेज वाला केस भी आ सकता है, मैंने बताया था। वैसे 99% सेल वाले केस आते हैं कि आप सेल कर रहे हो, इंडिया वाली एंटरप्राइज सेल कर रही है, लेकिन परचेज का केस आ सकता है। तो वारंटी या वो एक्स्ट्रा वारंटी ए को दे रहे हो या ए से ले रहे हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, ऐड, क्या करना है, ऐड। दूसरा, वारंटी या एक्स्ट्रा वारंटी आप आउटसाइडर को दे रहे हो, किसको दे रहे हो, बाहर वाले, आउटसाइडर, तो आउटसाइडर की वारंटी या एक्स्ट्रा वारंटी है तो लेस कर देना। क्या बोला मैंने, आप ए को वारंटी दे रहे हो, बाहर वाले को नहीं दे रहे, ऐड कर देना, बाहर वाले को वारंटी दे रहे हो, ए को नहीं दे रहे, तो लेस कर देना, या ए को एक्स्ट्रा दे रहे हो, बाहर वाले से ज़्यादा वारंटी, ए आप बाहर वाले ए से ए को बाहर वाले से ज़्यादा वारंटी दे रहे हो, ऐड कर देना, अगर आप बाहर वाले को ए से ज़्यादा वारंटी दे रहे हो, लेस कर देना। तो वारंटी एक्स्ट्रा वारंटी ए की है तो ऐड कर देना, वारंटी एक्स्ट्रा वारंटी आउटसाइडर की है तो लेस कर देना। ऐसे ही दूसरा, क्रेडिट पीरियड, अगर आप अपनी ए को क्रेडिट पीरियड दे रहे हो या एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दे रहे हो,
तो ऐड कर देना। अगर आप आउटसाइडर को क्रेडिट पीरियड दे रहे हो या एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दे रहे हो आउटसाइडर को, तो लेस कर देना। तो ए को क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, आउटसाइडर को नहीं दे रहे, ऐड कर देना। आउटसाइडर को क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, ए को नहीं दे रहे, लेस कर देना। या जिसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, ए को एक्स्ट्रा दे रहे हो तो ऐड कर देना, बाहर वाले को एक्स्ट्रा दे रहे हो तो लेस कर देना। ये दूसरा एडजस्टमेंट। तीसरा ब्रांड वैल्यू। अगर ए की ब्रांड वैल्यू, किसकी ब्रांड वैल्यू है, अगर आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज की ब्रांड की वैल्यू है तो ऐड कर देना। अगर आउटसाइडर की ब्रांड वैल्यू है, आउटसाइडर की ब्रांड वैल्यू है तो लेस कर देना। ये हो गया ब्रांड वैल्यू का काम। क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर आप ए को क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहे हो या ए से ले रहे हो तो लेस कर देना। आउटसाइडर को दे रहे हो या आउटसाइडर से ले रहे हो तो ऐड कर देना। ए का डिस्काउंट है, लेस कर देना। आउटसाइडर का डिस्काउंट है, आउटसाइडर का डिस्काउंट है तो ऐड कर देना। आउटसाइडर का डिस्काउंट है तो ऐड कर देना। अगला टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट, अगर आप टेक्निकल सपोर्ट ए से ले रहे हो, टेक्निकल सपोर्ट ए का है तो लेस कर देना। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट आउटसाइडर से ले रहे हो, आउटसाइडर से ले रहे हो तो ऐड कर देना। तो क्या कर देना, ऐड कर देना। अब अगला एफ ओ बी एंड सी आई एफ। ए को आप एफ ओ बी की सेल कर रहे हो और आउटसाइडर को सी आई एफ की। ए को एफ ओ बी, आउटसाइडर को सी आई एफ, तो लेस कर देना। ए को सी आई एफ और आउटसाइडर को एफ ओ बी, ए को सी आई एफ और आउटसाइडर को एफ ओ बी, तो ऐड कर देना। और एक लास्ट छोटा सा एडजस्टमेंट कभी कभार आ जाता है, मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट देखो क्या एडजस्टमेंट होता है। आप जब सेल करते हो, आउटसाइडर को सेल करते हो, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। लेकिन जब आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को सेल करते हो, बताओ मार्केटिंग करनी पड़ेगी क्या आपको? उसको तो पता है आप क्या बेचते हो, उसके लिए आपको मार्केटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि आप अपनी ए को सेल करते हो तो आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आउटसाइडर को सेल करते हो तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में क्या कर देना, आपकी देखो ए को सेल करने में कॉस्ट कम आएगी, मार्केटिंग की कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो लेस कर देना। क्या कर देना, लेस कर देना। तो ये सारे एडजस्टमेंट जितने भी आते हैं सारे लिख दिए मैंने, आप जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं सारे लिख दिए मैंने, जो भी होते हैं जितने भी होते हैं सारे लिख दिए। तो वारंटी आफ्टर सेल सपोर्ट में क्या है, वारंटी एक्स्ट्रा वारंटी, ये आफ्टर सेल सपोर्ट। ए का है तो ऐड कर देना, आउटसाइडर का है तो लेस कर देना। क्रेडिट पीरियड ए का है तो ऐड कर देना, आउटसाइडर का है तो लेस कर देना। ब्रांड वैल्यू ए की है, ऐड कर देना, आउटसाइडर की है लेस कर देना। क्वांटिटी डिस्काउंट ए को दे रहे हो या ए का है तो लेस कर देना, आउटसाइडर का है तो ऐड कर देना। टेक्निकल सपोर्ट ए से ले रहे हो, लेस कर देना, आउटसाइडर से ले रहे हो ऐड कर देना। एफ ओ बी सी आई एफ में ए को एफ ओ बी, सी आई एफ आउटसाइडर को, तो लेस कर देना। ए को सी आई एफ और आउटसाइडर को एफ ओ बी, तो ऐड कर देना। मार्केटिंग कॉस्ट, अगर ए को सेल करने पर अगर आपके मार्केटिंग का खर्चा नहीं लगता, मार्केटिंग का खर्चा नहीं लगता तो उस मार्केटिंग कॉस्ट को लेस कर देना। सारे लिखवा दिए मैंने किस तरह से एडलेस करना, इस तरह से आपको एडलेस करने होते हैं। जो कॉस्ट प्लस मेथड होता है उसमें आपको जो जीपी मार्जिन होता है उसी में प्लस माइनस करना होता है, और बाकी दो मेथड जो है अपने कप मेथड और रीसेल प्राइस मेथड, उसमें आपको अमाउंट में प्लस माइनस करना होता है। ये थे आपके फंक्शनल एडजस्टमेंट शॉर्टकट। ये अगर आप रट लोगे तो इस तरह से करोगे, आपका कभी गलत नहीं होगा, समझ के करना है। तो मैंने आपको लॉजिक वाला भी समझा दिया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो आपने एक मेथड फॉलो किया, कप मेथड फॉलो किया, और आपकी एक से ज़्यादा आम सेलिंग प्राइस आ गई। एक से ज़्यादा कैसे आ गई, देखो एक से ज़्यादा भी आ सकती है। आपने एक ट्रांजेक्शन अपनी एसोसिएट के साथ कर रखा है और सिमिलर ट्रांजेक्शन आपने मान लो पांच पार्टी के साथ कर रखा है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, तो पांच आम सेलिंग प्राइस आ जाएंगी। ऐसे केस में क्या करोगे, एक ही मेथड से एक से ज़्यादा आम सेलिंग प्राइस आ जाएगी तो क्या करोगे? तो इसमें बता रखा है, अगर एक मेथड से एक से ज़्यादा आम सेलिंग प्राइस आती है, एक से ज़्यादा आती है, अप टू फाइव आती है, अप टू फाइव आती है, अपन को लगाना पड़ेगा अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट। लेकिन फाइव से ज़्यादा भी आ जाती है, मतलब सिक्स या सिक्स से ज़्यादा जाती है, तो अपन को लगाना पड़ेगा रेंज कंसेप्ट। दो कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, या तो अरिथमेटिक मीन या रेंज, क्योंकि अपन के एग्जाम्पल में मान लो पाँच सिमिलर पार्टी भी रखी है और पाँच आम सेलिंग प्राइस आ गई, अपन को तो चाहिए एक, अपन को तो चाहिए एक ना, तो एक फाइनल कैसे निकालोगे? उसके लिए दो कंसेप्ट दे रखे हैं। अगर एक से ज़्यादा आती है, अप टू फाइव आती है, तो अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट, और सिक्स या सिक्स से ज़्यादा जाती है तो रेंज कंसेप्ट। कैसे लगाओगे? सबसे पहले अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। आपको निकालनी है एवरेज आम सेलिंग प्राइस। कैसे निकालनी है? देखो नेस्ले इंडिया ने नेस्ले यूएस के साथ ट्रांजेक्शन कर रखा है 150 में अपनी एसोसिएट के साथ, और ये सिमिलर ट्रांजेक्शन पाँच पार्टी के साथ करती है, ए बी सी डी ई। ए के हाथ 155, बी के हाथ 160, सी के हाथ 162, डी के हाथ 142 और ई के हाथ 166। मान लो जो फाइनल प्राइस दे रखी है आपको, ये फंक्शनल एडजस्टमेंट वगैरह करके दे रखी है ए बी सी डी ई की, मतलब आपको आम सेलिंग प्राइस निकाली भी दे रखी है। अब इन पांच में से कौन सी लोगे? कुछ नहीं करना आपको, इन पांच का क्या करना है, सिंपल एवरेज आम सेलिंग प्राइस निकालनी है। इन पांचों का क्या कर दो, एवरेज कर दो, एवरेज आम सेलिंग प्राइस आ गई आपकी 157, एवरेज 157 आ गई, और एक्चुअल में आपने कितने में सेल कर रखी है, 150 में। अब आगे बोलता है मेथड, ये अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट बोलता है, अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस और एवरेज आम सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है अप टू 3% ऑफ एक्चुअल है, कितना है, अप टू 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है, तो आप एवरेज आम सेलिंग प्राइस वगैरह को इग्नोर कर देना, और जो आपने एक्चुअल में ट्रांजेक्शन किया है, एक्चुअल में जितने ट्रांजेक्शन किया है वही आपकी बन जाएगी आम सेलिंग प्राइस। लेकिन डिफरेंस 3% से ज़्यादा है, दोनों में डिफरेंस जो है 3% से ज़्यादा आ रहा है, तो जो आपने एवरेज आम सेलिंग प्राइस निकाली है वो आपकी आ जाएगी आम सेलिंग प्राइस। जैसे यहाँ पे देखो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस थी 150, यहाँ पे एक टोलरेंस बैंड दे रखा है 3% का, 3% तक डिफरेंस है एक्चुअल में और जो आपने एवरेज निकाली है उसमें 3% तक का डिफरेंस है, तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। जो आपके एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है इसी को मान लेंगे अपन आर्म्स लेंथ प्राइस, इसी को क्या मान लेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस।
तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस 150 है, 3% का डिफरेंस निकालो, 3% ऑफ एक्चुअल करो, ये आया 4.5। तो अगर मान लो आपकी एवरेज आर्म्स लेंथ प्राइस अप टू 154.5 तक आती, कितनी आती अप टू 154.5 तक आती, तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस ही आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस मान ली जाती। 150 को क्या मान लेते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, और कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, 150 माइनस 150 जीरो, कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। लेकिन डिफरेंस यहाँ देखो, एवरेज आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी आई है, 157, ज़्यादा आई, डिफरेंस 3% से ज़्यादा है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो आपने एवरेज आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली है, कितनी निकाली है इस एग्जांपल में, 157 निकाली है, ये 157 बन जाएगी आपकी एवरेज आर्म्स लेंथ प्राइस, ये बन जाएगी आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, ये बन जाएगी आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस। और फिर आपको 7 रुपये से इस एग्जांपल में 157 माइनस 150, 7 रुपये से आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था अरिथमेटिक मीन कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपन रेंज कॉन्सेप्ट पे। रेंज कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले देखो रेंज कॉन्सेप्ट जो है ना, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में नहीं लगता। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में कितने भी आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएं, चाहे 50 आ जाएं, चाहे 100 आ जाएं, अपन को प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में हमेशा फिर क्या लगाना पड़ेगा, अगर एक से ज़्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाती है तो अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, रेंज कंसेप्ट कब लगता है, अगर आपकी जो आर्म्स लेंथ प्राइस आई है वो 6 या 6 से ज़्यादा आई है तो ही लगता है, 6 से कम आई है तो कोई भी मेथड हो अपन को क्या लगाना है, अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट, 6 या 6 से ज़्यादा आई है तो ही लगाना है। मतलब डाटा सेट में जो वैल्यू है, यहाँ पे अपन आर्म्स लेंथ प्राइस को क्या बोलते हैं, रेंज कंसेप्ट में डाटा सेट में जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 और 4, डाटा सेट की वैल्यू बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं अपन डाटा सेट की वैल्यू। अब ये रेंज कंसेप्ट में अपन आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं, फाइनल आर्म्स लेंथ प्राइस, वो अपन सीख लेते हैं, वो अपन सीख लेते हैं एग्जांपल से। देखो एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल बन, टाटा इंडिया ने टाटा यूएस को सेल कर रखी है 150 में, एक्चुअल ट्रांजेक्शन कितने में हुआ, 150 में, आपको आर्म्स लेंथ प्राइस यहाँ निकाल के दे रखी है। ऐसे अगर रेंज कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 7-8 आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी पड़ेंगी पहले, अगर ऐसे निकालनी पड़ गई आपको तो एक क्वेश्चन ही आपका 2-3 घंटे का हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो आर्म्स लेंथ प्राइस आपको निकाली भी दे रखी होगी, तो फाइनल आर्म्स लेंथ प्राइस आपको निकाल के दे रखी है 7, एक 151, एक 146, एक 140, एक 155, एक 160, एक 169 और एक 165, ये आपको टोटल 7 आर्म्स लेंथ प्राइस इस एग्जांपल में निकाल के दे रखी है। आपको क्या करना है, जितनी भी आर्म्स लेंथ प्राइस दे रखी है इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डाटा सेट में जो वैल्यू दे रखी है, मतलब जो आर्म्स लेंथ प्राइस दे रखी है इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में अरेंज करना है, छोटे से बड़े। तो देखो यहाँ पे टोटल 7 वैल्यूज़ हैं, 7 आर्म्स लेंथ प्राइस है, 1 to 7 का अपने असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया। चलो छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया, इसके बाद क्या करना है आपको, जितनी वैल्यूज़ है, कितनी वैल्यू है यहाँ पे इस एग्जांपल में, टोटल 7 आर्म्स लेंथ प्राइस है, तो इन 7 का क्या करना है आपको, 35 और 65% निकालना है, 35 और 65, तो 35% और 65% निकाल दिया आपने। अब देखना है जो 35% और 65% आया ये होल नंबर है या नहीं है, मतलब पूरा नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे पूरा नंबर है या नहीं है। तो देखो 35% निकाला 7 का, ये आया 2.45, ये होल नंबर नहीं है, 2.45 तो पूरा नंबर थोड़ी है। अगर होल नंबर नहीं है तो इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर ले लो, इसका जस्ट नेक्स्ट होल नंबर, इसका जस्ट नेक्स्ट होल नंबर ले लो, तो 2.45 पर जस्ट नेक्स्ट होल नंबर क्या आ रहा है 3। आपको लोअर राउंड ऑफ वगैरह नहीं करना, आपको नेक्स्ट होल नंबर लेना है, ऐसा नहीं कि 2.45 आया तो 2 ले लिया, ऐसा नहीं करना, नेक्स्ट होल नंबर। तो 2.45 से नेक्स्ट होल नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, 3 ले लिया। तो 35% क्या आया आपका, 2.45 आया, जो होल नंबर नहीं था, होल नंबर नहीं आए तो अपन को क्या क्या लेना है, नेक्स्ट होल नंबर लेना है, नेक्स्ट होल नंबर क्या है 3। तो जो 3 के सामने जो वैल्यू है, 3 के सामने जो वैल्यू क्या है, 151 से आपकी रेंज स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी रेंज स्टार्ट। अब उस 7 का आप 65% ही निकालो, ये भी होल नंबर नहीं आया, 4.55 आया, इसका जस्ट नेक्स्ट होल नंबर, नेक्स्ट होल नंबर क्या आएगा 5 ले लिया। 5 के सामने वैल्यू देखो क्या है, 160, 5 के सामने देखो वैल्यू क्या है, एग्जांपल 160 है, तो 160 पे आपकी रेंज खत्म हो जाएगी, आपकी रेंज बन जाएगी 151 से 160, रेंज बन गई 151 से 160। अब क्या देखना है आपको, अगर आपकी जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है, जो कितने में करा था आपने सेल, 150 में, अगर ये इस रेंज में फॉल कर जाती है, इस रेंज में आ जाती है, तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस को ही आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। तो बताओ इस क्वेश्चन में रेंज में आ रही है क्या, अगर आपकी मान लो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी होती, 151 से लेकर के 160 के बीच में कुछ भी होती, 151, 152, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 160, कुछ भी होती, तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस को ही आर्म्स लेंथ प्राइस मान लेते। लेकिन यहाँ पे देखो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस आपकी कितनी है, 150 है, रेंज में नहीं आ रही, रेंज में नहीं आ रही तो क्या करना पड़ेगा, रेंज में नहीं आ रही तो आपको टोटल वैल्यूज का मीडियन निकालना पड़ेगा। टोटल वैल्यूज का क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा, मीडियन मतलब 50% निकालना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल में टोटल वैल्यू है 7, 7 का किया अपने 50%, कितना आया ये 3.5 आया, ये भी होल नंबर नहीं है, नेक्स्ट होल नंबर ले लो, नेक्स्ट होल नंबर क्या है 4। अब इस 4 के सामने, नेक्स्ट होल नंबर 4 है, 4 के सामने जो वैल्यू है वो बन जाएगी आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, 4 के सामने वैल्यू है 155 क्या जाएगी आर्म्स लेंथ प्राइस, 155 में आपको सेल करना चाहिए था, आपने कितने में किया 150 में, 5 रुपये से आपकी इनकम बढ़ा देंगे, ये हो गया आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट। इस तरह से निकलती है आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, अगर रेंज कंसेप्ट लगता है तो, मतलब जो आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस आई है वो 6 या 6 से ज़्यादा आई है तो इस तरह से आपको निकालना पड़ता है। अब मान लो
जो अपन ने 35% 65% या 50% किया, ये होल नंबर आ जाते तो क्या करते, होल नंबर आ जाते तो क्या करते? अभी तो होल नंबर नहीं थे तो अपने क्या किया, नेक्स्ट होल नंबर ले लिया और उसके सामने की वैल्यू ले ली, नेक्स्ट होल नंबर के सामने की वैल्यू ले ली। लेकिन होल नंबर आ जाते तो क्या करते, उसके लिए है एग्जाम्पल 150 में आपने एक्चुअल ट्रांजेक्शन करा है, आपकी मान लो टोटल 20 आर्म्स लेंथ प्राइस दे रखी है, क्वेश्चन कितनी दे रखी है 20 आर्म्स लेंथ प्राइस, आप 20 निकलवाएगा नहीं वो आपको देख के रखेगा। इन 20 आर्म्स लेंथ प्राइस को अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, देखो मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी मेथड हो मान लो आपको दो आर्म्स लेंथ प्राइस रखी 171 171, इनको दो मानोगे क्या? दो बार मत लिख देना, ऐसा देगा भी नहीं, और इसको एक ही मानेंगे, एक बार लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको देखो 171 171 दे रखा है और एक दे रखा आपको 174, तो 171 फिर 171 फिर 174, ऐसा नहीं लिखना आपको। अगर 171 की आर्म्स लेंथ प्राइस दो बार दे रखी है, इसका मतलब वो एक ही लेनी है आपको, दो नहीं लेनी, दो काउंट नहीं होगी, वो एक ही काउंट होगी। सेम आर्म्स लेंथ प्राइस दो बार देगा भी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी दे रखा है मान लो 155 155, आपने ए के साथ 155 में ट्रांजेक्शन किया, बी के साथ 155 में किया, तो एक ही मानी जाएगी, दो बार नहीं लेंगे इसको। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस सेम दे रखी है वो एक ही मानी जाती है, इतना डिटेल में कोई पूछता नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो 20 आर्म्स लेंथ प्राइस है, आप 20 का अगर आप 35% करोगे होल नंबर आ गया 7, और 20 का 65% परसेंटाइल करोगे 13, ये भी होल नंबर आ गया। होल नंबर आ गया तो क्या करोगे, होल नंबर के सामने की वैल्यू लोगे क्या? होल नंबर के सामने की वैल्यू नहीं लेनी, होल नंबर के सामने की वैल्यू और नेक्स्ट नंबर के सामने की वैल्यू का एवरेज लेना है। होल नंबर नहीं आता तो नेक्स्ट नंबर के सामने की वैल्यू लेनी है, होल नंबर आ जाता तो होल नंबर के सामने की वैल्यू और नेक्स्ट नंबर के सामने की वैल्यू का एवरेज लेना है। तो देखो 7 आया होल नंबर यहाँ पे, तो 7 के सामने की वैल्यू थी 169 और नेक्स्ट नंबर था 8 के सामने की वैल्यू थी 170, इनका एवरेज ले लिया। ऐसे 65% में 13 आया होल नंबर, तो 13 के सामने की वैल्यू थी 178 और 14 के सामने की वैल्यू 180, इनका एवरेज ले लिया। तो 169.5 से आपकी रेंज स्टार्ट हो जाएगी, 179 में आपकी रेंज खत्म हो जाएगी, रेंज मिल गई। अब आपकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस तो 150 है, रेंज में नहीं आ रही तो मीडियन निकालेंगे, तो 20 का मीडियन आया 50% 10 भी होल नंबर आ गया, तो 10 के सामने की वैल्यू आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं बनेगी, 10 के सामने की वैल्यू और 11 के सामने की वैल्यू, 10 के सामने की वैल्यू और 11 के सामने की वैल्यू का एवरेज करो, ये आएगी आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, 10 के सामने की वैल्यू और 11 के सामने की वैल्यू, 172 प्लस 174 का एवरेज किया, 173 आर्म्स लेंथ प्राइस। ये था रेंज कंसेप्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, 35 और 65% निकालना है, 35% 65% के सामने की वैल्यू से, 35% वाली वैल्यू से रेंज स्टार्ट होगी और 65% वाली वैल्यू से रेंज खत्म होगी, रेंज बन गई। रेंज में अगर आपकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस फॉल कर रही है तो वही बन जाएगी आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, रेंज में फॉल नहीं कर रही, आपको निकालना पड़ेगा 50%, मतलब मीडियन निकालना पड़ेगा, और मीडियन के सामने की जो वैल्यू है वो बन जाएगी आर्म्स लेंथ प्राइस। आप 35 65 50% अगर होल नंबर नहीं आते तो नेक्स्ट होल नंबर की वैल्यू ले लेंगे, 35 65 50% अगर होल नंबर आ जाते हैं तो होल नंबर के सामने की वैल्यू और नेक्स्ट नंबर के सामने की वैल्यू का एवरेज लेंगे। ये होता है रेंज कंसेप्ट, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, विद एग्जांपल समझा दिया, और ये अपना कंप्लीट हो गया। अब कुछ लोगों को एक स्पेशल डाउट आता रहता है, वो भी बता देता हूँ ज्ञान के लिए। मान लो आपने क्या किया, नेस्ले इंडिया ने नेस्ले यूएस के साथ ट्रांजेक्शन कर रखा था, ऊपर आ जाओ आप, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ये वाला ट्रांजेक्शन कर रखा था 150 की सेल कर रखी थी मान लो। अब नेस्ले इंडिया ने क्या किया, आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली, तीन चार मेथड लगाए, कप मेथड से आर्म्स लेंथ प्राइस आई मान लो 155, रीसेल प्राइस मेथड से मान लो निकाल ली इसने, ऐसे निकाल ली 160 आ गई, कोस्ट प्लस मेथड से निकाली इसने मान लो वो आ गई 142 आ गई, और प्रॉफिट स्प्रेड मेथड से भी निकाल ली, ये तो चलो छोड़ो, तीन मेथड से निकाल ली मान लो। बताओ अब आप एवरेज वगैरह करोगे क्या, अब करोगे क्या, एक से ज़्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आ रही है, मत कर देना, ये तो इसने गलती किया, काम किया है। अब उनको एक ही मेथड लगाना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, ऐसा नहीं कि आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस ट्रांजेक्शन की आप पांच मेथड लगाओ और फिर देखो कि कौन सा सबसे कम आ रही है, चलो वो यूज़ कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। जो भी उस ट्रांजेक्शन की मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपको चूज़ करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने तीन मेथड यूज़ कर लिए, तीनों का आपने एवरेज करके फिर एवरेज आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ये अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट और रेंज कंसेप्ट कब लगाते हैं अपन, जब एक ही मेथड से आपकी एक से ज़्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस जाती है, जो आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो किया, चाहे वो कब किया हो, चाहे रीसेल प्राइस किया हो, चाहे कोस्ट प्लस किया हो, उस एक ही मेथड से एक से ज़्यादा आ जाती है तो लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अलग अलग मेथड फॉलो करके तीन चार आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल ली, अलाउड ही नहीं होता ऐसा अलाउड ही नहीं होता, ऐसा कर ही नहीं सकते आप, ऐसा फर्जीवाड़ा कर ही नहीं सकते, फिर ये रेंज कंसेप्ट अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट नहीं लगता। जब एक ही मेथड से एक से ज़्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आती है तो ही लगता है, पहली बार तो अपन ऐसा कर ही नहीं सकते कि एक मेथड तीन मेथड निकाल लिया, तीन मेथड से तीन आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल ली फिर उनका एवरेज कर रहे हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा अलाउड ही नहीं होता। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ये अपन ने आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने का सेक्शन 92C का सबसेक्शन 1, 92C का सबसेक्शन 2 वो तो अपन ने देख लिया, अब इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सेक्शन है 92C का सबसेक्शन 3, कुछ केस बता रखे जैसे आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस AO निकालते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप अपनी एसोसिएट के साथ ट्रांजेक्शन करते हो, ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो
दूसरी प्राइस पे, दूसरी प्राइस से करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम में एडजस्टमेंट करके अपनी रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। आपको उस ट्रांजेक्शन को आर्म्स एंड प्राइस से लाना पड़ेगा, इनकम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और बढ़ी हुई इनकम से अपनी रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। अगर आप कर देते हो तो ठीक है, बाद में पकड़े गए तो फिर क्या करेगा, फिर एओ आपकी आर्म्स एंड प्राइस निकालेगा, फिर एओ आपकी आर्म्स एंड प्राइस निकालेगा अगर आपका केस असेसमेंट में चला गया। हाँ, एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप चाहो तो फिर अपील में जा सकते हो, चाहे तो डीआरपी के पास जा सकते हो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, वो भी ऑप्शन होता है ट्रांसफर प्राइसिंग में। इसके अलावा आप सीआईटी अपील में भी जा सकते हो, ये आप वहाँ जा सकते हो एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में। लेकिन अगर आप आर्म्स एंड प्राइस ठीक से नहीं निकालते, या गलत डाटा यूज़ करते हो, या गलत मेथड यूज़ करते हो, या निकालते ही नहीं हो, इन सब केस में क्या होगा, एओ आपके आर्म्स एंड प्राइस निकालते का, ये बात कहाँ बता रखी है, सेक्शन 92C के सबसेक्शन 3 में। तो चार केस बता रखें जहां एओ आपकी आर्म्स एंड प्राइस निकाल देगा। पहला केस, अगर एसएससी जो आर्म्स एंड प्राइस निकालता है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड को फॉलो करके नहीं निकालता, मान लो एसएससी को लगाना चाहिए था कप मेथड, उसने लगा दिया टीएनएमएम मेथड, एओ निकाल देगा उसके आर्म्स एंड प्राइस। दूसरा, एसएससी ने जो आर्म्स एंड प्राइस निकाली है उसके लिए जो डाटा यूज किया है वो रिलायबल या करेक्ट नहीं है, एओ उसके आर्म्स एंड प्राइस निकालेगा। तीसरा, जो डॉक्यूमेंट्स 92D में बता रखे हैं, एक सेक्शन आएगा अपना डॉक्यूमेंट्स, अपन को ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 92D के अंदर एक टीपी स्टडी रिपोर्ट बना के रखनी पड़ती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स मान लो एसएससी ने बना नहीं रखे तो एओ उसके आर्म्स एंड प्राइस निकाल देगा। और चौथा, जो डॉक्यूमेंट्स एओ ने मांगे वो एसएससी उसको टाइम पर फर्निश नहीं करेगा तो एओ उसके आर्म्स एंड प्राइस निकाल देगा। इन चार केस में एओ एसएससी की आर्म्स एंड प्राइस निकाल देगा। आगे बता रखा है, अगर एओ आर्म्स एंड प्राइस निकालता है तो इसके देखो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, 92C के सबसेक्शन 4 में बता रखा है। देखो पेनल्टी वगैरह लगेगी वो अलग बात है, पेनल्टी वगैरह जो ठुकेगी आपकी वो अलग बात है, लेकिन 92C के सबसेक्शन 4 में दो स्पेशल कॉन्सिक्वेंस बता रखे हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या बता रखे हैं, अगर आपका केस स्क्रूटनी में गया और एओ ने आपकी आर्म्स एंड प्राइस निकाली और आपकी इनकम किसने बढ़ाई, एओ ने बढ़ाई, तो जो बढ़ी हुई इनकम है, जितने से इनकम एओ ने बढ़ाई है, उस बढ़ी हुई इनकम में से, उस इनहेंस इनकम में से ना तो आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा, ना ही 10W का डिडक्शन मिलेगा। एओ ने अगर आपकी इनकम बढ़ा दी तो उस बढ़ी हुई इनकम में से चैप्टर 6A का जो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेक्शन 80 वाला कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा और ना ही 10W का डिडक्शन मिलेगा। इसको मैंने एग्जाम्पल से समझाया था आपको, एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, एक एंटरप्राइज है टाटा इंडिया लिमिटेड जो SEZ में लोकेटेड है और ये अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज टाटा US को माल सप्लाई करती है, SEZ से माल सप्लाई करती है, तो इसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं। मान लो अब इसने एज पर रिटर्न ऑफ इनकम अपनी PGBP की इनकम दिखाई थी 100 करोड़ की और पूरा का पूरा प्रॉफिट इसका कौन सा था, एक्सपोर्ट प्रॉफिट था। ग्रोथ टोटल इनकम इसकी आई थी 100 करोड़ और इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट था एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और ये मान लो इसके स्टार्टिंग के 5 ईयर थे, स्टार्टिंग के 5 ईयर ने इसने 10W में 100 करोड़ का पूरा 100% रिडक्शन ले लिया। अपन ने देखा था 10W, स्टार्टिंग के 5 ईयर में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिडक्शन मिलता है, तो 100 करोड़ का रिडक्शन ले लिया, टोटल इनकम इसने दिखाई 0, रिटर्न भर दी। इन्होंने क्या किया, इसने जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो एक्सपोर्ट किया था अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को, इसकी आर्म्स एंड प्राइस निकाली और 60 करोड़ से इसकी इनकम को बढ़ा दिया, 160 करोड़ कर दिया आर्म्स एंड प्राइस निकाल के, ग्रोथ टोटल इनकम आई 160 करोड़। अब टाटा इंडिया लिमिटेड बोलता है कि 160 करोड़ आई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 160 करोड़ का 10W का डिडक्शन दे दो। 160 करोड़ का मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जो बड़ी हुई इनकम है मतलब 60 करोड़ से जो इन्होंने इनकम बढ़ाई है उस बड़ी हुई इनकम में से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, जो 100 करोड़ का इसने पहले लिया था उतना मिल जाएगा, लेकिन एओ ने जो 60 करोड़ से इनकम बढ़ाई है उस 60 करोड़ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, 10W का और चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये था फर्स्ट स्पेशल पॉइंट, एक कंसिक्वेंस तो ये होगा। दूसरा कंसिक्वेंस और भी एंटिक है, ये क्या बोलता है, अगर मान लो एओ एक एसोसिएट एंटरप्राइज की इनकम बढ़ा देता है, दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइज की इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी की इनकम चेंज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, एक एग्जाम्पल देख लो, टाटा इंडिया लिमिटेड इंडिया की एसोसिएट एंटरप्राइज है, टाटा US लिमिटेड US की एसोसिएट एंटरप्राइज, दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है। टाटा US ने टाटा इंडिया को पेटेंट सप्लाई किया और टाटा इंडिया ने बदले में रॉयल्टी का पेमेंट किया, रॉयल्टी का पेमेंट किया कितने का, 300 करोड़ का, 300 करोड़ का। अब ये रॉयल्टी का जो पेमेंट होता है ना, ये टाटा US के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाता है। कहाँ टैक्सेबल हो जाता है, अपन एक सेक्शन आएगा सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लोज 6 सेक्शन 9 आएगा नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में, वहाँ इसको अपन डीम्ड टू बी अर्निंग इंडिया मान देते हैं और ये रॉयल्टी की इनकम जो टैक्सेबल होती है एक सेक्शन आएगा 115A वहाँ टैक्सेबल हो जाती है 10% की रेट से। सरचार्ज ऐसा अलग लगाते हैं लेकिन तो वहाँ टैक्स की रेट लग जाती है 10% रेट, मान लो आप सरचार्ज ऐसा को एक बार भूल जाओ। अब रॉयल्टी अमाउंट टैक्सेबल है, जो टाटा US के हैंड्स में रॉयल्टी की इनकम टैक्सेबल है, टाटा इंडिया लिमिटेड इसको रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, TDS काटना पड़ जाएगा टाटा US टाटा इंडिया को, कौन से सेक्शन में, 195 में। अब ने देखा 195 में अगर आप किसी भी नॉन एजेंट को कोई पेमेंट करते हो जो इंडिया में टैक्सेबल है, TDS हो जाएगा रेट्स इन फोर्स से, तो यह रेट इन फोर्स मतलब जितना टैक्स बनता है, तो 300 करोड़ में टैक्स बनना 10% की रेट से 30 करोड़ का मान लो, तो 30 करोड़ का टाटा इंडिया ने इसका TDS काट लिया था। अब रॉयल्टी का पेमेंट 300 करोड़ का टाटा इंडिया ने किया था, टाटा इंडिया का केस चला गया स्कूटी में एओ के पास और एओ ने क्या कर दिया, आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल दी इस रॉयल्टी के खर्चे की 250 करोड़, कितने निकाल दी 250 करोड़, मतलब टाटा इंडिया का 50 करोड़ का खर्चा कम कर दिया। टाटा इंडिया ने खर्चा 300 करोड़ का क्लेम कर रखा था, जो एओ ने 250 करोड़ कर दिया, मतलब 50 करोड़ से टाटा इंडिया की इनकम बढ़ा दी।
एक एसोसिएट एंटरप्राइज की इनकम एओ ने बढ़ा दी। अब बताओ टाटा यूएस लिमिटेड ये बोल सकता है क्या कि आपने टाटा इंडिया के लिए रॉयल्टी का खर्चा 300 की जगह 250 कर दिया, तो मेरी इनकम भी आप 300 की जगह 250 मानो, मेरी इनकम भी कितनी मानो 250 मानो, और मेरी इनकम पे टैक्स बनता है 25 का, मेरा टैक्स उसने काटा था 30 का, आप मेरे को 5 करोड़ का रिफंड दे दो टैक्स का, मेरी इनकम भी 250 मानो, 250 भी टैक्स बनेगा 25 का, और उसने टैक्स काट के जमा करवाया था 30 का, आप मुझे 5 करोड़ रिफंड दे दो, ऐसा बोल सकता है क्या टाटा यूएस? ऐसा नहीं बोल सकता। इसकी इनकम चेंज नहीं होगी, इसकी इनकम तो उतनी ही मानी जाएगी, इसकी इनकम तो उतनी ही मानी जाएगी, इसकी इनकम चेंज नहीं होगी। ये एंटिक केस कब लगता है? ये एंटिक केस देखो कब लगता है, जब दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उनके बीच में, उनसे जो इनकम हो रही है, एक की तो इनकम, एक का खर्चा, एक की तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है और एक को खर्चे का डिडक्शन इंडिया में मिल रहा है, तब तब ये एंटिक केस लगता है। मान लो यहाँ पे पेटेंट की जगह कुछ और होता, गुड सप्लाई करे और पेमेंट कर रहा है, तो वो तो एक्सपोर्ट होता, उस पर टाटा यूएस की इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होती, बात ही खत्म थी, उसमें वैसे भी चेंज नहीं होती इनकम। तो वैसे भी साफ है ये पॉइंट क्या बोलता है, अगर एओ एक एसोसिएट एंटरप्राइज इनकम को बढ़ा देता है, दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइज की इनकम चाहे इंडिया में टैक्सेबल हो चाहे नहीं हो, उसकी इनकम चेंज नहीं होगी, उसकी इनकम उतनी ही मानी जाएगी, उसकी इनकम चेंज नहीं होगी, उस ट्रांजेक्शन से अगर उसको इनकम हो रही है कुछ भी हो रहा है तो उसकी चेंज नहीं होगी, उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। ये था दूसरा स्पेशल केस जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, ये एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में भी दे रखा था। अब आते हैं अपन सेक्शन 92CA, रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, एक फालतू सा सेक्शन है। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना इतना छोटा मोटा काम नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन होते हैं, प्लस माइनस करने में काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ता है। अब एओ की बस की बात नहीं होती इतनी, एओ का इतना दिमाग काम नहीं करता। तो एक ऑफिसर बना रखा है टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, ये कौन होता है? ये एओ का भाई होता है, लेकिन ये टीपीओ जो होता है ना ये ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने में एक्सपर्ट होता है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने में क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट कैसे होता है? ये ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल के एक्सपर्ट बन जाता है। तो ये टीपीओ क्या होता है? कोई अलग से ऑफिसर नहीं होता, ये भी वही आपका यूपीएससी वगैरह का एग्जाम पास करके बनता है। तो लेकिन ये बस क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने में एक्सपर्ट होता है, इसको ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने में दिक्कतें नहीं आती। तो एओ को एक ऑप्शन दे रखा है कि एओ चाहे तो इस स्क्रूटनी का उसके पास कोई केस आया, एओ चाहे तो अगर एओ को ट्रांसफर प्राइस निकालने में दिक्कत आ रही है तो वो उस केस को टीपीओ को रेफर कर सकता है, ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए टीपीओ को रेफर कर सकता है। ये ऑप्शन एओ को दे रखा है। प्रैक्टिकल लाइफ में हर केस में एओ खुद नहीं निकालता ट्रांसफर प्राइस, हर केस में एओ क्या कर देता है? खुद के काम से बचने के लिए टीपीओ को केस रेफर कर देता है। तो एओ चाहे तो आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए टीपीओ को केस रेफर कर सकता है। ये ऑप्शन किसके पास है? एओ के पास है, लेकिन एसएससी के पास नहीं है। अगर एसएससी बोलता है एओ को कि मेरा केस टीपीओ को दे दो, एओ नहीं देगा। एओ की इच्छा है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, एओ के पास ऑप्शन है ये। हाँ, अगर एओ टीपीओ को केस रेफर करता है तो उसको अपने पापा कौन सीआईटी कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। उसके बाद टीपीओ के पास अगर केस चला गया, टीपीओ एसएससी से डॉक्यूमेंट्स एविडेंस मंगवाएगा और एसएससी को क्या करने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट्स एविडेंस टीपीओ को सबमिट करने पड़ेंगे। अब इसमें आगे बता रखा है, टीपीओ मान लो एसएससी की आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल रहा है किसी ट्रांजेक्शन जो एओ ने रेफर किया था उसकी आर्म्स लेंथ प्राइस टीपीओ निकाल रहा है। चेक करते करते टीपीओ के पकड़ में कुछ और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आ गए जो ना तो एओ ने बताए थे ना एसएससी ने बताए थे, कुछ और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टीपीओ को दिख गए। मान लो नेस्ले इंडिया का एक ट्रांजेक्शन था नेस्ले यूएस के हाथ जो एओ ने बताया टीपीओ को, और टीपीओ उसकी आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते करते टीपीओ ने देखा कि नेस्ले इंडिया ने तो नेस्ले सिंगापुर के हाथ भी ट्रांजेक्शन कर रखा है, नेस्ले यूके के साथ भी ट्रांजेक्शन कर रखा है, आपस में ये ट्रांजेक्शन और कर रखे हैं, ये और पकड़ में आ गए उसके, तो उनकी भी क्या कर सकता है? उन अदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की भी वो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सकता है। और आगे बता रखा है टीपीओ ने जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली है वो एओ के ऊपर क्या होगी? बाइंडिंग होगी। एओ को उस आर्म्स लेंथ प्राइस को मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एओ उसको मना कर दे कि मैं तो नहीं मानूंगा। तो टीपीओ ने जो भी आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली एओ को उसको एओ के ऊपर वो बाइंडिंग होगी, और एओ को जो अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करना है, मतलब एओ जो एसएससी की टोटल इनकम निकालेगा वो काम तो एओ करेगा, असेसमेंट ऑर्डर कभी भी टीपीओ पास नहीं करता। टीपीओ का काम क्या होता है? खाली आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेगा। तो टीपीओ ने जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली है वो एओ के ऊपर बाइंडिंग होगी, और एओ को जो एसएससी की टोटल इनकम निकालनी है, एओ को जो असेसमेंट ऑर्डर पास करना है वो उस टीपीओ की उस आर्म्स लेंथ प्राइस के अकॉर्डिंग निकालनी है। उस टीपीओ ने जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली है उसके अकॉर्डिंग ही एओ को अपना असेसमेंट ऑर्डर बनाना है। ये बताता है सेक्शन 92CA रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, फालतू सेक्शन था। अब आप आगे आ जाओ 92CB सेफ हार्बर रूल। देखो एक सेक्शन है 92CB सेफ हार्बर रूल और एक है 92CC NCD एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट APA। ये सेक्शन क्यों लाए गए? CB CC NCD। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, लगभग सारे केस स्क्रूटनी वगैरह में चले जाते हैं, काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। AO बोलता है मेथड लगेगा कप मेथड, एसएससी लगाता है TNM में, एसएससी लगाता है कप, मान लो कप मेथड, AO बोलता है CPM लगेगा। तो इनमें डिस्प्यूट्स होते रहते हैं और काफ़ी केस स्क्रूटनी में चले रहते हैं, काफ़ी केस अपील में पड़े हुए रहते हैं काफ़ी सालों से। तो इन डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए 92CB CC और CD ये लाए गए।
ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, उन्हीं डिस्प्यूट को कम करने के लिए ए सी बी डी टी ने सेक्शन 92 सी बी सी सी ओ सी डी बनाए। 92 सी बी ट्रांसफर प्राइसिंग के डिस्प्यूट्स को कम करने का तरीका है। सी बी डी क्या कर सकता है? ट्रांसफर प्राइसिंग के डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए सेफ हार्बर रूल्स बना सकता है। सेफ हार्बर रूल्स बना सकता है। आप बोलोगे ये सेफ हार्बर रूल्स क्या होते हैं? देखो सेफ हार्बर रूल्स में कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन सी बी डी टी नोटिफाई करता है और बताता है कि अगर एसएससी ने क्या किए हैं, ये ट्रांजेक्शन अपनी ए के साथ किए हैं, ए मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ किए हैं, और उन ट्रांजेक्शन में अगर एसएससी जितना मिनिमम मार्जिन सेफ हार्बर रूल में बता रखा है उतना डिक्लेयर कर देता है, तो एओ को एसएससी ने जो भी ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर करी है माननी ही पड़ती है। एओ डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता, एओ एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकता, एओ को वो ट्रांसफर प्राइस माननी ही पड़ती है। मैंने क्या बताया, सीबीडीटी सेफ हार्बर रूल बना सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग के डिस्प्यूट को कम करने के लिए। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में जो ट्रांजेक्शन बता रखे हैं, क्या बोलते हैं, सेफ हार्बर रूल्स में जो ट्रांजेक्शन बता रखे हैं उसमें जो मिनिमम मार्जिन बता रखा है उतना एसएससी डिक्लेयर कर देता है, तो एओ को जो ट्रांसफर प्राइस एसएससी ने बताई है वो माननी ही पड़ती है, एओ उसमें डिस्प्यूट नहीं कर सकता। अभी आपके अटेम्प्ट के लिए सेफ हार्बर रूल्स सीबीडीटी ने नोटिफाई नहीं किए तो इसको अभी भूल जाओ, कुछ काम का नहीं है। अब अपन आते हैं आगे, 92 सीसी एनसीडी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये है काम का एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये देख लेते हैं थ्योरी, ये अपन एक बार देख लेते हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जिसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, एपीए, एपीए। अभी ये एपीए क्या होता है, देखो मान लो अगर एसएससी और डिपार्टमेंट वालों के बीच में पहले से कोई एग्रीमेंट बन जाए कि इस पार्टिकुलर एसएससी की आर्म्स लेंथ प्राइस कौन से मेथड से निकलेगी और किस मैनर में निकलेगी, इस पार्टिकुलर एसएससी की आर्म्स लेंथ प्राइस कौन से मेथड से निकलेगी और किस मैनर में निकलेगी, तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा कैसे आ जाएगा, डिस्प्यूट ही नहीं होगी। अगर मान लो एसएससी ने उस एग्रीमेंट को फॉलो कर लिया, जैसे मान लो कि एसएससी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड और डिपार्टमेंट वाले, इन दोनों के बीच में पहले से बैठ के एक एग्रीमेंट बन जाए कि इस नेस्ले इंडिया लिमिटेड की आर्म्स लेंथ प्राइस अगर ये ट्रांजेक्शन करता है अपनी एई के साथ तो किस मेथड से निकलेगी और कौन से मैनर में निकलेगी, ऐसा उसे एक एग्रीमेंट बन जाए और वो नेस्ले इंडिया लिमिटेड उस एग्रीमेंट को फॉलो कर ले, तो डिस्प्यूट ही नहीं हो आगे जाके, केस डिस्प्यूट में जाए नहीं, और जाए भी तो डिस्प्यूट ही नहीं हो। तो ये एपीए भी क्या करता है, डिस्प्यूट को ख़त्म करता है। अब कैसे खत्म करता है, एपीए होता है एक एग्रीमेंट किसके बीच में बनता है, एसएससी और सीबीडीटी, मतलब एसएससी और डिपार्टमेंट वालों के बीच में एग्रीमेंट बनता है, एसएससी और सीबीडीटी के बीच में बनता है। किसके लिए बनता है ये जो एग्रीमेंट बनता है ना, ये खाली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए बनता है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए बनता है, किसके लिए बनता है, खाली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए बनता है, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए बनता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए बनता है। और इस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, उस एसएससी की आर्म्स लेंथ प्राइस कौन से मेथड से निकलेगी और किस मैनर में निकलेगी, ये लिखा हुआ होता है। अब सीबीडीटी एसएससी के हाथ एपीए में एंटर हो सकता है, लेकिन एसएससी को उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। सीबीडीटी आपके पास खुद चल के नहीं आएगा, एसएससी को एप्लीकेंट बनना पड़ेगा, एसएससी को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, और सीबीडीटी एंटर तभी हो सकता है, पहले सीबीडीटी को क्या करनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्रीमेंट में एंटर होने से पहले सीबीडीटी को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद सीबीडीटी एसएससी के साथ एपीए में एंटर हो सकता है। अब आगे बता रखा, अगर एपीए बना हुआ है, अगर एपीए बना हुआ है और एसएससी उस एपीए को ठीक से फॉलो कर रहा है, एपीए बना हुआ है एसएससी उस एपीए को ठीक से फॉलो कर रहा है, तो उस एसएससी के ऊपर 92 सी सीए लगेगा ही नहीं। 92 सी में कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, इसके अलावा ए उसकी आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल देगा, इसके अलावा कंसिक्वेंस वगैरह बता रखे हैं, 92 सीए में टीपीओ वाला केस बता रखा है, लगेगा ही नहीं, सेक्शन ही नहीं लगेंगे। अगर एपीए बना हुआ है और एसएससी एपीए को फॉलो करता है तो एपीए के अकॉर्डिंग आर्म्स लेंथ प्राइस निकलेगी और एओ डिस्प्यूट करेगा ही नहीं, एओ डिस्प्यूट करेगा कर ही नहीं सकता, बात ही खत्म। तो एसएससी के ऊपर 92 सी सी ए लगेगा ही नहीं और डिस्प्यूट में केस होगा ही नहीं, डिस्प्यूट होगा ही नहीं, काम खत्म। अब एपीए में जो आप एंटर हो सकते हो, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए एंटर हो सकते हो, 5 ईयर्स के लिए एपीए वैलिड होता है, मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करी, जिस ईयर में एसएससी ने एप्लीकेशन करी उस ईयर से कंसेक्यूटिव 5 ईयर के लिए आप मैक्सिमम एपीए में एंटर हो सकते हो। चाहते हो तो आप कम पीरियड के लिए भी हो सकते हो, 3 ईयर 4 ईयर 2 ईयर, लेकिन मैक्सिमम 5 ईयर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो एसएससी ने एप्लीकेशन करी प्रीवियस ईयर 23-24 में, एसएससी ने एप्लीकेशन करी 23-24 में एप्लीकेशन करी, तो 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 और 27-28 मैक्सिमम इन 5 साल के लिए क्या होगा, आपको एपीए मिल जाएगा। जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करी उस ईयर से 5 ईयर, उस ईयर से 5 ईयर तक आप एपीए में मैक्सिमम एंटर हो सकते हो। चाहो तो कम ईयर के लिए भी हो सकते हो, 3 ईयर 2 ईयर 4 ईयर, लेकिन मैक्सिमम 5 ईयर। तो 23-24 में एप्लीकेशन करी तो एपीए मैक्सिमम कब तक वैलिड रहेगा, प्रीवियस ईयर 23-24 से लेकर के प्रीवियस ईयर 27-28, एप्लीकेशन ईयर से 5 ईयर, एप्लीकेशन ईयर से 5 ईयर काउंट करेंगे, तो 5 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। आगे बता रखा है, अगर आप एपीए में एंटर होते तो देखो एपीए किस पे बाइंडिंग होगा, एक तो एप्लीकेंट के ऊपर होगा, नेस्ले इंडिया ने एप्लीकेशन करी तो नेस्ले इंडिया पे लगेगा वो एपीए, ऐसा नहीं कि टाटा यूएस को यूज़ कर ले या टाटा इंडिया यूज़ कर ले, नहीं,
नहीं कर सकती टाटा इंडिया उसको यूज़, तो एप्लीकेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। दूसरा डिपार्टमेंट वालों के ऊपर बाइंडिंग होगा, आपको दी लेवल ऑफ कमिश्नर एओ के पापा के लेवल तक जो डिपार्टमेंट वाले हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होगा, तभी तो केस स्क्रूटनी में नहीं जाएगा, तभी तो डिस्प्यूट नहीं होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट वालों को भी इसको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एओ बोले कि मैं तो नहीं मानूंगा इस एग्रीमेंट को, ऐसा नहीं हो सकता, डिपार्टमेंट वालों को भी इसको मानना पड़ेगा। और तीसरा, जिस ट्रांजेक्शन के लिए आप एपीए में एंट्री हुए हो उसी ट्रांजेक्शन पर बाइंडिंग होगा। मान लो आप अभी ट्रांजेक्शन करते थे कोल्ड ड्रिंक बेचने का, और कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले ट्रांजेक्शन के लिए आप एपीए में एंटर हो गए, बाद में आप दो साल बाद अपनी एसोसिएट को दारू बेचने लग जाते हो, बताओ दारू वाले ट्रांजेक्शन में बाइंडिंग होगा क्या? नहीं होगा। आप एंट्री किसके लिए हो? कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले ट्रांजेक्शन पे, तो कोल्ड ड्रिंक वाले ट्रांजेक्शन पे ही एपीए एंटर होगा, एपीए बाइंडिंग होगा। आगे बता रखा है, अगर एसएससी जो एपीए में एंटर हो जाता है कैसे करता है, एंटर हो जाता है या तो फ्रॉड करके या फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करके, फ्रॉड या फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करके, तो सिबिलिटी ऐसे एपीए को वॉइड एब इनिशियो स्टार्टिंग से वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और अगर वॉइड कर देता है उसको डिक्लेयर, तो स्टार्टिंग से एसएससी के ऊपर क्या लग जाएंगे, 92C CA लग जाएंगे, फिर एपीए लगेगा नहीं अगर सिबिलिटी उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देता है। तो ये थे एपीए के कुछ बेसिक। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ आती है, रोल बैक प्रोविजन फॉर एपीए, रोल बैक प्रोविजन फॉर एपीए। ये क्या होता है रोल बैक प्रोविजन फॉर एपीए? आप जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया उस ईयर से मैक्सिमम 5 ईयर के लिए एपीए में जा सकते हो, लेकिन मान लो आपके पुराने डिस्प्यूट चल रहे हैं, आपको पुराने डिस्प्यूट से भी छुटकारा चाहते हो आप, करंट ईयर मान लो 23-24 आपका है, ये मान लो इस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया, अब आपके पुराने सालों के डिस्प्यूट भी चल रहे हैं, पुराने सालों के केस भी आपके स्क्रूटनी में है, आपको उनको भी खत्म करना है, तो आप एक रोल बैक ले सकते हो। ये रोल बैक क्या होता है, जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया उससे पीछे के 4 साल, उससे मैक्सिमम पीछे के 4 साल के लिए आप एपीए में एंटर हो सकते हो, रोल बैक, इसको बोलते हैं रोल बैक एपीए। तो आपने एप्लीकेशन किया था 23-24 में, मान लो 23-24 में किया था आपने एपीए का एप्लीकेशन, तो इसे पीछे के 4 साल कौन कौन से हो गए, 22-23, एक बार मैं नीचे लिखता हूँ इसको थोड़ा सा, देखो आपने एप्लीकेशन किया था प्रीवियस ईयर 23-24 में आपने किया था एप्लीकेशन, तो नॉर्मल एपीए तो आपको मिल जाएगा 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 और 27-28, एप्लीकेशन ईयर से मैक्सिमम 5 ईयर 27-28 तक आपको मिल जाएगा। रोल बैक क्या है, जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया उसे पीछे के 4 साल, उससे पीछे के 4 साल 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20, ये हो गए पीछे के 4 साल। आप मैक्सिमम पीछे के 4 साल के लिए रोल बैक में जा सकते हो। अगर आपको पुराने डिस्प्यूट खत्म करने हैं, तो मैक्सिमम पीछे के 4 साल के लिए आप रोल बैक एपीए ले सकते हो। लेकिन रोल बैक एपीए लेने के लिए सबसे पहले तो आपको नॉर्मल एपीए लेना पड़ेगा, नॉर्मल एपीए लेना पड़ेगा, उसके बाद चाहो तो आप पीछे के डिस्प्यूट, पुराने डिस्प्यूट भी खत्म कर सकते हो। आप डायरेक्टली रोल बैक ले सकते हो या नहीं ले सकते, पहले तो आपको नॉर्मल एपीए लेना पड़ेगा, पहले तो आपको करंट ईयर और आगे के ईयर्स के लिए एपीए लेना पड़ेगा, फिर आप चाहो तो पीछे के 4 साल के लिए रोल बैक एपीए, जिसको अपन क्या बोलेंगे रोल बैक एपीए ले सकते हो। रोल बैक एपीए के लिए मैक्सिमम कितने ईयर्स हैं, 4 ईयर्स, तो टोटल मिला के कोई भी एसएससी 9 ईयर्स के लिए एपीए में एंटर हो सकता है। 5 ईयर का तो नॉर्मल एपीए और 4 ईयर का रोल बैक एपीए। रोल बैक एपीए मतलब जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करी उसे पीछे के 4 साल, उसे पीछे के 4 साल के लिए रोल बैक, उसे पीछे के 4 साल के लिए, ये होता है रोल बैक, रोल बैक एपीए। और ये नॉर्मल एपीए होता ही अपना करंट ईयर से लेकर के, जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करी उस ईयर से लेकर के 5 ईयर, तो ये हो गया आपका रोल बैक एपीए। अब कुछ कंडीशन है रोल बैक में जाने की। पहला, रोल बैक के लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी फॉर्म नंबर 3CEDA में, फॉर्म नंबर 3CEDA में, और आपकी 5 लाख की फीस लगेगी, 5 लाख की फीस लगेगी। दूसरा, रोल बैक के लिए जो आपको एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट डालनी है, पीछे के 4 साल की डालनी है, पीछे के 4 साल का रोल बैक लेना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप सेलेक्टिव जाओ कि 1920 ले लिया, 2122 ले लिया, ऐसा नहीं, पीछे के 4 साल लेना पड़ेगा, पीछे के 4 साल के लिए आपको रोल बैक की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तीसरा बता रखा है, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, जो नॉर्मल एपी में आपने लिखे हैं, सेम टू सेम वो ट्रांजेक्शन रोल बैक में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले तो आप मान लो कोल्ड ड्रिंक बेचते थे और अब आप दारू बेचने लग गए, एपी बना हुआ है दारू बेचने का, तो रोल बैक ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। पहले आप कोल्ड ड्रिंक बेचते थे, ट्रांजेक्शन अलग, तो नहीं ले सकते। आगे बता रखा है, जो रोल बैक ईयर्स हैं उनकी आपको ROI अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल करी है तो ही आपको रोल बैक मिलेगा। जैसे 19, 20, 21, 22 और 22, 23, ये आपके रोल बैक एपी है। इनके ROI का ड्यू डेट होता है, देखो ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30th नवंबर, 30th नवंबर तक फाइल करी है तो ही आपको रोल बैक मिलेगा। अगर आपने मान लो 2021 की ROI लेट फाइल करी थी तो 2021 का आपको रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन 4 साल की करनी पड़ेगी, जिस ईयर की आपने ROI लेट फाइल करी है उस ईयर का फिर वो रोल बैक आपको नहीं देंगे। ये रोल बैक एपीए। अब रोल बैक एपीए में ये आपको बता ही रखा है, दो केस बता रखे हैं जहां रोल बैक का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पहला केस, किसी ईयर का रोल बैक ईयर का अगर आर्म्स लेंथ प्राइस का केस ITT में चल रहा था,
किसी रोल बैक ईयर का आम साइन प्राइस का केस कहाँ चल रहा था, आईटीटी में चल रहा था, आपने आईटीटी में अपील कर रखी थी और आईटीटी ने क्या कर दिया, एपीए के साइन होने से पहले, एपीए के साइन होने से पहले अपना ऑर्डर पास कर दिया, तो अब क्या होगा, रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आईटीटी ने जो इनकम बताई है या आईटीटी के अकॉर्डिंग जो इनकम आई है वही आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि देखो रोल बैक या जो एपीए होता है ना, एपीए देखो किस पर बाइंडिंग होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग होता है, आईटीटी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, आईटीएटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होता है, ये खाली डिपार्टमेंट वालों के ऊपर बाइंडिंग होता है। आईटीटी तो क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो अगर किसी ईयर का आर्म्स लेंथ प्राइस का केस आईटीटी में चल रहा था और आईटीटी ने क्या कर दिया, एपीए के साइन होने से पहले अपना ऑर्डर पास कर दिया, अब आईटीटी का जो ऑर्डर है वो प्रिवेल करेगा, एपीए प्रिवेल नहीं करेगा या रोल बैक प्रिवेल नहीं करेगा। ये रोल बैक के केस में एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, रोल बैक के कारण अगर आपकी जो टोटल इनकम है, जो इनकम आपने रिटर्न में बनाई थी उससे भी कम हो जाती है, उससे भी कम हो जाती है तो भी रोल बैक वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम इनकम कितनी माननी पड़ेगी, जो आपने रिटर्न में बताई थी उतनी माननी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ इस वाले दूसरे पॉइंट का, देखो दूसरे पॉइंट का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। पहले रोल बैक ईयर है, अपन नॉर्मल एपीए की बात नहीं कर रहे, अभी अपन रोल बैक के पॉइंट देख रहे हैं, दो केस में रोल बैक नहीं मिलेगा। तो मान लो रोल बैक के देखो कौन कौन से ईयर है इस एग्जाम्पल में, 1920, 2021, 2021-22 और 2022-23 अपन मान लेते हैं। 1920 का केस है, 1920 का केस, 1920 का केस है, प्रीवियस ईयर 1920 का केस है। 1920 में आपने जो टोटल इनकम दिखा रखी थी, केस वन लेते हैं, आपने एज पर रिटर्न ऑफ इनकम 30 करोड़ की इनकम दिखाई थी, आपने जो भी आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली थी, जो भी मेथड फॉलो किया था उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम आई थी 30 करोड़। आपका केस असेसमेंट में चल गया एओ के पास, एओ ने 5 करोड़ से आपकी इनकम बढ़ा दी, प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दी और 35 करोड़ इनकम कर दी। अब आपने ले लिया रोल बैक, रोल बैक में आप एंटर हो गए और रोल बैक में जो मेथड लिखा हुआ है, रोल बैक में मान लो मेथड लिखा हुआ है कप मेथड या सीपीएम मेथड, आपने इनकम निकाली थी कप मेथड से, एओ ने लगा दिया था मान लो टीएनएमएम मेथड और रोल बैक में लिखा है सीपीएम मेथड, रोल बैक के अकॉर्डिंग आपकी इनकम आ रही है 32 करोड़ की, रोल बैक वाला जो मेथड लगाया उस अकॉर्डिंग जो आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस आई और उस अकॉर्डिंग जो आपकी इनकम आई वो आई 32 करोड़ की। बताओ आपको रोल बैक का बेनिफिट मिल जाएगा क्या, रोल बैक आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा क्या 1920 का, 1920 का रोल बैक अप्लाई हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो आपकी जो इनकम है ना रोल बैक वाली इनकम, वो रिटर्न में जो इनकम बताई है 30 करोड़, इससे कम नहीं है, तो आपकी फाइनल इनकम 32 करोड़ मान ली जाएगी, आपका केस खत्म हो जाएगा, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा और 32 करोड़ आपकी फाइनल इनकम मान ली जाएगी। दूसरा केस, आरओआई के अकॉर्डिंग आपकी इनकम आई 30 करोड़, एओ ने जो मेथड फॉलो किया उस अकॉर्डिंग इनकम आई आपकी 35 करोड़, आपने रोल बैक में एंटर हो गए, रोल बैक में जो मेथड बता रखा है और जो मैनर बता रखा है उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम आ रही है 25 करोड़, रिटर्न इनकम जो आपने बताई है 30 करोड़, इससे भी कम आ रही है रोल बैक के मेथड के अकॉर्डिंग, आपको रोल बैक का मेथड वाला जो बेनिफिट है, रोल बैक वाला बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, आपकी इनकम 25 करोड़ नहीं मानी जाएगी। डिस्प्यूट तो खत्म हो जाएगा, डिस्प्यूट तो खत्म हो जाएगा, रोल बैक ये तो डिस्प्यूट तो खत्म होगा, एपीए में आप एंटर होते हो तो डिस्प्यूट वगैरह खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपकी इनकम मिनिमम कितनी मानी जाएगी, रिटर्न इनकम 30 करोड़ मानी जाएगी, मिनिमम कितनी मानी जाएगी 30 करोड़। तीसरा केस, आपने आरओए के अकॉर्डिंग इनकम बताई 30 करोड़, आपका केस असेसमेंट में गया नहीं, स्क्रूटनी में गया नहीं एओ के पास, और रोल बैक के कारण इनकम आई 26 करोड़, कितनी मानी जाएगी 26 नहीं मानी जाएगी 30, मिनिमम जो आपने आरओए में बताई उतनी इनकम तो आपको माननी पड़ेगी, उतनी तो माननी पड़ेगी रोल बैक के केस में। रोल बैक के केस में फ़ायदा क्या होगा, अगर आप रोल बैक लेते हो तो फ़ायदा ये होगा कि आपके जो डिस्प्यूट्स है ना ये जो एओ के पास चल रहे हैं स्क्रूटनी वगैरह के केस, ये सब खत्म हो जाएंगे, एओ ने जो इनकम निकाली है ना ये सारे डिस्प्यूट्स आपके खत्म हो जाएंगे, ये फ़ायदा हो जाएगा। इस कारण रोल बैक लेते हैं, ऐसा नहीं कि जो रिटर्न में इनकम बताइए आपको उससे भी कम इनकम हो जाएगी, उससे कम इनकम नहीं हो जाएगी, बस डिस्प्यूट्स वगैरह आपके खत्म हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स वगैरह आपके खत्म हो जाएंगे। तो दो केस में रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, मतलब रोल बैक के अकॉर्डिंग जो इनकम आ रही है वो नहीं मानी जाएगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं, मान लो आपका केस एक बार थोड़ा सा रुकते हैं अपन, सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग हो गया।
तो ये वाला केस तो देख लिया। ऐसे ही पहला केस था, मान लो ITD ने जो ऑर्डर पास किया उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम आई 35 करोड़, और रोल बैक के कारण आपकी इनकम आ रही है मान लो 32 करोड़। रोल बैक का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसा ही पहला केस था। तो दो केस थे जिसमें रोल बैक का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। पहला केस क्या है? पहला आपका केस ITD में चल रहा है और ITD ने APA के साइन होने से पहले अपना ऑर्डर पास कर दिया। दूसरा, रोल बैक के कारण आपकी टोटल इनकम ROI वाली इनकम से भी कमा जाती है, तो मिनिमम आपकी जितनी ROI में आपने इनकम बताई थी उतनी तो आपको माननी ही पड़ेगी। ये थे रोल बैक के पॉइंट जो अपने देख लिए। आगे एक केस आता रखा है, रोल बैक प्रोविजन इन केस ऑफ मर्जर और डीमर्जर। कंपनीज का मर्जर हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है तो उस केस में रोल बैक कैसे मिलेगा? पहला केस इसको एग्जांपल से समझते हैं। तीन एंटरप्राइज हैं, ए, बी और सी, तीनों मिलकर एक नई कंपनी बन गई, ABC लिमिटेड। बताओ ABC लिमिटेड रोल बैक में जा सकती है कि नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? ABC लिमिटेड पहले थी नहीं। रोल बैक तो उनको पिछले सालों का मिलता है, जब ABC लिमिटेड पहले थी नहीं तो कैसे जाएगी रोल बैक में? तो ABC लिमिटेड रोल बैक में नहीं जा सकती। दूसरा केस, तीन कंपनी थी पहले से, ए, बी और सी। बी और सी मिल हो गई मर्ज ए में। बी और सी किस में मर्ज हो गई? ए में। बी और सी तो खत्म हो गई, अब ए की बात करते हैं। तो ए रोल बैक में जा सकती है? हाँ जा सकती है। ए पहले भी थी और आज भी है, तो ए लिमिटेड रोल बैक में जा सकती है। अब डी मर्ज का केस देखते हैं। हीरो लिमिटेड की बिजनेस था एक साइकिल बनाने का और एक मोटरसाइकिल बनाने का। तो जो बाइक बनाने का बिजनेस है ये तो खुद के पास रखा है इसने, और साइकिल बनाने का बिजनेस को इसने डीमर्ज कर दिया और एक नई कंपनी बनी हीरोइन लिमिटेड, उसको इसने डीमर्ज कर दिया। तो बताओ कौन रोल बैक में जा सकता है? हीरोइन लिमिटेड जा सकती है कि नहीं जा सकती? पहले थी नहीं, कैसे जाएगी हीरो लिमिटेड? हाँ, हीरो लिमिटेड जा सकती है, पहले भी थी और आज भी है तो जा सकती है। तो मर्जर डीमर्जर का केस क्या बोलता है? जो कंपनी पहले एग्जिस्ट करती थी, जो कंपनी से रोल बैक ईयर में एग्जिस्ट करती थी वो ही रोल बैक में जा सकती है। जो पहले थी नहीं तो रोल बैक में जाएगी कैसे? मान लो करंट ईयर में मर्जर हुआ, डीमर्जर हुआ, करंट ईयर में उन्होंने APA की एप्लीकेशन करी, तो नॉर्मल APA तो मिल जाएगा, लेकिन रोल बैक तो पुराने सालों का मिलता है, तो पुराने सालों में जो कंपनी एग्जिस्ट करती थी वो ही रोल बैक में जा सकती है। ये था मर्जर डीमर्जर वाला रोल बैक का केस। अब APA के इफेक्ट क्या होंगे? APA के इफेक्ट समझते हैं अपन, ऊपर एग्जाम्पल में आते हैं। देखो, आपने APA की एप्लीकेशन करी थी प्रीवियस ईयर 23-24 में, 5 साल का APA ले लिया था, फिर आपने रोल बैक की एप्लीकेशन कर दी और पीछे के 4 साल का रोल बैक भी ले लिया। अब क्या होता है, आपने APA की एप्लीकेशन 23-24 में करी, अब CBDT आपके हाथ जो APA में एंटर होता है ना, कभी कभी टाइम लगा देता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आपके हाथ एंटर हो जाता है। CBDT पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेता है, वहाँ इतने फास्ट वाले लोग भी नहीं होते कि जो फास्ट फास्ट काम करे, ऐसा भी नहीं होता। तो कभी कभी 1 साल 2 साल भी लगा देते हैं, कभी कभी कुछ मंथ लगा देते हैं। तो मान लो CBDT आपके हाथ APA में एंटर हुआ था 10 दिसंबर 2025 को, एप्लीकेशन तो आपने 23-24 में कर दी, इस दिन APA में CBDT आपके हाथ एंटर हुआ। APA पे साइन कब हुआ? 10 दिसंबर 2025 को, ठीक है। तो APA लगता कब से? कब से है आपके ऊपर? कब से आपको APA का बेनिफिट मिल जाता है? जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करी 23-24, ये मिल जाएगा, नॉर्मल APA मिल जाएगा आपको। लेकिन CBDT आपके हाथ एंटर कब हुआ था? 10 दिसंबर 25 को, 10 दिसंबर 25 को। तो इससे पहले आपने क्या कर दिया होगा? आपने मान लो रोल बैक भी ले रखा है, इन रोल बैक ईयर्स की भी, और जो आपके कहाँ तक की ईयर है 24-25, इन सभी ईयर्स की आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखी होगी। और फाइल बताओ कैसे कर रखी होगी रिटर्न? एच पर सेक्शन 92C मेथड लगाया होगा, 92C CA वगैरह फॉलो करके आपने रिटर्न फाइल करी होगी, क्योंकि तब आपने खाली APA की एप्लीकेशन डाल रखी थी और रोल बैक की खाली एप्लीकेशन डाल रखी थी। CBDT अभी आपके साथ APA में एंटर भी नहीं हुआ था, एंटर नहीं हुआ था, तो अभी आपका APA बना ही नहीं था, तो आपने 92C के अकॉर्डिंग जो मेथड लगा वो लगा के आर्म्स एंड प्राइस निकाल दी होगी, APA फॉलो नहीं करा होगा, क्योंकि APA में आप थे ही नहीं, कैसे फॉलो करते? रिटर्न फाइल कर दी होगी आपने और 92C के अकॉर्डिंग मेथड लगा के आपने आर्म्स एंड प्राइस निकाल के अपनी इनकम दिखाई होगी। अब CBDT आपके हाथ APA में एंटर हो गया, कब से? 10 दिसंबर 25 से। अब पुराने सालों की आपने रिटर्न फाइल कर रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके इन सभी पे तो APA लगेगा, रोल बैक भी ले रखा है, तो इन सब पे तो आपके ऊपर क्या लगेगा? APA लगेगा, APA के अकॉर्डिंग मेथड लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी ईयर्स की जिनकी रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल कर रखी है, इन सब की आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मॉडिफाइड ROI फाइल करनी पड़ेगी। कब तक फाइल करनी पड़ेगी? जिस मंथ में आप APA में एंट्री हुए हो। कब हुए एंटर? 10 दिसंबर को, तो दिसंबर के एंड से, जिस मंथ में आप APA में एंट्री हुए उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर, तो दिसंबर के एंड से 3 मंथ मतलब 31 मार्च 26 इस एग्जांपल की बात करें तो 10 दिसंबर 25, 10 दिसंबर 25 को आप APA में एंटर हुए, तो 31 मार्च 26 तक आपको क्या करनी पड़ेगी? मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जिस मंथ में आप APA में एंटर हुए हो उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर आपको उन सभी ईयर्स की ROI फिर से फाइल करनी पड़ेगी, फिर से आपको टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? एज पर मेथड एंड मैनर गिवन इन APA, APA में जो मेथड दे रखा है आर्म्स एंड प्राइस का वो फॉलो करके, और जो मैनर दे रखा है उसको फॉलो करके आपको इनकम निकालनी पड़ेगी, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, वो निकाल के एक बार अपन को सारी रिटर्न मॉडिफाई करके फाइल करनी पड़ेगी। आगे वाले की देखो, आगे वाले की तो आप बाद में फाइल कर दोगे एज पर APA, आगे वाले तो आप तो APA में एंटर हो गए, तो आगे वाले जो ईयर्स हैं इन सभी ईयर्स की तो आप आराम से फाइल कर दोगे।
जिनकी ऑलरेडी फाइल कर चुके उनकी मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आगे वाले के तो आप एज पर एपीआई फाइल करोगे, एज पर एपीआई फाइल करोगे, चलो ठीक है। दूसरा केस, अब क्या हुआ, एओ के पास आपके केस जाते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के लगभग सारे केस स्क्रूटनी में जाते हैं। तो एओ ने क्या किया, काफ़ी सारे ईयर्स का असेसमेंट भी कर दिया था, काफ़ी सारे ईयर्स का असेसमेंट कंप्लीट भी कर दिया था, एओ ने चेकिंग वगैरह कंप्लीट भी कर दी थी। तो एओ को जिन ईयर का उसने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया था उनको रीअसेस करना पड़ेगा। एओ को क्या करना पड़ेगा, उनको रीअसेस करना पड़ेगा, एओ को उनको रीअसेस करना पड़ेगा, फिर से चेकिंग करनी पड़ेगी। किसके बेस पे, एपीए के बेस पे, एज पर एपीए आपको चेक करना पड़ेगा। तो जिन ईयर का असेसमेंट एओ ने कंप्लीट कर दिया था, चाहे वो रोल बैक वाला हो चाहे नॉर्मल वाला हो, उनको एओ को रीअसेस करना पड़ेगा एज पर एपीए, क्योंकि एसएससी पे अब एपीए लगेगा। तो एओ को चेक करना पड़ेगा कि एसएससी ने एपीए को फॉलो किया है नहीं फॉलो किया, इतना चेक करना पड़ेगा। और जिन ईयर का असेसमेंट मान लो एओ के पास पेंडिंग है, मान लो यहाँ पे 24-25 का असेसमेंट एओ के पास चल रहा है अभी, तो एओ को अब उसको कंप्लीट करना पड़ेगा एज पर एपीए, एज पर एपीए। एपीए में जो मेथड दे रखा है, मैनर दे रखा है, वो देखना पड़ेगा कि एसएससी ने फॉलो किया नहीं किया, फॉलो किया तो ठीक है, नहीं किया तो इनकम बढ़ा दे, बात खत्म। तो ये अफेक्ट होते हैं एपीए के, क्या क्या होते हैं अफेक्ट फिर से देख लो। पहला, जिस ईयर की रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल कर रखी थी जिस पे एपीए रोल बैक लगता है, उनके आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 3 मंथ के अंदर अंदर। दूसरा, जिस ईयर का असेसमेंट एओ ने कंप्लीट कर दिया था, एओ उनको रीअसेस करेगा एज पर एपीए। जिन ईयर का असेसमेंट एओ के पास पेंडिंग चल रहा था, एओ उनको कंप्लीट करेगा एज पर एपीए, एज पर एपीए। एज पर एपीए में एओ को टाइम नहीं लगेगा, बस एओ देखेगा कि एसएससी ने एपीए को फॉलो किया नहीं किया, फॉलो किया है तो ठीक है कोई डिस्प्यूट नहीं, फॉलो नहीं किया तो फिर वही इनकम वगैरह बढ़ा देगा, एज पर एपीए इनकम वगैरह बढ़ा देगा, काम खत्म। ये था आपका एपीए का केस जो कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हमने इस चैप्टर के एक और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। अपन ने आमदन प्राइस देखा था, कंप्यूटेशन ऑफ आमदन प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट था, वो तो हमेशा ही आता है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी काफ़ी बार रिपीट होता है, सेक्शन 92C। अब ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या है पहले ये समझते हैं अपन। अपन ने देखो प्राइमरी एडजस्टमेंट तो देखा था, प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है, जो अपन एसएससी की इनकम को बढ़ाते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस के एडजस्टमेंट के कारण, जो अपन एसएससी की इनकम को बढ़ाते हैं वो होता है प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या है, इसके लिए एक एग्जांपल है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने चॉकलेट सेल करी नेस्ले यूएस लिमिटेड को, दोनों आपस में एसोसिएट है, 10 करोड़ की चॉकलेट सेल करी, 10 करोड़ का एक्चुअल ट्रांजेक्शन था, आर्म्स लेंथ प्राइस थी 15 करोड़ की, 5 करोड़ से सेल कम दिखा रखी थी नेस्ले इंडिया ने, नेस्ले इंडिया की अपने 5 करोड़ से इनकम बढ़ा दी, 5 करोड़ से इनकम बढ़ा दी नेस्ले इंडिया की, इंडिया वाली एंटरप्राइज की। ये तो हो गया प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या बोलता है, देखो ये बोलता है आपने एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो किया 10 करोड़ में, नेस्ले इंडिया ने सेल कितने भी किया नेस्ले यूएस को, 10 करोड़, नेस्ले यूएस पेमेंट कितना करेगी बताओ इसको, जब 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन है तो 10 करोड़ का पेमेंट करेगी, 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन तो 10 करोड़ का पेमेंट करेगी, लेकिन ये ट्रांजेक्शन तो 15 करोड़ में होना चाहिए था, 15 करोड़ की सेल होनी चाहिए थी, तो नेस्ले यूएस से 15 करोड़ आने चाहिए थे, कितने आने चाहिए थे 15 करोड़, मतलब 5 करोड़ रुपीज़ अभी नेस्ले यूएस के पास रखे हुए हैं। तो अगर आप प्राइमरी एडजस्टमेंट करते हो और एसएससी की इनकम को इंक्रीज करते हो तो जो एक्सेस मनी है, इसको यहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्सेस मनी, क्या बोलते हैं एक्सेस मनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 करोड़ की देखो सेल हुई है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन 10 करोड़ में हुआ, आपके पास पेमेंट कितना है 10 करोड़ आया है, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस 15 करोड़ है, आपके पास पेमेंट 15 करोड़ आना चाहिए था, 5 करोड़ का कम पेमेंट आया है, इस 5 करोड़ की एक्सेस मनी को जो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज के पास पड़ी हुई है उसको आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा, इंडिया लेके आना पड़ेगा, इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा, इंडिया लेके आना पड़ेगा 90 डेज के अंदर अंदर, 90 डेज में इंडिया लेके आना पड़ेगा। अगर आप 90 डेज में इंडिया में नहीं लाते तो ये माना जाएगा कि आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को 5 करोड़ का लोन या एडवांस दे रखा है, क्या दे रखा है, लोन या एडवांस दे रखा है, और उस लोन या एडवांस से आपकी इंटरेस्ट की इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट की इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप बोलोगे इंटरेस्ट की इनकम बनेगी तो अच्छी बात है, देखो अच्छी बात नहीं है, इनकम टैक्स में इनकम बनना मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो नेस्ले इंडिया की इंटरेस्ट की इनकम बनेगी हर साल, हर साल उस इंटरेस्ट की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा इसको, 30 रेट या 25% जो भी रेट है उस रेट से टैक्स देना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा आपके हाथ कांट। इसे ही बोलते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट, क्या बोलता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट, कि जो प्राइमरी एडजस्टमेंट की अमाउंट है या जो एक्सेस मनी है जो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज के पास रखी हुई है बाहर, उसको आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा 90 डेज के अंदर अंदर, 90 डेज में रिपेट्रिएट कर लेते तो ठीक है, नहीं करते तो ये माना जाएगा आपने उसकी अपनी एसोसिएट को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, उस लोन पे आपकी इंटरेस्ट की इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी, और इंटरेस्ट की इनकम बनेगी तो जितनी इंटरेस्ट की इनकम बनती जाएगी उस पर फिर टैक्स देते जाओ, टैक्स देते जाओ जिंदगी भर, जब तक आप उस अमाउंट को इंडिया में वापस नहीं लेके आते तब तक। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट 92C, देखो सबसे पहले बेसिक देखते हैं, प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है, जो आप आर्म्स लेंथ प्राइस का एडजस्टमेंट करके एसएससी की इनकम को बढ़ाते हो वो होता है प्राइमरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, उस अमाउंट को आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ता है, जितनी अमाउंट से आपने इनकम बढ़ाई उस अमाउंट को इंडिया में रिपेट्रिएट, इंडिया में लेके आना पड़ता है 90 डेज में, नहीं लाते तो उस एक्सेस मनी को, उसको यहाँ क्या बोलते हैं एक्सेस मनी, उस एक्सेस मनी को ये माना जाता है आपने अपनी एसोसिएट को लोन दिया है उस पे आपकी इंटरेस्ट की इनकम बनना स्टार्ट हो जाती है, ये होता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। अब देखो सेकेंडरी एडजस्टमेंट जो है ना
डिविडेंड के फॉर्म में भी हो सकता है, इक्विटी के फॉर्म में भी, लोन के फॉर्म में भी। मतलब कोई कंपनी इसको डीम्ड डिविडेंड मान लेती है, कुछ डीम्ड इक्विटी मान लेती है, कुछ डीम्ड लोन। इंडिया क्या मानता है इसको? लोन मानता है। इंडिया क्या मानता है? डीम्ड लोन या डीम्ड एडवांस मानता है। इंडिया लोन अप्रोच फॉलो करता है, इंडिया इक्विटी या डिविडेंड नहीं मानता इसको। क्या मानता है? डीम्ड लोन, डीम्ड लोन मानता है इंडिया। अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा? तो प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर किसी भी वजह से हुआ है, मतलब किसी भी वजह से अगर एसएससी की इनकम आपने बढ़ाई है, किसी भी वजह से अगर आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट किया है, तो आपको सेकेंडरी करना पड़ेगा। अब किसी भी वजह से, मतलब या तो एसएससी ने खुद ने कर दिया आरओआई में, मतलब नेस्ले इंडिया ने 10 करोड़ की सेल करी, आर्म्स लेंथ प्राइस थी 15 करोड़, नेस्ले इंडिया ने क्या किया 5 करोड़ खुद से आरओआई में बढ़ा दी इनकम, तो उसको सेकेंडरी करना पड़ जाएगा। खुद से किया तो भी करना पड़ जाएगा। दूसरा, एओ या अपीलेट अथॉरिटी ने किया, एओ ने किया या तो, या अपीलेट अथॉरिटी आईटीटी वगैरह ने किया और एसएससी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एसएससी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको सेकेंडरी करना पड़ जाएगा। तीसरा, एपीए के कारण हुआ, एपीए में जो मैंने लिखा हुआ था, जो मेथड लिखा हुआ था, उसके कारण एडजस्टमेंट हुआ, तो उसको सेकेंडरी करना पड़ जाएगा। तीसरा, सेफ हार्डवेयर रूल के कारण अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है, तो सेकेंडरी करना पड़ जाएगा। मतलब किसी भी वजह से अगर एसएससी की इनकम बढ़ रही है, किसी भी वजह से एसएससी की इनकम बढ़ रही है, मतलब उसने एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो कम प्राइस में किया है और आर्म्स लेंथ प्राइस ज़्यादा है और एसएससी की इनकम बढ़ रही है, तो उसको सेकेंडरी करना पड़ जाएगा, तो सेकेंडरी करना पड़ जाएगा। तो जो भी एक्सेस मनी है, मतलब जो भी जितने भी अमाउंट से अपने एसएससी की इनकम को बढ़ाया है, उस एक्सेस मनी को एसएससी को इंडिया में वापस लाना पड़ेगा। और इंडिया में एसएससी किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइज से वापस ला सकता है, एक ऑप्शन और दे रखा है। ऐसा नहीं कि देखो 5 करोड़ आप यूएस नेस्ले यूएस से मांगते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नेस्ले यूएस से लेके आओ। एक एंटरप्राइज है नेस्ले यूके, एक है नेस्ले सिंगापुर, ये भी एसोसिएट एंटरप्राइज है। ये 5 करोड़ रुपीज़ आप इनसे भी ला सकते हो इंडिया में, किसी से भी ले आओ आप, बाहर वाले किसी से भी ले आओ, इंडिया वाले से नहीं, बाहर वाले किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइज से आप ले आओ इंडिया में, बाहर वाले किसी से भी ले आओ। तो बाहर वाले किसी से भी आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। कितने दिन में? 90 डेज में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। और 90 डेज कहाँ से काउंट करोगे? देखो, अगर एओ वाला केस है, एओ के ऑर्डर का या अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर का केस है, तो उनका जिस दिन ऑर्डर आया उस ऑर्डर डेट से 90 डेज। जैसे मान लो एओ का ऑर्डर आया 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को ऑर्डर आया, मान लो 1 अप्रैल को एओ का ऑर्डर, फर्स्ट अप्रैल को आया, 1 अप्रैल में 90 डेज ऐड कर दो, और ये हो गए लगभग 30 जून हो गए, 30 जून तक रिपेटेड करना पड़ेगा एओ के ऑर्डर डेट से 90 डेज, अगर ऑर्डर वाला केस है तो। और अदर केस मतलब या तो एसएससी ने सुमोटो कर दिया, या एपीए के कारण हुआ, या सेफ हार्बर रूल्स वगैरह के कारण हुआ, अदर केस है तो आरओआई की ड्यू डेट से 90 डेज, आरओआई की ड्यू डेट होती है 30 नवंबर, 30 नवंबर में आप 90 डेज ऐड कर दो, 90 डेज ऐड कर दोगे तो आरओआई की ड्यू डेट से 90 डेज, मतलब 28 फेब तक आपको इंडिया में लाना पड़ेगा, 90 डेज के अंदर अंदर लाना पड़ेगा। अगर ऑर्डर वाला केस है तो ऑर्डर की डेट से 90 डेज, और अगर अदर केस है तो आरओआई की जो डेट से 90 डेज में आपको इंडिया में वापस लाना पड़ेगा। अगर आप 90 डेज में इंडिया में वापस नहीं लाते, तो ये माना जाएगा कि आपने अपनी एसोसिएट को लोन या एडवांस दे रखा, उस लोन या एडवांस से आपकी इंटरेस्ट की इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब इंटरेस्ट इनकम कब से बनेगी? 90 डेज के बाद से नहीं बनेगी, ऐसा नहीं कि 90 डेज के बाद से बनेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऑर्डर वाला केस है, एओ या प्लेट अथॉरिटी का ऑर्डर वाला केस है, तो ऑर्डर की डेट के नेक्स्ट डे से, ऑर्डर की डेट के नेक्स्ट डे से बनेगी, और जब तक आप इंडिया में वापस नहीं लाते तब तक बनती जाएगी। तो जैसे ऑर्डर का आया था एओ का 1 अप्रैल को, और आप 90 डेज में इंडिया में वापस नहीं लाते, तो इंटरेस्ट इनकम कब से बनेगी? एओ का ऑर्डर आया था आपका 1 अप्रैल को, इंटरेस्ट इनकम बनेगी आपकी 2 अप्रैल से, 2 अप्रैल से बनना स्टार्ट हो जाएगी, और जिस दिन आप इंडिया में वापस नहीं लाते टिल रिपेट्रिएशन, जब तक आप इंडिया में वापस नहीं लाते तब तक बनती जाएगी। चाहे वो 2 साल बाद लाओ, चाहे 10 साल बाद लाओ, तब तक आपकी इंटरेस्ट इनकम बनती जाएगी, हर साल बनती जाएगी। तो ऑर्डर डेट के नेक्स्ट डे से बनती जाएगी अगर ऑर्डर वाला केस है, और अगर अदर केस है तो आरओआई की ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से, आरओआई की ड्यू डेट होती है ट्रांसफर प्राइसिंग में 30 नवंबर, 30 नवंबर के नेक्स्ट डे, मतलब 1 दिसंबर से आपकी इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी, 1 दिसंबर से, 90 डेज बाद से नहीं होगी। ऑर्डर वाला केस है तो ऑर्डर की डेट के नेक्स्ट डे से, और अगर आरओआई क्या बोलते हैं अदर केस है तो आरओआई की ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से आपकी इंटरेस्ट इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी। आगे बता रहा है जो इंटरेस्ट इनकम बनेगी उसके लिए इंटरेस्ट रेट क्या लगेगी, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगी जिस रेट से आपकी इंटरेस्ट इनकम बनेगी। तो अगर आपने जो ट्रांजेक्शन करा है इंडियन रुपीज़ में करा है, जैसे इस एग्जाम्पल में आपने ट्रांजेक्शन रुपीज़ में कर रखा है, ट्रांजेक्शन अगर आपको रुपीज़ में हो रखा है, तो 1 ईयर SBI रेट लेंगे अपन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर की, और उसमें ऐड कर देंगे 3.25, मान लो SBI रेट है आपकी 8%, तो 8 में ऐड करो 3.25, 11.25% की रेट से आपकी इंटरेस्ट इनकम बनेगी। अगर आपने ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी डॉलर वगैरह में, पाउंड वगैरह में, यूरो वगैरह में कर रखा है, फॉरेन करेंसी में करा है, तो 6 मंथ्स लाइबर रेट लेंगे 30 सितंबर की, और 3% ऐड कर देंगे, इस रेट से आपकी इंटरेस्ट इनकम बनेगी। आगे बता रखा है अगर मान लो एसएससी की औकात नहीं है, एसएससी कौन, नेस्ले इंडिया लिमिटेड की उस एक्सेस मनी को इंडिया में वापस लाने की औकात नहीं है, इंडिया में वापस लाने की औकात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, 5 करोड़ को इंडिया में वापस लाने की नेस्ले इंडिया की मान लो इस एग्जाम्पल में औकात नहीं है, तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या बोला कि एसएससी चाहे तो क्या कर सकता है, उस एक्सेस मनी पे, उस 5 करोड़ पे एक एडिशनल टैक्स पे कर सकता है 20.9664% की रेट से,
एक एडिशनल टैक्स पे कर सकता, किस रेट से 20.9664% की रेट से, अब 20.9664% ये कैसे आई है, 18% इसमें टैक्स है, 12% सरचार्ज है और 4% सेस है, इस रेट से ये एसएससी क्या कर सकता है, एडिशनल टैक्स पे कर सकता है। और अगर एसएससी ने एडिशनल टैक्स पे कर दिया तो उस दिन के बाद से उसको अब उस अमाउंट को इंडिया में वापस लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और उस दिन के बाद से उसकी इंटरेस्ट इनकम बनना भी बंद हो जाएगी। उस दिन तक तो बनेगी, लेकिन जिस दिन ये एडिशनल टैक्स पे किया एसएससी ने, उस दिन के बाद से एसएससी को ना तो उस अमाउंट को इंडिया में वापस लाना, और उस दिन के बाद से इंटरेस्ट की इनकम बनना भी बंद हो जाएगी। और ये भी एक एडिशनल टैक्स होता है। देखो इनकम टैक्स में तीन जगह आपको एडिशनल टैक्स दे रखे हैं, कहाँ कहाँ दे रखे हैं याद करो। एक तो बाईबैक पे लगता है एडिशनल टैक्स, बाईबैक पे पढ़ा था अपन ने। एक एग्जिट टैक्स, ये भी एक एडिशनल टैक्स होता है एग्जिट टैक्स। और एक ये वाला टैक्स कौन सा, 92CE वाला, सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला एडिशनल टैक्स। ये तीन जो होते हैं ना एडिशनल टैक्स, इनकी इनकम को अपन कहीं भी नहीं दिखाते, किसी हेड में नहीं दिखाते कि अपन ने अदर सोर्स में दिखा दी या कैपिटल गेन में दिखा दी, कहीं नहीं दिखाते इनको। ये अलग से निकलती है और इनका सेपरेट टैक्स निकलता है। बाईबैक और एग्जिट टैक्स आपको 14 डेज में जमा करवाने होते हैं, 14 डेज में। और 92CE वाले के लिए ऑप्शन है, ये यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। बाईबैक और एग्जिट टैक्स तो कंपलसरी है 92CE में, तो क्या, तो या तो आप क्या करो एक्सेस ऑन इंडिया में ले आओ 90 डेज में, 90 डेज में नहीं लाते बाद में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरेस्ट देते जाओ जब तक नहीं लाते। और अगर आपकी औकात ही नहीं है 90 डेज में लाने की, या कभी भी लाने की औकात ही नहीं है आपकी, तो आप क्या करो सबसे बढ़िया एडिशनल टैक्स करो। तो यहाँ ऑप्शन है, तो यहाँ टाइम लिमिट नहीं है कि 14 डेज में पे करना पड़ेगा, ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। जब आपको लगे कि आपकी औकात नहीं है, आपकी बस की नहीं है इंडिया में वापस लाने की अमाउंट, उस दिन आप ये टैक्स पे कर दो, उस दिन पे कर दो, उस दिन बाद से आपको इंडिया में वापस लाने की जरूरत नहीं है, और आपकी उस दिन से इंटरेस्ट की इनकम बनना भी बंद हो जाएगी। तो यहाँ टाइम नहीं, बाकी तीनों सेक्शन सेम टाइप के। और देखो तीनों सेक्शन में जो सरचार्ज की डेट है ना, 12 12 12 है। टैक्स रेट अलग अलग है, बाईबैक में टैक्स रेट है 20%, एग्जिट टैक्स में टैक्स रेट है 30%, और यहाँ पे टैक्स रेट कितनी 18%, और सेस सेम है 4-4, सेस तीनों में सेम। तो बाईबैक का टैक्स आया था आपका 23.296, एग्जिट टैक्स आया था आपका 34.944, और ये आया 20.9664%। ये तीनों इनकम क्या मानी जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम या एडिशनल टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। इस कारण यहाँ सरचार्ज क्या होता है तीनों में, 12%। एक मेमोरेंडम बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स पे सरचार्ज कभी भी 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस कारण इन तीनों सेक्शन में सरचार्ज क्या रेट है, 12%। टैक्स रेट बाईबैक में 20 है, एग्जिट टैक्स में 30 है, और 92CE में 18%। हाँ, सेस तीनों में सेम है 4-4 4%। तो ये तीनों सेक्शन इस तरह से लिंक है जो मैंने आपको बता दिए। ये तीनों अलग ही टाइप के सेक्शन है, नाता तीनों का अलग अलग। वैसे तो कंसेप्ट तीनों का अलग है, एक बाईबैक पे लगता है, एक आपका एग्जिट टैक्स ट्रस्ट अगर कुछ कांड कर देता है तब लगता है, और एक ये आपका है ही 92CE। अब आगे बता रखा है, दो केस में आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना। अगर आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है कितना है, मतलब जो आपने इनकम बढ़ाई है अप टू रुपीज 1 करोड़ है, कितना है प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट, अप टू रुपीज 1 करोड़ है, सेकेंडरी नहीं करना। दूसरा, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट जो है ना कब का है, असेसमेंट ईयर 1617 है उससे पहले का, मतलब प्रीवियस ईयर 1516 है उससे पहले का है, असेसमेंट ईयर 1617 है उससे पहले का है, तो कितने का भी हो चाहे 50 करोड़ का हो चाहे 100 करोड़ का हो, नहीं करना। अब आप बोलोगे इतने पुराना केस कैसे आएगा, देखो अपील वाले केस आपका चल रहा है, मान लो प्रीवियस ईयर 12-13 की आपका केस अपील में चल रहा है, अपील में, अपील वाले केस हो सकते हैं ऐसे, और अपील में आपकी इनकम बढ़ गई 50 करोड़ से, मान लो 50 करोड़ से आपकी इनकम बढ़ गई, 12-13 का केस है, तो प्राइमरी एजुकेशन तो हो गया, सेकेंडरी नहीं करना, सेकेंडरी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये अपील वाले केस के लिए सेकेंड पॉइंट, तो अपील वगैरह के जो केस हैं जो पुराने चल रहे हैं उनके लिए। तो पहला तो है, अगर प्राइमरी एजुकेशन 1 करोड़ तक है सेकेंडरी नहीं करना, और अगर प्राइमरी एजुकेशन असेसमेंट ईयर 1617 अर्लियर है, 1617 उससे पहले का है, कितने भी अमाउंट का हो आपको सेकेंडरी नहीं करना। अभी अपन ने एक एग्जांपल भी लिया था, नेस्ले इंडिया ने मान लो करंट ईयर में चॉकलेट सेल करी 10 करोड़ की नेस्ले यूएस को, 15 करोड़ की आमसन प्राइस है, 5 करोड़ से प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा इसका, और ये प्राइमरी एडजस्टमेंट इसने खुद ने नहीं किया ऐसा मान लेते अपन, ए ओ ने किया, और ए ओ ने अपना ऑर्डर का पास किया 1 जून को पास किया, और नेस्ले इंडिया ने इसको एक्सेप्ट भी कर दिया 1 जून को पास किया, तो 1 जून में 90 डेज ऐड करो, 30th अगस्त तक इसको ये अमाउंट इंडिया में लानी चाहिए थी 30th अगस्त को, लेकिन लाया नहीं है, 31 मार्च 2025 तक मान लो इंडिया में अमाउंट लेके नहीं आया। एस बी आई रेट आपको दे रखी 8% की, इंटरेस्ट इनकम निकाल देंगे 24 25 की कितनी बनेगी, 5 करोड़ की अमाउंट है, 5 करोड़ पर इंटरेस्ट लगेगा, एस बी आई रेट लेंगे 8% प्लस 3.25% करेंगे तो कितना आया 11.25% रेट ले ली, इन टू कब से बनेगा इंटरेस्ट, 90 डेज बाद से बनेगा क्या, नहीं ऑर्डर डेट के नेक्स्ट डे से, तो ऑर्डर डेट क्या है 1 जून, तो 2 जून से आपका इंटरेस्ट बनेगा, 2 जून से 31 मार्च, 2 जून से 31 मार्च तक अपन इंटरेस्ट बना दिया, कितने दिन आए 303 डेज आए, ये इंटरेस्ट की इनकम बना दी। ये इंटरेस्ट की इनकम बनाने से कुछ नहीं होना आपको, इस इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ जाएगा। अब एसएससी की औकात नहीं है, मान लो एडिशनल टैक्स क्या बोलते हैं, एसएससी की औकात नहीं है इंडिया में वापस लाने की, तो एडिशनल टैक्स पे कर सकता है। मान लो एसएससी ने बोला कि मेरी औकात नहीं है और 1 अप्रैल 2025 को इसने एडिशनल टैक्स पे कर दिया, तो एडिशनल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 5 करोड़ पे 20.9664%,
इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, कभी आप सोचोगे इंटरेस्ट वगैरह भी ले लेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना। जो एक्सेस मनी है जो आपको इंडिया के बाहर से लानी है उसी पे रेट लगाएंगे बस। तो 5 करोड़ का एडजस्टमेंट किया था आपने, उसी पे रेट लगेगी। तो 1,04,86,200 का आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ जाएगा। जिस दिन आपने एडिशनल टैक्स पे किया उस दिन के बाद से आपको इस अमाउंट को इंडिया में वापस लाने की नीड नहीं है, और उस दिन से आपकी इंटरेस्ट की इनकम बनना भी बंद हो जाएगी। उस दिन से पहले तक तो बनेगी, लेकिन उस दिन के बाद से आपकी इंटरेस्ट इनकम बनना भी बंद हो जाएगी। ये था 92CE, अच्छे से कर लेना। ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ना, ये अच्छे से देख लेना, आपको पूरा अच्छे से ये हो जाएगा क्लियर। अब अपन आते हैं आगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ फालतू सेक्शन है पहले वो देख लेते हैं। सेक्शन 92D, डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन। कोई भी पर्सन अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। स्पेशल डॉक्यूमेंट्स बनेगा, एक टीपी स्टडी रिपोर्ट बनेगी। आप बोलोगे टीपी स्टडी रिपोर्ट क्या होती है? देखो इसमें डिटेल होती है कि आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज कौन कौन है, क्या क्या ट्रांजेक्शन उनके हाल आपने किया है, किस प्राइस पे किया है, आर्म्स लेंथ प्राइस आपने कैसे निकाली है, जो आउटसाइडर का डाटा लिया है या कंपेरेबल पार्टी का डाटा लिया है वो कैसे लिया है, आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी आई है, इनकम में कितना एडजस्टमेंट किया है, पूरी डिटेल होती है टीपी स्टडी रिपोर्ट। ये आपको बना के रखनी पड़ेगी। टीपी स्टडी रिपोर्ट आपको 8 ईयर तक बना के अपने पास रखनी है, कहीं सबमिट नहीं करनी है, अपने पास बना के रखनी है। अगर आपने जो पूरे साल में एग्रीगेट ट्रांजेक्शन करें हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कितने करें हैं, अप टू ₹1 करोड़ करें, पूरे साल में एग्रीगेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कितने के करें हैं, अप टू ₹1 करोड़ के करें हैं, तो टीपी स्टडी रिपोर्ट आपको नहीं बनानी। आपको बस खाली इनवॉइस वगैरह रखनी है, टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा करें तो बनानी है बस। आगे बता रखे, देखो ये टीपी स्टडी रिपोर्ट आपको बना के अपने पास रखनी होती है, लेकिन आपका केस स्क्रूटनी वगैरह में चला जाता है, ए वगैरह के पास, टीपीओ के पास, या सीआईटी अपील में चला जाता है, और ये अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आपको इनको फर्निश करना पड़ता है 30 डेज के अंदर अंदर, और ये आपको एडिशनल 30 डेज और दे सकते हैं, लेकिन 30 डेज आपको फर्निश करना पड़ जाता है। आगे बता रखा है ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन 92E, ये बोलता है अगर कोई भी पर्सन 1 रुपये का भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म नंबर 3CEB में ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। अब ये फॉर्म नंबर 3CEB में दो होते हैं पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में तो ऑडिटर का ओपिनियन होता है, और पार्ट बी में एक एनेक्स लगा हुआ होता है कि एसोसिएट एंटरप्राइज कौन कौन है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन करे, आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है, और एडजस्टमेंट कितना होना है, ये उसमें एनेक्स लगा हुआ होता है इस तरह का। तो फॉर्म नंबर 3CEB में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ती है, और ये ऑडिट रिपोर्ट आपको अपने पास नहीं रखनी, ये आपको आरओआई की जो ड्यू डेट होती है उससे कम से कम एक महीने पहले आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो आरओआई की ड्यू डेट होती है ट्रांसफर प्राइसिंग में 30th नवंबर से कम से कम एक महीने पहले, मतलब 31 अक्टूबर तक आपको ये फर्निश करनी पड़ती है, ये ऑडिट रिपोर्ट लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट से। आगे बता रहा है पेनल्टीज। अब ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में कुछ स्पेशल पेनल्टीज लगती हैं, वो अपने यहाँ देखी थी कौन कौन सी। पहला, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस से रिपोर्ट नहीं करते और इनकम कम बताते हो, इनकम में आप एडजस्टमेंट नहीं करते, आपने ट्रांजेक्शन किया 10 करोड़ का, आर्म्स लेंथ प्राइस थी 15 करोड़, 5 करोड़ से आपने इनकम नहीं बढ़ाई और आपका केस स्क्रूटनी में चला गया, एओ ने आपकी इनकम बढ़ाई, तो उसे माना जाएगा मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा, और सेक्शन 270 वाली मिस रिपोर्टिंग वाली पेनल्टी लग जाएगी, 200% ऑफ टैक्स वाली आपकी पेनल्टी लग जाएगी। यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग में हमेशा हम क्या मानते हैं, मिस रिपोर्टिंग, ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं माना जाता है, मिस रिपोर्टिंग माना जाता है, और 50% पेनल्टी नहीं लगती, 200% पेनल्टी लगेगी। लेकिन मान लो एसएससी ईमानदार है, एसएससी ने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रखे हैं, एसएससी ने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चुपचाप डिक्लेयर कर दिया और सारे फैक्ट्स चुपचाप डिस्क्लोज कर दिया, एसएससी ने डॉक्यूमेंट्स सारे मेंटेन कर रखे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डिक्लेयर कर रखा है और सारे फैक्ट्स उसने डिस्क्लोज करे हैं, एसएससी ईमानदार है, एसएससी के मन में चोरी करने की कोई मंशा नहीं थी, तो यहाँ पेनल्टी ही नहीं लगेगी, बस एओ आपकी इनकम बढ़ाएगा, पेनल्टी लेगा ही नहीं, अगर एसएससी ईमानदार है। आगे बता रखा है अगर एसएससी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं करता तो 1 लाख की पेनल्टी लगेगी, लेकिन कोई रीजनेबल कोर्स है फेलियर का तो पेनल्टी नहीं लगेगी। आगे बता रखा है अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं करते तो एक तो 200% वाली पेनल्टी तो लगेगी अगर आपकी इनकम बढ़ती है, साथ में एक पेनल्टी लग जाएगी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। आगे बता रखा है अगर आप डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करते पेनल्टी लग जाएगी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। आगे बता रखा है अगर आप एओ या सीआईटी अपील में आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे आपने उनको सबमिट नहीं करा पेनल्टी लग जाएगी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। आगे बता रखा है अगर आप गलत डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हो या तो या गलत डॉक्यूमेंट फर्निश करते हो, गलत मेंटेन करते हो गलत फर्निश करते हो, पेनल्टी लग जाएगी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। यहाँ भी बता रखा है अगर कोई रीजनेबल कोर्स है तो पेनल्टी नहीं लगेगी, रीजनेबल कोर्स है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। अब आते हैं अपन सेक्शन 286 कंट्री बाई कंट्री रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, सीबीसी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अब ये क्या सेक्शन है 286? देखो एक है होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बीईपीएस, एक चैप्टर आएगा आपका बीईपीएस का। अभी बीईपीएस क्या, देखो कंट्रीज क्या करती थी, कंपनीज एक कंट्री से प्रॉफिट को इरोड करके दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देती थी, मतलब जो लो टैक्स कंट्री है या हाई टैक्स, एक लो टैक्स कंट्री या नो टैक्स कंट्री है वहाँ तो प्रॉफिट ज़्यादा कर देती थी, और हाई टैक्स कंट्री जैसे इंडिया वगैरह है जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है जहाँ टैक्स हाई लगता है वहाँ अपना प्रॉफिट कम कर देती थी। आप बोलोगे ट्रांसफर प्राइसिंग में तो यही करती थी, हाँ वो तो करती थी, और भी कंपनीज ने क्या कर लिए थे, अलग अलग तरीके खोज लिए थे ऐसे प्रॉफिट को शिफ्ट करने के। तो उन्हीं को रोकने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज ने मिलकर बीईपीएस के कुछ एक्शन प्लान बनाए,
काफ़ी सारी कंट्रीज दुखी थी इन लोगों से, इन एमएनसी से काफ़ी सारी कंट्रीज दुखी थी। तो उन कंट्रीज से मिलकर क्या किए, बीईपीएस के कुछ एक्शन प्लान बनाए, टोटल 15 एक्शन प्लान बनाए उन्हीं प्रैक्टिस को रोकने के लिए। अब वो 15 एक्शन प्लान बनाए और कंट्रीज ने बोला ये 15 एक्शन प्लान रिकमेंडेटरी है, कोई भी देश चाहे तो इन एक्शन प्लान को फॉलो कर सकता है, नहीं करेगा तो भी चलेगा। इंडिया ने क्या किया, उन एक्शन प्लान में से काफ़ी सारे एक्शन प्लान फॉलो किए, काफ़ी सारे एक्शन प्लान वहाँ से कॉपी करके अपने इनकम टैक्स एक्ट में पेश कर दिए टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। तो उसी में से एक एक्शन प्लान था एक्शन प्लान 13, जिसको इंडिया ने कॉपी करके यहाँ एक सेक्शन बना दिया 286, इंडिया ने एज इट इज उसको कॉपी मारा वहाँ पे और यहाँ पेस्ट कर दिया एक्शन प्लान 13। तो एक्शन प्लान 13 से ये सेक्शन 286 आया। ये क्या बोलता है, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग होता है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको 3 लेवल का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, जो भी एसएससी है या जो भी एंटरप्राइज है उसको 3 लेवल का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। एक उसको बनानी पड़ेगी लोकल फाइल, एक बनानी पड़ेगी मास्टर फाइल, एक बनानी पड़ेगी सीबीसी रिपोर्ट। देखो लोकल फाइल क्या होती है, लोकल फाइल तो जो टीपी स्टडी रिपोर्ट सेक्शन 92D में बता रखी है, 92D में ये तो पहले से बनती थी, ये तो पहले से बनानी पड़ेगी, बस इसका नाम यहाँ क्या कर दिया, लोकल फाइल कर दिया। ये तो सब बनाते हैं, कौन बनाते हैं, जो भी एसोसिएट एंटरप्राइज अपनी एंटरप्राइज के साथ ट्रांजेक्शन करती है, 1 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन पूरे साल में तो बनानी पड़ती है, 1 करोड़ तक है तो नहीं बनानी पड़ती। चलो ये तो पढ़ लिया अपन ने। अब ये मास्टर फाइल और सीबीसी रिपोर्ट क्या है, देखो मास्टर फाइल में क्या होता है, पूरे ग्रुप का ओवरव्यू होता है, जैसे नेस्ले ग्रुप है या टाटा ग्रुप है, तो नेस्ले ग्रुप या टाटा ग्रुप की क्या क्या एसोसिएट एंटरप्राइज है, उनके पास आपस में कितनी कितनी होल्डिंग है, पूरी डिटेल होती है इसमें मास्टर फाइल में, तो पूरा ग्रुप का ओवरव्यू होता है। और ये कौन सबमिट करती है, कंस्टिट्यूएंट एंटिटी सबमिट करती है। आप लोगों की कंस्टिट्यूएंट एंटिटी कौन होती है अभी पता चल जाएगा आपको। आगे बताओ सीबीसी रिपोर्ट, सीबीसी रिपोर्ट में क्या होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, वो एमएनसी जिस कंट्री में बिजनेस कर रही है, जिस कंट्री में बिजनेस कर रही है उस कंट्री में उसका प्रॉफिट कितना है, असेट्स कितने हैं, एम्प्लॉइज कितने हैं, ये सारी डिटेल होती है। और ये कौन सबमिट करती है, पेरेंट एंटिटी सबमिट करती है। अब अपन आते हैं कंस्टिट्यूएंट एंटिटी पेरेंट एंटिटी क्या क्या होती है ये अपन समझते हैं। तो ये दो एग्जांपल दे रखे हैं मैंने इसके लिए। देखो एक एंटरप्राइज आपकी नेस्ले स्विस लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है, और इसकी काफ़ी सारी एसोसिएट एंटरप्राइज है, एक नेस्ले जापान लिमिटेड, एक नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एक नेस्ले यूएस लिमिटेड, ये इसकी काफ़ी सारी एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी होती है, जो सीएफएस बनाती है, जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी होती है जो सीएफएस बनाती है, उसे अपन बोलते हैं पेरेंट एंटिटी। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में नेस्ले स्विस लिमिटेड क्या होगी, पेरेंट एंटिटी होगी। और उस अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी की जितनी भी एसोसिएट एंटरप्राइज है, उन सबको क्या बोलते हैं सेक्शन में अपन, कंस्टिट्यूएंट एंटिटी। तो नेस्ले जापान, नेस्ले इंडिया और नेस्ले यूएस क्या हो गई, कंस्टिट्यूएंट एंटिटी। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले रखा है मैंने, देखो टाटा इंडिया लिमिटेड तो इंडिया की कंपनी है, जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, जो सीएफएस बनाती है, ये तो हो गई पेरेंट एंटिटी। अब टाटा इंडिया की काफ़ी सारी एसोसिएट एंटरप्राइज है, एक टाटा यूएस, एक टाटा यूके, एक टाटा सिंगापुर, तो टाटा यूएस, टाटा यूके, टाटा सिंगापुर, ये सब क्या हो गई, कंस्टिट्यूएंट एंटिटी। तो जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी होती है, जो सीएफएस बनाती है, वो तो होती है पेरेंट एंटिटी। और उस पेरेंट एंटिटी की जितनी भी एसोसिएट एंटरप्राइज है वो सब क्या होती है, वो सब होती है कंस्टिट्यूएंट एंटिटी। तो देखो मास्टर फाइल तो कौन फाइल करता है, कंस्टिट्यूएंट एंटिटी फाइल करती है। अगर कंस्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट है तो वो मास्टर फाइल डिपार्टमेंट वालों को फाइल कर देती है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में कौन फाइल करेगा मास्टर फाइल, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, क्योंकि नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंस्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट है, ये फाइल कर देगी मास्टर फाइल, ये सबमिट कर देगी मास्टर फाइल। मास्टर फाइल बना के आपको अपने पास नहीं रखनी होती, सबमिट करनी पड़ती है। लोकल फाइल तो देखो सबको बना के अपने पास रखनी होती है, सेक्शन 92D में पढ़ रखा है लोकल फाइल के बारे में, टीपी स्टडी रिपोर्ट के बारे में, मास्टर फाइल का देख लिया अपन ने। दूसरे एग्जाम्पल में बताओ मास्टर फाइल कौन सबमिट करेगा, कोई सबमिट नहीं करेगा, कौन किसको सबमिट करनी पड़ती है, कंस्टिट्यूएंट एंटिटी जो इंडिया की रेजिडेंट है। देखो यहाँ पर कोई कंस्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट है क्या, नहीं है, यहाँ तो पेरेंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट है। तो दूसरे एग्जाम्पल में किसी को भी मास्टर फाइल सबमिट करने की नीड नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी टाटा इंडिया लिमिटेड का पूरा डाटा होगा, क्योंकि टाटा इंडिया लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल सबमिट करती होगी तो बताती होगी कि मेरे पास मेरी ये एसोसिएट है, इतनी इतनी होल्डिंग है, तो उसके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास क्या होगा, डाटा होगा, तो गवर्नमेंट मांगेगी नहीं। दूसरे एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में मांगेगी, क्योंकि नेस्ले स्विस लिमिटेड पेरेंट कंपनी बाहर की है, तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड मास्टर फाइल सबमिट कर देगी। चलो ठीक है, मास्टर फाइल सबमिट कर देगी नेस्ले इंडिया लिमिटेड। अब जो सीबीसी रिपोर्ट है, सीबीसी रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, तो सीबीसी रिपोर्ट जो पेरेंट एंटिटी है, जिस कंट्री की रेजिडेंट है, उस कंट्री की टैक्स अथॉरिटी को सबमिट कर देती है, और वो कंट्री की टैक्स अथॉरिटी बाकी कंट्री की टैक्स अथॉरिटी के साथ शेयर कर देती है। जैसे पहले एग्जांपल में नेस्ले स्विस लिमिटेड स्विट्जरलैंड की टैक्स अथॉरिटी को सबमिट कर देगी, और स्विट्जरलैंड की जो टैक्स अथॉरिटी है वो क्या करेगी, उस सीबीसी रिपोर्ट को जापान वालों के साथ, इंडिया वालों के साथ और यूएस वालों के साथ शेयर कर देगी। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा, टाटा इंडिया लिमिटेड इंडिया के डिपार्टमेंट को फर्निश कर देगा, और इंडिया का डिपार्टमेंट क्या करेगा, यूएस वालों के साथ, यूके के वालों के साथ और सिंगापुर डिपार्टमेंट वालों के साथ शेयर कर देगा। ये होती है मास्टर फाइल और सीबीसी रिपोर्ट, इस तरह से शेयर होती है, इस तरह से सबमिट होती है, ये अपन ने देख लिया। अब मास्टर फाइल में देखो क्या होता है, ग्रुप का ओवरव्यू होता है, कौन सबमिट करती है, अगर कंस्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट है तो उसको सबमिट करनी पड़ती है, कब तक,
अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई, आरओआई की ड्यू डेट सबमिट करनी पड़ती है। कब सबमिट करनी पड़ती है? अगर पूरे ग्रुप का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, ग्रुप का जो रेवेन्यू है, पूरे ग्रुप का रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा है तो ही सबमिट करनी पड़ती है, 500 करोड़ से ज्यादा है तो सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप मास्टर फाइल टाइम पे फिनिश नहीं करते 5 लाख की आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, 5 लाख की पेनल्टी लग जाती है। आप आगे बढ़ते हैं, सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी रिपोर्ट में मैंने बताया आपको उस कंपनी का, जो कंपनी जहाँ जहाँ बिजनेस करती है उस कंट्री में उसका प्रॉफिट क्या है, इनकम टैक्स कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, असेट्स कितने हैं, एम्प्लॉयज कितने हैं, सारी डिटेल होती है। कौन सबमिट करती है? पेरेंट एंटिटी सबमिट करती है जिस कंट्री की रेजिडेंट है वहाँ की टैक्स अथॉरिटी को। इंडिया में पेरेंट एंटिटी को कहाँ सबमिट करनी पड़ती है रिपोर्ट? जॉइंट डायरेक्टर को। किसको सबमिट करनी पड़ती है? इंडिया का अगर पेरेंट एंटिटी मान लो इंडिया की रेजिडेंट है तो कहाँ सबमिट करेगी? जॉइंट डायरेक्टर को सबमिट करेगी कब? जैसे अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, उसके अकाउंटिंग ईयर के एंड होने से 12 मंथ्स के अंदर अंदर 12 मंथ्स के अंदर अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। और सीबीएसई रिपोर्ट का सबमिट करनी पड़ती है अगर पूरे ग्रुप का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है 6400 करोड़ से ज्यादा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को करनी पड़ती है, छोटी मोटी कंपनी को नहीं करनी पड़ती। ग्रुप रेवेन्यू कितना है? 6400 करोड़ से ज्यादा है तो सबमिट करनी पड़ती है। अब तीन ऐसे केस दे रखे हैं जहां पे पेरेंट एंटिटी की जगह जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है ना, जो इंडिया की रेजिडेंट है, उसको सीबीसी रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ जाएगी। तीन केस कौन कौन से हो हैं वो अपन देखते हैं। देखो दूसरे एग्जांपल में तो कोई दिक्कत है नहीं, टाटा इंडिया लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, इंडिया की पेरेंट एंटिटी है, तो ये चुपचाप सबमिट कर देगी गवर्नमेंट को, क्योंकि इसके ऊपर तो इंडिया के लॉ लगेगा। लेकिन पहले एग्जांपल देखो, नेस्ले स्विस लिमिटेड पेरेंट एंटिटी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है, इस पर स्विट्जरलैंड का टैक्स लॉ लगेगा। अब मान लो स्विट्जरलैंड में सीबीसी रिपोर्ट का प्रोविजन ही नहीं है, सीबीसी रिपोर्ट वाला प्रोविजन ही नहीं है, तो बताओ नेस्ले स्विस लिमिटेड जो पेरेंट एंटिटी है वो स्विट्जरलैंड की टैक्स अथॉरिटी को सीबीसी रिपोर्ट सबमिट क्यों करेगी? जब वहाँ प्रोविजन ही नहीं है तो क्यों सबमिट करेगी? तो ऐसे केस में क्या होगा, जो नेस्ले इंडिया लिमिटेड है ना, इंडिया वालों को तो रिपोर्ट चाहिए सीबीसी रिपोर्ट, तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है इसको सीबीसी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ जाएगी, इंडिया वाले डिपार्टमेंट को इसको करनी पड़ जाएगी। दूसरा केस, स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड है वहाँ सीबीसी रिपोर्ट का प्रोविजन तो है लेकिन स्विट्जरलैंड का इंडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का एग्रीमेंट नहीं है। देखो अपने एक एग्रीमेंट देखा था सेक्शन 90 में, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वाला बनता है ना, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का एग्रीमेंट ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का एग्रीमेंट नहीं है तो नेस्ले स्विस ने तो फाइल कर दी स्विट्जरलैंड की टैक्स अथॉरिटी को। अब स्विट्जरलैंड की टैक्स अथॉरिटी इंडिया वालों के साथ शेयर क्यों करेगी? जब एग्रीमेंट नहीं है तो शेयर क्यों करेगी? शेयर नहीं करेगी। तो ऐसे केस में जो नेस्ले इंडिया लिमिटेड है जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है उसको सीबीसी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ जाएगी। तीसरा केस, स्विट्जरलैंड में सीबीसी रिपोर्ट का प्रोविजन तो है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का एग्रीमेंट भी है लेकिन कोई सिस्टमेटिक फेलियर आ रहा है। क्या रहा है? सिस्टमेटिक फेलियर आ रहा है। तो ऐसे केस में नेस्ले इंडिया लिमिटेड जो इंडिया की कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है इसको सीबीसी रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ जाएगी अपने पापा मतलब नेस्ले स्विस लिमिटेड अपनी होल्डिंग कंपनी से मांग के इसको फर्निश करनी पड़ जाएगी। ये थी तीन स्पेशल केस जहाँ कंस्टिट्यूएंट एंटिटी को सीबीसी रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ जाएगी। आगे बता रखा है अगर आप सीबीसी रिपोर्ट टाइम पे फर्निश नहीं करते पेनल्टी लगेगी। एक महीने का डिले है 5000 पर डे, एक महीने के बाद 15000 पर डे, और नोटिस आ गया आपका डिपार्टमेंट का, उसके बाद भी नहीं करते तो 50,000 पर डे नोटिस आने के बाद ही नहीं करते। तो आगे बता रखा है अगर आप सीबीसी रिपोर्ट में इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हो 5 लाख की पेनल्टी आपको देनी पड़ जाएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला देख रहे हैं अपन डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92BA में बता रखा है, बिल्कुल फालतू है, ना कभी आया ना कभी आएगा। किस पे लगता है ये? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हुए हों और सारे के सारे क्या हैं उसमें, सभी के सभी क्या हैं रेजिडेंट हैं, तो वो होते हैं डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। ये सभी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन नहीं लगता, कौन से पे लगता है? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। आप बोलोगे स्पेसिफाइड क्या होते हैं? अगर मान लो इंडिया में दो एंटरप्राइज है, एक नॉर्मल एंटरप्राइज है और एक टैक्स होलीडे एंटरप्राइज है जिसको ATIB, ATIC का डिडक्शन मिलता है, तो नॉर्मल एंटरप्राइज ने क्या किया? प्रॉफिट टैक्स होलीडे एंटरप्राइज को शिफ्ट कर दिया, तो ये लग जाएगा डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग। दूसरा, एक एंटरप्राइज है इंडिया में जिसको प्रॉफिट हो रहा है, एक एंटरप्राइज को लॉस हो रहा है, दोनों एसोसिएट हैं, प्रॉफिट एंटरप्राइज ने क्या किया? अपना प्रॉफिट लॉस मेकिंग एंटरप्राइज को शिफ्ट कर दिया ताकि लॉस मेकिंग एंटरप्राइज क्या करे, अपने लॉस का सेट ऑफ मार सके, तो उस केस में क्या लग जाएगा? डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। लेकिन ये कब लगता है? अगर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो हुए हैं वो 20 करोड़ से ज़्यादा के हुए हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा के हुए हैं तो ही लगता है, 20 करोड़ तक हुए हैं तो नहीं, 20 करोड़ से ज़्यादा के हैं तो ही लगता है। और लास्ट पॉइंट दे रखा है, अगर डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग है तो सेक्शन 92A, C, CA, DE और पेनल्टीज वगैरह एज इट इज अप्लाई हो जाएंगी। फालतू था, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रांसफर प्राइसिंग में एक आपको दे रखे थे सेक्शन 94 में कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रखे थे, सेक्शन 94, 94A और 94B, ये तीनों सेक्शन और पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे काम का तो 94B है, लेकिन तीनों देख रहे हैं, तीनों दे रखे हैं। तो सबसे पहले 94 देखते हैं अपन, स्पेशल प्रोविजन फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, जिसको अपन डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड बोनस स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं, डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग बोलते हैं। डिविडेंड स्ट्रिपिंग तो देखो अब काम का नहीं होता, काम का क्यों नहीं होता? अब डिविडेंड की इनकम क्या होती है? शेयर होल्डर के हैंड पे टैक्सेबल होती है, 1034 अप्लाई नहीं होता। और जो UTI म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती है वो यूनिट होल्डर के हैंड पे टैक्सेबल होती है, सेक्शन 1035 अब है ही नहीं।
पहले जब डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था या यूटीआई म्यूचुअल फंड की इनकम एग्जेम्प्ट होती थी तब वो काम का होता था, लेकिन अब काम का क्या है, एक है सेक्शन 94 सब सेक्शन 8, 94(8) बोनस स्ट्रिपिंग। बोनस स्ट्रिपिंग ये क्या होती है, बोनस स्ट्रिपिंग ये समझो ध्यान से, बोनस स्ट्रिपिंग क्या होती है, कोई पर्सन क्या करता है रिकॉर्ड डेट से मैक्सिमम 3 मंथ पहले पहले, रिकॉर्ड डेट से मैक्सिमम 3 मंथ पहले पहले कोई भी सिक्योरिटीज या यूनिट्स परचेज करता है। सिक्योरिटीज भी हो सकती है, यूनिट्स भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड की यूनिट हो गई, शेयर्स हो गए, डिबेंचर हो गए। तो कोई पर्सन क्या करता है रिकॉर्ड डेट से मैक्सिमम 3 मंथ पहले पहले कोई भी सिक्योरिटीज या यूनिट्स परचेज करता है। रिकॉर्ड डेट को उसको बोनस यूनिट मिलती है, रिकॉर्ड डेट को क्या मिलता है उसको बोनस मिलता है, और रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर, रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर वो ओरिजिनल शेयर्स बेच देता है और बोनस अपने पास सकता है। ओरिजिनल बेच देता है बोनस अपने पास सकता है, ओरिजिनल बेच देता है बोनस अपने पास सकता है। तो क्या होगा, ओरिजिनल बेचने पे अगर उसको लॉस होता है, ओरिजिनल बेचने पे उसको लॉस होता है तो उस लॉस को अपन को इग्नोर करना है, उस लॉस को ना तो वो सेट ऑफ कर सकता ना कैरी फॉरवर्ड कर सकता, उस लॉस को ना तो वो सेट ऑफ कर सकता ना कैरी फॉरवर्ड कर सकता। पर वो लॉस क्या बन जाएगा, उस बोनस यूनिट्स की कॉस्ट बन जाएगा, वो लॉस उस बोनस यूनिट्स की क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा। क्या बोला मैंने, फिर से समझो ये अलग ही पॉइंट है। क्या बोलता है ये, कोई पर्सन क्या करता है रिकॉर्ड डेट से मैक्सिमम 3 मंथ पहले पहले कुछ भी सिक्योरिटीज या यूनिट्स परचेज करता है। अपन शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं बंदो, तो कोई पर्सन क्या करता है रिकॉर्ड डेट से मैक्सिमम 3 मंथ पहले पहले शेयर्स परचेज करता है, रिकॉर्ड डेट को उसको बोनस शेयर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रिकॉर्ड डेट को उसको बोनस शेयर मिलते हैं, और रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर वो ओरिजिनल शेयर्स तो बेच देता है, ओरिजिनल शेयर्स तो बेच देता है और बोनस अपने पास रखता है, बोनस अपने पास रखता है, और उसको ओरिजिनल शेयर बेचने पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। तो वो लॉस उसका डूब जाएगा, वो लॉस ना तो वो सेट ऑफ कर सकता ना कैरी फॉरवर्ड कर सकता, वो लॉस ना तो वो सेट ऑफ कर सकता ना कैरी फॉरवर्ड कर सकता। वैसे लॉस को अपन 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस लॉस को ना तो वो सेट ऑफ कर सकता ना कैरी फॉरवर्ड कर सकता, वो लॉस उसका डूब जाएगा, उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। बट वो लॉस उसका क्या बन जाएगा, जो उसे बोनस शेयर परचेज किए थे, वैसे तो बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, नील होती है, तो जो उसको बोनस शेयर मिले थे उसकी वो कॉस्ट बन जाएगा, वो लॉस क्या बन जाएगा, उसकी कॉस्ट बन जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को आपको एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ, आपको ऐसे समझ में ना आए तो। जैसे मान लो एक पर्सन है अपना मोहन, 1 जून को इसने मान लो शेयर्स परचेज किए, 10,000 शेयर्स परचेज किए एट द रेट रुपीज़ 1 लाख के, 1 लाख के 1,000 शेयर्स परचेज किए। मान लो इसको 15 अगस्त को 500 बोनस मिले, बोनस शेयर्स मिले 500, और इसने क्या किया मान लो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को जो ओरिजिनल शेयर्स थे, ओरिजिनल शेयर्स 1,000 थे इसके पास, वो सेल कर दिए इसने एट दी रेट 80,000 में सेल कर दिए, और बोनस इसके पास अभी भी रखे हुए हैं, वो मोहन के पास किए थे। तो देखो मोहन ने क्या किया, रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले पहले, रिकॉर्ड डेट मतलब जिस दिन इसको बोनस मिला, तो बोनस मिला इसको 15 अगस्त, मैक्सिमम 3 महीने पहले पहले इसने शेयर्स परचेज किए थे, 1 जून को किए थे, 1 जून को मतलब 2.5 महीने के अंदर अंदर कर लिए थे, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर कर लिया उसने, कितने किए थे 1,000 शेयर्स 1 लाख के, रिकॉर्ड डेट को इसको बोनस मिल गया। रिकॉर्ड डेट मतलब जिस दिन उसको बोनस मिला उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट, जिस दिन बोनस मिला उसको बोलेंगे पर रिकॉर्ड डेट, और रिकॉर्ड डेट से 9 महीने के अंदर अंदर, 9 मंथ्स के अंदर अंदर, तो इसने 15 अगस्त से 31 दिसंबर मतलब लगभग 4.5 महीने के अंदर अंदर ही सेल कर दिए ओरिजिनल शेयर्स, कितने में 80,000 में। तो ओरिजिनल शेयर्स 80,000 में सेल करे और परचेज कितने में किए थे 1 लाख में, 20,000 का इसका आ रहा है लॉस। अगर ये कैपिटल हेड का है तो शॉर्ट टर्म आ रहा है, शॉर्ट टर्म का बेटर लॉस, और अगर मान लो इसका बिजनेस है मोहन का शेयर्स वगैरह परचेज सेल करने का, तो ये पीजीबी भी हेड का आ रहा है, कोई भी हो चाहे पीजीबी भी हो चाहे कैपिटल हेड का हो, कोई भी लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस आ रहा है, ये लॉस ये ना तो सेट ऑफ कर सकता ना कैरी फॉरवर्ड कर सकता, ये लॉस मोहन ना तो सेट ऑफ कर सकता ना कैरी फॉरवर्ड कर सकता, ये लॉस क्या बन जाएगा, इन बोनस शेयर्स की कॉस्ट बन जाएगा। वैसे बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या होती है, नील होती है, लेकिन ये बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा, लेकिन इस लॉस को ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, बोनस शेयर्स की कॉस्ट बन जाएगा। तब ये बोनस शेयर बेचेगा ना तो बोनस शेयर की सेल में से लेस कर सकता है, बस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ये था सेक्शन 94 बोनस स्ट्रिपिंग जो मैंने आपको समझा दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 94A देखते हैं। सेक्शन 94A क्या है, ट्रांजेक्शन विद पर्सन लोकेटेड इन NJA नोटिफाइड ज्यूरिडिक्शनल एरिया, जिसको अपन NJA बोलेंगे। तो कोई पर्सन है जो NJA में लोकेटेड है, उसके हाथ आप ट्रांजेक्शन करते हो, आपके ऊपर सेक्शन 94A के प्रोविजन लग जाएंगे। अब आप बोलोगे NJA क्या होती है, NJA मतलब कोई ऐसी कंट्रीज होती हैं जो इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करती या इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती, तो उन कंट्रीज को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मोदी सरकार क्या कर सकती है, बैठे बैठे NJA डिक्लेयर कर सकती है। तो जो कंट्री इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करती या इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको NJA डिक्लेयर कर सकती है। जैसे मान लो पाकिस्तान इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करता या इंडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पाकिस्तान को NJA डिक्लेयर कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंट्री थी साइप्रस, साइप्रस बोलते की बात है, तो साइप्रस को NJA डिक्लेयर कर रखा था,
लेकिन जब मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने साइप्रस से भी अच्छे संबंध बना लिए और साइप्रस अब इंडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग गया, तो साइप्रस को भी अब एनजीए से हटा दिया गया। अब प्रेजेंट डेट में कोई भी कंट्री एनजीए नहीं है, इंडिया ने किसी को भी एनजीए डिक्लेयर नहीं कर रखा। आप लोगों के क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर क्वेश्चन तो आ सकता है, क्वेश्चन लिख देगा कंट्री ए इज एनजीए, कंट्री बी इज एनजीए या कंट्री एक्स इज एनजीए, कुछ भी लिख सकता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आ गया तो एनजीए के प्रोविजन क्या होंगे, तो ये प्रोविजन बोलते हैं अगर आप किसी भी पर्सन के साथ जो एनजीए में लोकेटेड है उसके साथ अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, वो बन जाएगा डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, चाहे वो आउटसाइडर है चाहे आपका ए ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका ए ही मान लिया जाएगा, आपका एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिया जाएगा और डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन जाएगा और आपके पास ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। जैसे मान लो कंपनी टाटा इंडिया, टाटा इंडिया ने क्या किया, एक पर्सन है माइकल, माइकल जो एनजीए में रहता है, इसके साथ एक ट्रांजेक्शन किया सेल का, क्या बन जाएगा ये डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। माइकल मान लो एक थर्ड पर्सन है, फिर भी क्या बन जाएगा डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, चाहे माइकल आपका एसोसिएट हो चाहे ना हो, ये एसोसिएट बन जाएगा और आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। अब आगे बता रखा है आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन तो लग गए, मान लो आपकी एक से ज़्यादा आर्म्स प्राइस आ रही है, अप टू फाइव आ रही है, क्या लगाते हैं अपना अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट। अब अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट मैंने आपको बताया था 3% का प्लस माइनस का वेरिएशन होता है, 3% का आपको टॉलरेंस बैंड मिलता है कि अगर एक्चुअल और एवरेज आर्म्स प्राइस में डिफरेंस कितना है, अप टू 3% है, तो अपन एक्चुअल को ही आर्म्स प्राइस मान लेते हैं, वो 3% का जो बेनिफिट मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप एनजीए वाले पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करते हो और आपकी एक से ज़्यादा आर्म्स प्राइस आ रही है, अप टू 5 आ रही है, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में आप आर्म्स प्राइस निकालनी पड़ेगी, वो 3% वाला बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। आगे बता रखा है अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही है एनजीए वाले पर्सन से, मान लो टाटा इंडिया को माइकल से अमाउंट रिसीव हो रही है, लोन लिया है टाटा इंडिया ने 50 लाख का, क्या लिया है लोन लिया है माइकल से, तो अगर आपको कोई भी अमाउंट एनजीए वाले पर्सन से रिसीव हो रही है, ये रेसिपिएंट की इनकम मान लिया जाएगा, जिस पर्सन को रिसीव हो रही है टाटा इंडिया की क्या बन जाएगा इनकम बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, लोन भी क्या बन जाएगा इनकम बन जाएगा। अगर टाटा इंडिया ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि 50 लाख रुपये इस माइकल के पास, इस बर्बाद देश के पर्सन के पास कहाँ से आए, एनजीए मतलब बर्बाद देश, इंडिया क्या मानता है एनजीए को बर्बाद देश है साला, जो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, तो ये 50 लाख क्या बन जाएगा टाटा इंडिया की इनकम बन जाएगा, अगर टाटा इंडिया एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि 50 लाख माइकल के पास कहाँ से आए। तो अगर इंडिया वाला कोई भी पर्सन अगर एनजीए वाले पर्सन से कोई भी अमाउंट रिसीव करता, चाहे लोन का हो चाहे इक्विटी का हो, वो उसकी इनकम मान लिया जाएगा, वो रिसीव वाले की इनकम मान लिया जाएगा, अगर रेसिपिएंट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि वो अमाउंट उस बर्बाद देश के पर्सन के पास कहाँ से आए, बर्बाद देश के पर्सन के पास कहाँ से आए। आगे बता रखा है अगर आप एनजीए वाले पर्सन को कोई भी पेमेंट करते हो, जैसे टीडीएस की लाइबिलिटी है, तो टीडीएस की रेट क्या रहेगी, इनकम टैक्स में जो रेट दे रखी वो ले लो, वो 30% बीच बढ़ जाएगा। मान लो इनकम टैक्स टीडीएस की रेट दे रखी किसी अमाउंट में 5% की, टीडीएस 5% नहीं कटेगा, 5 और 30 बीच बढ़ जाएगा, 6 और 50 अलग ऐड करोगे रेट क्या हो जाएगी 5 और 30 बीच बढ़ जाएगा, या 10 और 30 जो भी रेट है रेट गिवन इन, और 30% बीच बढ़ जाएगा। एनजीए वाले पर्सन का टीडीएस भी हाई रेट से कटेगा, एनजीए वाले पर्सन का टीडीएस भी हाई रेट से कटेगा। ये कुछ हार्श प्रोविजन, खतरनाक प्रोविजन बना रखे गवर्नमेंट ने अगर आप एनजीए वाले पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करते हो तो। अब अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 94 भी, काफ़ी बार रिपीट होता है ये भी। जैसे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें, एक तो कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, दूसरा अपना सेकेंडरी एडजस्टमेंट और तीसरा है 94 भी, सबसे इंपॉर्टेंट। इन तीन में से दो टॉपिक के तो हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, एक कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस तो फिक्स है ही, और इन दोनों टॉपिक में 92CE और 94 भी, इनमें कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, ये भी काफ़ी रिपीट होते हैं 94 भी। अब 94 भी क्या है, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन। अब ये सेक्शन क्यों लाया गया, ये भी इंडिया ने कॉपी किया, कहाँ से, वही BEPS का एक्शन प्लान, जैसे BEPS का एक्शन प्लान 13 कॉपी करके सेक्शन 286 बनाया कंट्री बाई कंट्री रिपोर्ट, ऐसे ही उसी को कॉपी करके एक एक्शन प्लान था एक्शन प्लान 4, उसको कॉपी किया इंडिया ने और यहाँ पेश करके सेक्शन 94B बना दिया। क्यों बनाया गया, थिन कैपिटलाइजेशन को रिमूव करने के लिए, थिन कैपिटलाइजेशन को रिमूव करने के लिए। अब आप बोलोगे थिन कैपिटलाइजेशन क्या होती है, देखो थिन कैपिटलाइजेशन क्या होती है, पहले मैं ये समझाता हूँ आपको। देखो जो इंडिविजुअल होते हैं, फर्म वगैरह होती हैं, इनको तो क्या होता है, इनको अगर फंडिंग जुटानी होती है तो इनके पास एक ही रास्ता होता है लोन वगैरह लेने का, और कोई तरीका नहीं होता, ये कोई इक्विटी वगैरह इशू नहीं कर सकते, कोई इंडिविजुअल शेयर्स इशू कर सकता है, बताओ कोई पार्टनरशिप फर्म शेयर्स इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो ये इनका तरीका क्या होता है फंडिंग कैसे जुटा सकते हैं, ये तो लोन के थ्रू जुटा सकते हैं, लोन के थ्रू जुटा सकते हैं। लेकिन कंपनीज होती है ना, कंपनीज के पास फंडिंग जुटाने के दो तरीके होते हैं, या तो लोन ले लें लोन के फॉर्म में, या इक्विटी के फॉर्म में, या तो लोन ले लें, लोन मतलब डिवेंचर वगैरह भी लोन की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो लोन ले लें या तो क्या इक्विटी, दो ऑप्शन होते हैं कंपनीज के पास। तो कंपनीज क्या करती थी, जो इंडियन कंपनीज होती थी वो क्या करती थी, जब अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से फंडिंग जुटाती थी, किससे, एसोसिएट एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी कौन सी, नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया के बाहर की एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो इंडियन कंपनीज जब अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से फंडिंग जुटाती थी तो वो इक्विटी की जगह लोन को प्रेफरेंस देती थी, इक्विटी की जगह लोन को प्रेफरेंस देती थी। लोन को आप बोलोगे प्रेफरेंस क्यों देती थी, देखो अगर इंडियन कंपनी लोन लेंगी
बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट के पेमेंट का डिडक्शन ले लेंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे मान लो एसोसिएट एंटरप्राइज को, तो आर्म्स लेंथ प्राइस तक तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा ना उनको, आर्म्स लेंथ प्राइस तक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, इंटरेस्ट को खर्चा दिखाएंगे बिजनेस का और डिडक्शन ले लेंगे, इनकम कम कर देंगे, टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो इक्विटी इशू करती हैं, इंडियन कंपनी इक्विटी इशू करके फंडिंग जुटाती हैं, तो इंडियन कंपनी देंगी डिविडेंड। बताओ डिविडेंड का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है क्या? डिविडेंड का डिडक्शन मिलता है क्या? कहीं पे भी नहीं मिलता। आप बोलोगे सेक्शन एटीएम में मिलता है, अरे एटीएम अलग टाइप का सेक्शन है, उसमें डिविडेंड आपको रिसीव होना चाहिए, डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो मिलता है उसमें, तो डिविडेंड का डिडक्शन मिलता नहीं है। जब इंडियन कंपनीज फंडिंग जुटाती थी तो वो इक्विटी की जगह लोन लेना प्रेफर करती थी अपनी एसोसिएट से। अब आप बोलोगे बाहर वालों से, देखो बाहर वालों से आप इक्विटी लोन लोन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? सबके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, लोन के अलग एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज अलग हैं, इक्विटी के एडवांटेज अलग हैं डिसएडवांटेज अलग हैं। लेकिन आप जब एसोसिएट से करते हो ना ट्रांजेक्शन लोन और इक्विटी का, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता, इसमें तो आप कुछ भी जोल कर सकते हो, लोन को इक्विटी बोल दो, इक्विटी को लोन बोल दो, कुछ भी कर सकते हो। तो जब इंडियन कंपनी अपनी एसोसिएट से फंडिंग जुटाती थी तो वो लोन क्या बोलते हैं इक्विटी की जगह लोन को प्रेफरेंस देती थी, ताकि वो इंटरेस्ट का भारी डिडक्शन ले सके, क्योंकि इंडिया में क्या होता है इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, और इंटरेस्ट रेट आप मान लो आर्म्स लेंथ प्राइस से भी पे करोगे तो आर्म्स लेंथ प्राइस से भी इंटरेस्ट की रेट काफ़ी ज़्यादा आएगी, 8% 10%, तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बनेगा, तो आराम से डिडक्शन ले लोगे, इनकम कम कर दोगे, फायदा ही फायदा है। और जिस एसोसिएट को मान लो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है डिविडेंड रिसीव हो रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, किसी कंट्री में मान लो इंटरेस्ट और डिविडेंड में सेम रेट लगती है टैक्स की, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको दिक्कत ही नहीं है, तो ग्रुप ऐसे फायदा उठा देता था। तो उसी इंटरेस्ट पे एक लिमिट लगाने के लिए सेक्शन लाया गया 94B। अभी क्या बोलता है इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो कोई भी इंडियन कंपनी है मान लो, कोई भी इंडियन कंपनी है या किसी फॉरेन कंपनी का पीई इंडिया में, कोई फॉरेन कंपनी जैसे मान लो वीवो लिमिटेड, वीवो एक चाइना की कंपनी है, उसका पीई मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसका ऑफिस या ब्रांच इंडिया में, तो कोई इंडियन कंपनी है तो, या कोई भी फॉरेन कंपनी का पीई इंडिया में, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी बाहर की किसी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से कोई भी डेट ले रहे हैं, कोई भी डेट, डेट मतलब कोई भी लोन ले रहे हैं, कोई भी डेट चलेगी, चाहे वो ऑपरेटिंग डेट हो, चाहे फाइनेंशियल डेट हो, चाहे करंट डेट हो, चाहे नॉन करंट हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म, कोई भी डेट ले रहे हैं, कोई भी डेट ले रहे हैं और बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं, बदले में इंटरेस्ट का खर्चा कर रहे हैं या इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, कोई इंडियन कंपनी है या किसी फॉरेन कंपनी का पीई इंडिया में, वो अपनी नॉन रेजिडेंट, अपनी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से, अपनी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट, मैं थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अपनी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से कोई भी डेट ले रहे हैं, कोई भी डेट, डेट कोई भी हो सकती है जिस पे इंटरेस्ट बनता है, डेट का मतलब क्या बता रखा है यहाँ पे, कोई भी डेट जिस पे इंटरेस्ट बनता है, जैसे मान लो नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज में इंडियन कंपनी को गुड सेल करे क्रेडिट पे, गुड सेल करे 50 करोड़ के क्रेडिट पे, क्रेडिट पे करे, और इंडियन कंपनी क्या कर रही है बदले में उस क्रेडिट पे इंटरेस्ट का पेमेंट दे रही है, तो वो भी डेट मान ली जाएगी, वो भी डेट, कोई भी डेट जिस पे इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ आ जाएगी। तो इंडियन कंपनी या किसी फॉरेन कंपनी का पी इंडिया में है, वो क्या कर रही है अपनी बाहर की किसी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से कोई भी डेट ले रही है और बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है। तो इंटरेस्ट का पेमेंट मान लो वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे कर रही है, मान लो ये इंटरेस्ट का पेमेंट किस पे कर रही है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे, फिर भी ये इंटरेस्ट पूरा अलाउ नहीं होगा, पूरा अलाउ नहीं होगा, फिर भी कितना अलाउ होगा, ये ओनली अप टू 30% ऑफ EBITDA इस इंडियन कंपनी का या इस फॉरेन कंपनी के पीई का, जो EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को लेस करने से पहले जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 30% तक अलाउड होगा, और एक्सेस वाला डिस अलाउड हो जाएगा। एक्सेस वाला क्या हो जाएगा, एक्सेस वाला डिस अलाउड हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लो एक इंडियन कंपनी है टाटा इंडिया, इसकी एक एसोसिएट एंटरप्राइज है टाटा यूएस, जो क्या है इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है, टाटा यूएस एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब टाटा इंडिया की EBITDA आपको दे रखा है मान लो 100 करोड़ का, 100 करोड़ का EBITDA दे रखा है, और टाटा यूएस ने टाटा इंडिया को लोन दे रखा था, और टाटा इंडिया बदले में टाटा यूएस को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, इंटरेस्ट टू AE मतलब अपनी एसोसिएट को, जो इसकी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट को, उसमें इंटरेस्ट का कितना पेमेंट कर रही है मान लो 48 करोड़ का इंटरेस्ट है, 48 करोड़ का, ये आर्म्स लेंथ प्राइस है मान लो, आप तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे, आप लोगों के 48 करोड़ डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा 48 करोड़ का, ये लिमिट लगा देता है सेक्शन 94 भी, ये बोलता है कितना अलाउड होगा, ओनली अप टू 30% ऑफ EBITDA, यहाँ कितना अलाउड होगा 100 करोड़ का 30% कर दो, टाटा इंडिया का EBITDA 100 करोड़ दे रखा है आपको, इसका 30% कर दो, ये आया 30 करोड़ तक अलाउड होगा। इंटरेस्ट कितना दे रहे हो आप टाटा यूएस को, 48 करोड़, पूरा अलाउड नहीं होगा, 30 करोड़ तक अलाउड होगा। एक्सेस मतलब 48 माइनस 30 18 करोड़ आपका क्या हो जाएगा,
डिस अलाउड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। ये बोलता है ये सेक्शन, ये बोलता है ये सेक्शन 94B। अब देख लो 94B एक्शन प्लान 4 को इंडिया ने कॉपी किया, किस पे अप्लाई होता है, कोई भी इंडियन कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी का पी इंडिया में उसे भी लगता है, मतलब कंपनी पे लगता है ये फार्म वगैरह पे या इंडिविजुअल पे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, उनके पास तो फंडिंग करने का खाली एक तरीका होता है लोन का, वो ऐसा नहीं कि वो शेयर कैपिटल इशू कर दें, कर ही नहीं सकती वो। तो इंडियन कंपनी या पीई और फॉरन कंपनी इंडिया में जिसने अपनी नॉन रेजिडेंट ए से किससे लिया, ध्यान रखना है रेजिडेंट से नहीं, नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज, नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से कोई भी लोन लिया है, कोई भी डेट लिया है और बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। उस केस में इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा, अप टू 30% ऑफ EBIT अलाउड होगा। अब इंटरेस्ट का मीनिंग क्या बता रखा है, इंटरेस्ट में देखो इंटरेस्ट भी आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, फीस आ जाएगा, ब्रोकरेज आ जाएगा या उस डेट के रिगार्डिंग कोई भी खर्चा लगा आपका सब आ जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली इंटरेस्ट आएगा, मान लो आप नॉन रेजिडेंट अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट बनता है आपका 50 करोड़ का। अब बैंक के थ्रू पे कर रहे हो, बैंक ने कमीशन चार्ज कर लिया मान लो 5 लाख का, तो 5 लाख भी लेंगे, 50 करोड़ 5 लाख कितना लेंगे मतलब 50 करोड़ 5 लाख, तो कोई कमीशन है, फीस है, ब्रोकरेज है, ये भी लग गया आपका इंटरेस्ट की पेमेंट में, आपका कोई कमीशन फीस ब्रोकरेज लग गया, ये सब भी अपन उसमें इंक्लूड कर लेंगे, ये सब इंक्लूड कर लेंगे। और डेट, डेट मतलब कोई भी डेट, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म लोन, ऐसा नहीं है, चाहे ऑपरेटिंग डेट हो, चाहे फाइनेंशियल डेट हो, चाहे लॉन्ग टर्म डेट हो, चाहे शॉर्ट टर्म डेट हो, जिस पे इंटरेस्ट बनता है, जिस पे इंटरेस्ट बनता है तो वो यहाँ सारी कवर हो जाएगी। और कौन सी कवर होगी, यहाँ पे ए वाली होगी, ध्यान देना। आउटसाइडर को अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, आपने आउटसाइडर से लोन ले रखा है, आउटसाइडर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, कुछ काम का नहीं है, उसको लिमिट में लेना ही नहीं है, उसको कहीं यूज ही नहीं करना, कुछ काम नहीं आएगा। अब तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट अलाउड तो होगा, कितना होगा अलाउड, अप टू 30% ऑफ EBIT, और एक्सेस वाला क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। अब इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट दे रखा है ना आपका, उसमें प्रोविजन में आपको सीधा जितना डिसअलाउड होगा एक्सेस इंटरेस्ट, वो सीधा निकालने का तरीका बता रखा है। कैसे निकालने का तरीका बता रखा है, इंटरेस्ट टू ए माइनस 30% ऑफ EBIT और इंटरेस्ट टू ए विच एवरेज लोअर, सीधा डिसअलाउड कर दो। मतलब आप चाहो तो क्या करो, पहले अलाउड निकाल लो, EBIT का 30% कर दो, अलाउड आ गया, और टोटल में से अलाउड लेस कर दो, डिसअलाउड हो जाएगा। और डायरेक्ट आपको डिसअलाउड निकालना है तो इन्होंने शॉर्टकट बता रखा है, क्या शॉर्टकट बता रखा है, इंटरेस्ट टू ए माइनस 30% ऑफ EBIT और इंटरेस्ट टू ए विच एवरेज लोअर, इसको लोअर को डिसअलाउड कर दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कैसे भी कर दो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। EBITDA मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब मैं आपको एग्जांपल लेके और समझा देता हूँ। EBITDA मान लो टाटा इंडिया का 100 करोड़ है और ये नॉन रेजिडेंट ए को जो इंटरेस्ट पे करिए सभी को मिला के एग्रीगेट कितना कर रही है 48 करोड़ का। अब एक्सेस जो डिसअलाउड होगा कैसे निकालोगे, सीधा निकालना है तो इंटरेस्ट टू ए कितना है 48 करोड़ माइनस 30% ऑफ EBITDA और 48 करोड़, मतलब 18 और 48, लोअर क्या आया 18 करोड़, सीधा डिसअलाउड कर दो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है डिसअलाउड निकालने का, अलाउड कितना होगा 100 करोड़ का 30%, मतलब 30 करोड़ टोटल पे कराया आपने 48 माइनस 30 अलाउड हो जाएगा तो 18 डिसअलाउड। पहले अलाउड निकालो फिर डिसअलाउड, और डायरेक्ट डिसअलाउड निकालना है तो इस फॉर्मूले में डाल दो, कैसे भी निकालो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे कैसे भी निकालो। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब जो इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड हुआ, मतलब जो एक्सेस इंटरेस्ट था 18 करोड़ का जो डिसअलाउड हुआ, इसको आप चाहो तो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने देखो इंटरेस्ट टू ए जो था ये आपका आर्म्स लेंथ प्राइस पे था, प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना चाहिए था। सेक्शन 94B ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट पे एक लिमिट लगा दी कि करंट ईयर में आपको 30% ऑफ EBIT तक अलाउड होगा, तो एक्सेस का क्या होगा, तो गवर्नमेंट बोलती है आप दुखी मत हो, एक्सेस को आप क्या कर लो, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, उसको सेट ऑफ कर सकते हो, जैसे आप PGBP हेड का लो सेट करते हो ना, कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करते हो, वैसे ही आप क्या कर सकते हो इसको, मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर तक, मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इसको PGBP हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, या इसी PGBP हेड से डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन डिडक्शन पूरी नहीं ले सकते, लिमिट में डाल के जो 30% ऑफ EBITDA वाली लिमिट है ना उतना ही ले सकते हो। अभी लिमिट में डाल के कैसे ले सकते हो ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मान लो ये अपने जो ऊपर कैलकुलेशन किया ना, 100 करोड़ का EBITDA था और 48 करोड़ का आपका इंटरेस्ट था और 18 करोड़ का डिसअलाउड हो गया, ये मान लो लास्ट ईयर का था, कब का था लास्ट ईयर का, मान लो लास्ट ईयर में 18 करोड़ डिसअलाउड हुआ, 30 करोड़ अलाउड हुआ। अब करंट ईयर में आते हैं, करंट ईयर की बात करते हैं, करंट ईयर में देखो क्या होगा, करंट ईयर में, करंट ईयर की बात करते हैं, करंट ईयर में मान लो आपका EBITDA है 100 करोड़ का EBITDA 100 मान लो आप करंट ईयर में भी, इंटरेस्ट टू ए जो आपका करंट ईयर का है वो है मान लो इंटरेस्ट टू ए 20 करोड़ का, कितना है करंट ईयर का 20 करोड़ का, तो करंट ईयर में आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, अप टू 30% ऑफ EBITDA करोगे आप तो कितना आया 30%, ये आया 30 करोड़ आया, करंट ईयर का इंटरेस्ट है 20 करोड़, मतलब करंट तो पूरा मिल सकता है आराम से आपको, लेकिन लास्ट ईयर का डिसअलाउड कितना रखा आपको 18 का, इसको आप करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हो, पूरा सेट ऑफ नहीं कर सकते,
जितना लिमिट में है उतना कर सकते हो। तो देखो करंट ईयर का 20 करोड़ है, लास्ट ईयर का कितना डिसअलाउड हो रखा है 18, जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो 18, तो 20 प्लस 18 38 करोड़ हो गया टोटल। आपको 38 का नहीं मिलेगा, अप टू 30% ऑफ EBITDA 30 का मिल जाएगा आपको, डिडक्शन 30 का मिल जाएगा। बचा कितना? 8 करोड़। 8 करोड़ और आगे ले जाना, अगले साल ले जाना, अगले साल की लिमिट बढ़ा देना। तो मतलब जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आओगे करंट ईयर में, उसका आपको पूरा नहीं मिलेगा, उसको वो 30% की लिमिट बढ़ाना पड़ेगा, उसको आपको करंट ईयर के इंटरेस्ट में जोड़ना पड़ेगा, फिर लिमिट से कंपेयर करना पड़ेगा, सेम टू सेम। तो ये हुआ, करंट ईयर में EBITDA 100 करोड़ था, इंटरेस्ट टू ए मान लो करंट ईयर का 20 करोड़ था, लास्ट ईयर का 18 करोड़ आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए थे, तो टोटल कितना होगा? 20 प्लस 18 38 हो गया। लेकिन लिमिट कितनी आ रही है? 30 आ रही है, तो 30 मिल गया, 8 करोड़ अभी बचा हुआ डिसअलाउड, वो आप और ले जाओ, आगे ले जाओ और आगे ले जाओ, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे 8 ईयर तक आप क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। या ऐसा समझ लो करंट ईयर का इंटरेस्ट 20 करोड़ है, लिमिट आई आपकी 30 करोड़ की, 30 करोड़ तक अलाउड होगा, तो 20 तो करंट ईयर का ले लो, बैलेंस कितना बचा? 10 पुराने वाला सेट ऑफ कर दो, बचा कितना? 10 तो सेट ऑफ कर दिया, 8 आगे ले गए, 8 आगे ले गए। इस तरह सोच के भी कर सकते हो, इस तरह से ये नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ होगा, पूरा सेट ऑफ एक साथ नहीं होगा, लिमिट तक ही होगा सेट ऑफ, जितनी लिमिट बची हुई है उस लिमिट तक सेट ऑफ होगा। अब आप आ जाओ एक स्पेशल पॉइंट और समझते हैं, ये स्पेशल पॉइंट भी एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको क्या स्पेशल पॉइंट है। मान लो एक एंटरप्राइज अपनी टाटा इंडिया, जो इंडिया की है, और एक है टाटा US, ये इंडिया की है और ये अपनी US की है, दोनों आपस में है एसोसिएट एंटरप्राइज। टाटा इंडिया को पता था अगर ये लोन टाटा यूएस से लेगी और बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी तो 94B वाली लिमिट लग जाएगी, तो इन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? टाटा इंडिया ने जो लोन लिया ना, एक थर्ड पार्टी से लिया, जो है बैंक ऑफ अमेरिका। किससे लिया? बैंक ऑफ अमेरिका। तो कौन है बैंक ऑफ अमेरिका? एक आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी अमेरिका का बैंक है। इसने लोन दिया, इसको मान लो लोन दिया 50 करोड़ का, और टाटा इंडिया क्या कर रही है? इस लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है बैंक ऑफ अमेरिका को 5 करोड़ का। बताओ 94B लगेगा क्या? नहीं लगेगा, आउटसाइडर के हक कर रहा है। टाटा इंडिया लोन किसे ले रही है? आउटसाइडर से, और इंटरेस्ट का पेमेंट भी किसको रही है? आउटसाइडर को। 94B का लगता है जब आप अपनी नॉन रेजिडेंट ए से लोन लेते हो, नॉन रेजिडेंट ए से। तो टाटा इंडिया टाटा यूएस से तो लोन नहीं ले रही, लेकिन अगर मान लो टाटा यूएस क्या कर देता है बैंक ऑफ अमेरिका को इस लोन की रिगार्डिंग, या तो गारंटी दे देता है, क्या देता है? या तो गारंटी दे देता है, या मैचिंग एंड कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट जमा करवा देता है इस लोन के रिगार्डिंग, या तो गारंटी दे देता है बैंक ऑफ अमेरिका को, या एग्जैक्ट सेम अमाउंट, लोन कितने का? 50 करोड़ का, तो 50 करोड़ बैंक ऑफ अमेरिका में जमा करवा देता है टाटा यूएस लिमिटेड। तो ये माना जाएगा कि ये लोन टाटा इंडिया ने जो लिया है ये अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लिया है, और जो इंटरेस्ट पे कर रही है किसको कर रही है? एसोसिएट एंटरप्राइज को कर रही है। क्या मान लिया जाएगा? ये इंटरेस्ट टू ए ही मान लिया जाएगा, और लोन डीम्ड टू बी टेकन फ्रॉम ए, ए से लिया हुआ लोन मान लिया जाएगा, और 94B लग जाएगा। मैंने क्या बोला? आपने लोन थर्ड पार्टी से लिया बैंक ऑफ अमेरिका से, लेकिन आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने उस थर्ड पार्टी को या तो उस लोन की रिगार्डिंग गारंटी दे दी, या तो उस लोन की रिगार्डिंग गारंटी दे दी, या उस लोन की रिगार्डिंग मैचिंग अमाउंट, मतलब एकदम एग्जैक्ट अमाउंट, जितने का लोन था उतनी अमाउंट जमा करवा दी, तो ये माना जाएगा कि लोन आपने अपनी एसोसिएट से लिया है, और जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप अपनी एसोसिएट को कर रहे हो, इंटरेस्ट टू ए ही हो, वो क्या है? इंटरेस्ट टू ए ही है, और आपके ऊपर 94B लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपके ऊपर? 94B लग जाएगा। ये था स्पेशल पॉइंट। क्या दे रखा? देखो आप पढ़ लो, आपने डेट जो ली है किसी थर्ड पर्सन से ली है जो ए ही नहीं है, लेकिन आपकी ए ही उस थर्ड पर्सन को या तो गारंटी दे देती है उस लोन की रिगार्डिंग, या मैचिंग एंड कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट, मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम अमाउंट जमा करवा देती है, ये माना जाएगा कि लोन आपने अपनी ए ही से लिया है, और आपके ऊपर 94B लग जाएगा। ये था स्पेशल पॉइंट जो देख लिया। दो केस बता रखें जहाँ आपको 94B लगेगा नहीं। पहला केस, जो आपका टोटल इंटरेस्ट है सभी नॉन रेजिडेंट ए को मिला के, जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है टोटल कितना बन रहा है पूरे साल में? 1 करोड़ तक बन रहा है, अप टू रुपीज 1 करोड़ तक बन रहा है, सेक्शन 94B नहीं लगेगा, मतलब छोटे मोटे केस में नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज्यादा बन रहा है टोटल इंटरेस्ट टू ए कितना बन रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा बन रहा है तो ही लगेगा, 1 करोड़ तक बन रहा है तो नहीं लगेगा। दूसरा बता रखा है जो बोरोवर है, मतलब जो इंडियन कंपनी जो अमाउंट बोरो कर रही है, या किसी फॉरेन कंपनी का जो पी है इंडिया में, वो अमाउंट जो बोरो कर रहा है, बोरोवर कौन है? बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी है, तो 94B नहीं लगेगा, चाहे कितना भी इंटरेस्ट हो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में, सेक्शन 94B का प्रोविजन नहीं लगेगा। ये था सेक्शन 94B, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो अपन ने डिटेल में कवर कर लिया, और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, सेक्शन 92C कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, एक आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट 92CE, और एक 94B सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक आपको 92A तो आना ही चाहिए कि एसोसिएट कब बनती है, तब जाके आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे, क्या पता एसोसिएट हुई ना,
तो 92 ए तो आना ही चाहिए। ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इनको आप अच्छे से कर लेना। 12 to 15 मार्क्स का ये चैप्टर का वेटेज है, काफ़ी अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का, सिंपल चैप्टर है, अच्छे से कर लेना। इसमें दिक्कत आती है आर्म्स लेंथ निकालने में, उसके लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट लिखवा दिए, वो आप अच्छे से फॉलो करके उनको भी कर सकते हो। अब एक चीज़ और है, काफ़ी सारे लोग शॉर्टकट लगाएंगे, एक क्वेश्चन में उनको दिक्कत आएगी, जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, जो इंस्टीट्यूट ने गलत तरीके से कर रखा है, कौन सा CPM मेथड का, कॉस्ट प्लस मेथड का एक क्वेश्चन है, जिसमें इंस्टीट्यूट ने आपको ग्रोस मार्जिन नहीं दे रखा, ग्रोस मार्जिन नहीं दे रखा, ग्रोस मार्जिन नहीं दे रखा, तो ग्रोस मार्जिन निकाला है। तो ग्रोस मार्जिन अपन क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस मेथड में ग्रोस मार्जिन की परसेंटेज में अपन एडलेस करते हैं, जीपी मार्जिन के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें इंस्टीट्यूट ने अमाउंट के अंदर एडजस्टमेंट कर रखा है, तो उसमें एक वारंटी का एडजस्टमेंट है, जो मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया है, आपको लगेगा कि उल्टा कर रखा है, उस क्वेश्चन में उल्टा कर रखा, लेकिन उल्टा नहीं कर रखा। ध्यान से देखोगे ना, उसमें पहले परसेंटेज शायद 94 के आसपास आ रही थी, और एडजस्टमेंट करने के बाद 93 आ रही है। वारंटी वैसे तो उसमें ऐड कर रखी है अमाउंट में, लेकिन वैसे वो लेस हो रही है, परसेंटेज अपने आप कम हो रही है, वैसे लेस होनी चाहिए थी, वो जो मैंने शॉर्टकट लिखा उसका कौन लेस ही होनी चाहिए थी, वो लेस ही हो रही है परसेंटेज में। अगर आप एडजस्टमेंट डायरेक्ट परसेंटेज में करते थे, अगर आप इंस्टीट्यूट का तरीका नहीं फॉलो करते उस क्वेश्चन में, और परसेंटेज में जैसे अपन एडजस्टमेंट करते हैं वैसे करते, तो अपना जो चार्ट बनाया है वो उस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो जाता। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट के तरीके से करोगे, सीधा अमाउंट में एडजस्टमेंट करोगे उस क्वेश्चन में, बस एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन आज तक इंस्टीट्यूट के, वो चार्ट सब क्वेश्चन में काम करेगा, लेकिन उस क्वेश्चन में भी काम करेगा, उस क्वेश्चन में अपन ने एडजस्टमेंट सीधा अमाउंट में किया, इंस्टीट्यूट ने गलत तरीके से कर रखा है, इस कारण वो अलग तरीके से एडजस्टमेंट दिखा रखा है, बाकी तो वो लेस ही हो रहा है उसमें दिखा देखा जाए तो ये भी काफ़ी सारे लोगों का डाउट आता रहता है, इसलिए मैंने ये बात भी आपको बता दी। बाकी ये चैप्टर अपन ने डिटेल में कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, कोई वगैरह कोई डाउट वगैरह है तो मुझसे पूछ लेना, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैंने पूरा डिटेल में आपको रिवाइज करवा दिया है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।